को जीते। पिछले साल भी मैनचेस्टर पहुंची थी फाइनल तक, मगर देखिए टीम मैनचेस्टर रखेंगे, मगर जो भी एंट्री अच्छी मिलेगी ना उसी के साथ बोलेंगे। हमारा मेन मकसद टीम नहीं जिताना नहीं है, हमारा मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट के लिए चाहे हमारी टीम के साथ रहें चाहे टीम के अपोजिट रहें, हमारा काम है एक अच्छा मैच, ट्रेडिंग वाला मैच जिसमें हम प्रॉफिट निकाल सके। तो टीम वालों ध्यान रखिएगा, हमारा मेन फोकस प्रॉफिट पे रहेगा। यहाँ पर चलते हैं, जरा बात करते हैं पिच के। जी हाँ, यहाँ पर बात कर लीजिएगा पिच के, पिच किस तरीके से रहेगी। तो पिच को देख लीजिएगा आप, यहाँ पर इस पिच के ऊपर लॉर्ड्स लंदन की यह पिच है, बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल ये पिच है। फसलिंग एवरेज स्कोर 149 है। थोड़ा सा स्पिनर और तेज गेंदबाज को ये बराबर मदद करती है पिच। यहाँ पर ज्यादातर मुकाबले चेज करने वाली टीम जीतती है, और मैनचेस्टर ने टॉस जीतकर इसीलिए यहाँ पर गेंदबाजी ली है और टोटल को चेज करना चाहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी टीम मैनचेस्टर है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर चेज ज्यादा होता है। मगर देखा जाए लॉर्ड्स की टीम बल्लेबाजी के लिए तो अनुकूल है, तेज गेंदबाज और स्पिनर गेंदबाजों को भी विकेट मिलते हैं यहाँ पर। बाकी ओवरऑल फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर जो है 149 है, मगर सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर भी 139 के आसपास है यहाँ पर। तो ये पिच का सूरत हाल। अब चलते हैं जरा बात करते हैं यहाँ पर ग्राउंड के स्टेट्स की। तो ग्राउंड के स्टेट्स की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर वेन्यू स्टेट्स है, ये 14 मुकाबले इस पिच पे खेले गए हैं, 5 मुकाबले पहले बल्लेबाजी, 9 मुकाबले यहाँ पर चेस करने टीम जीते हैं, 38% मुकाबले पहले बल्लेबाजी और 62% मुकाबले यहाँ पर चेस करने टीम जीते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 149 है, मगर सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 138 है यहाँ पर। हाईएस्ट स्कोर जो है 192 रहा है इस पिच के ऊपर, बने हैं 192 रन बने हैं इस पिच पे। 132 रन इस सीजन के अंदर चेज हुआ है, मगर ओवरऑल देखा जाए 163 रन चेज हुए हैं इस पिच के ऊपर। तो मेरे हिसाब से मिली जुली ये पिच है, अगर वो टीम पहले बल्लेबाजी करे टीम उसकी कोशिश रहेगी कि 160 प्लस स्कोर जो है वो खड़ा किया जाए और वो डिफेंड किया जाए। अगर कोई टीम चेज कर रही है, जैसे मैनचेस्टर चेज कर रही है, तो कोशिश ये रहेगी कि ओवर को 150 से नीचे स्कोर पे रोका जाए और टोटल को जो है वो चेज किया जाए यहाँ पर। तो ये पिच यहाँ पर ग्राउंड के स्टेट्स अगर बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन की, तो स्पिनर डाल लीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा 48% विकटे जो है वो तेज गेंदबाज और 52% विकटे जो है स्पिनर गेंदबाज जो है वो चटकाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मिली जुली ये पिच है, तेज गेंदबाज स्पिनर गेंदबाज दोनों के पीछे मदद करती है। तो मेरे हिसाब से आप सब लोग जो है दो तेज गेंदबाज, दो स्पिनर गेंदबाज, दो ऑलराउंडर जो है वो टीम में रह सकते हैं और टीम जो है वो काफी बढ़िया हो जाएगी आपकी। तो पेस और स्पिन में 52% विकटे स्पिनर गेंदबाज, 48% विकटे जो है तेज गेंदबाज और 51 विकेट छटकाए स्पिनर गेंदबाजों ने, 47 विकेट छटकाए हैं तेज गेंदबाजों ने। तो मेरे हिसाब से मिली जुली ये पिच है, दो तेज गेंदबाज, दो स्पिनर गेंदबाज, दो ऑलराउंडर जो है अपनी फैंटेसी टीम में रख लीजिएगा। अब फैंटेसी टीम में कौन कौन से प्लेयर रखने हैं उसकी तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहेगा। चलते हैं जरा बात करते हैं फैंटेसी टीम की तरफ। तो बात करते हैं पहले ओवल की। ओवल की टीम में आज काफी चेंजेस, 3 चेंजेस किए हैं ओवल की टीम ने। तो ओवल की टीम से सबसे पहले नाम आता है सैम बिलिंग्स का। सैम बिलिंग्स विकेट कीपिंग भी करेंगे प्लस बल्लेबाजी भी करेंगे, तो एज अ बल्लेबाज, एज अ विकेट बल्लेबाज सैम बिलिंग्स को रख लीजिएगा टीम के अंदर। अगले बल्लेबाज हैं वो है जेसन रॉय, जेसन रॉय को रख लीजिएगा, और विल जैक को रख लीजिएगा आप यहाँ पर। जी हाँ, विल जैक और जेसन रॉय दोनों को रख सकते हैं आप यहाँ पर। ऑलराउंडर के लिए सैम करन जो है वो अच्छे रहेंगे, तो सैम करन को आप रख लीजिएगा। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर नीचे की तरफ, जी हाँ नीचे की तरफ तो है ही सैम करन, पर गेंदबाजी के लिए मेरे हिसाब से टॉम करन और गुस एटिक्सन जो है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जसन रॉय, विल जैक, सैम करन, जी हाँ जसन रॉय, विल जैक, सैम करन, सैम बिलिंग्स, गुस एटिक्सन और टॉम करन जो है वो अच्छा कर रहे हैं, दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो दोनों को आप रख सकते हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, तो इस टीम से जॉश बटलर और फिलिप सॉल्ट, ये दो नाम तो आप भूलेंगे नहीं, दोनों को रख लीजिएगा यहाँ पर। साथ में अगर बात की जाए तो लॉरी इवंस और मैक्स होल्डन, दोनों में से किसी एक को रख लीजिएगा। मैं जाऊंगा मैक्स होल्डन के साथ, क्योंकि बल्लेबाजी पिछले मैच में उन्होंने अच्छी की थी और टैलेंटेड खिलाड़ी है, तो मैं मैक्स होल्डन के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पर। ऑलराउंडर के लिए मेरे हिसाब से पॉल वॉल्टर जो है वो अच्छी चॉइस है, तो पॉल वॉल्टर को रख लीजिएगा गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, गेंदबाजी के लिए मेरे हिसाब से तो रिचर्ड गैल्सन, जी हाँ रिचर्ड गैल्सन को रख लीजिएगा, और मेरे हिसाब से रिचर्ड गैल्सन को रख लीजिएगा आप। साथ में अगर रखना है तो फिर जॉश शेल्टर को रख सकते हैं, ये दोनों गेंदबाज जो रख सकते हैं आप। तो ये हो सकती है फैंटेसी टीम। कप्तान के लिए मेरे हिसाब से तो भाई
मेरे को अभी भी नाम ना जॉस बटलर का ही सूझ रहा है, क्योंकि जॉस बटलर की बल्लेबाजी जो है वो काफी चल रही है, अच्छे फॉर्म में भी है, तो जॉस बटलर रख लीजिएगा। और फाइनल में अगर गॉड अच्छा है, रन बनाते हैं, रन बनाते नहीं है ऐसे तो मेरा गॉड थोड़ा सा खराब है, मगर रख लीजिएगा, क्या पता रन बनाते नजर आए आज के इस मुकाबले में। कप्तान के लिए सैम करन जो है वो अच्छी चॉइस रह सकते हैं। तो चलिए मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। यहाँ पर बता चलिए, प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंटर कर रहे हैं। जी हाँ, प्लेयर जो है वो ग्राउंड की तरफ एंटर करना शुरू कर रहे हैं, तो तैयार हो जाएगा इस मुकाबले के लिए। मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहेगा, मैनचेस्टर वर्सेस ओवल का ये मुकाबला, और ओवल की टीम दूसरे सीजन में अपना दूसरा फाइनल जो है वो खेलने के लिए उतरेगी। तो हमारी टीम मैनचेस्टर रहेगी, मगर ध्यान रखिएगा टीम से नहीं, हमें प्रॉफिट से फर्क पड़ता है, तो प्रॉफिट के साथ रहेंगे। उम्मीदें यही है कि जबरदस्त खेल जो है वो दिखाते नजर आएंगे इस मुकाबले के अंदर। तो देखते हैं आज किस तरीके से खेला होबे कि पहला होबे, तो समय बताएगा, मगर मुकाबला जो है वो सुपर से भी ऊपर रहेगा। यहाँ पर काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर, और सोमन भाई जुड़ चुके हैं, मोहन भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मयंक भाई जुड़े हुए हैं। भाई बारिश हो गई, तो भाई बारिश हो गई तो खत्म ही हो जाएगा ना मैच। दो टीमों के अगर भाई मिनिमम 25 गेंदे होने चाहिए मुकाबला शुरू, मुकाबले के रिजल्ट आने के लिए, ध्यान रखिएगा मिनिमम 25 गेंदे होने चाहिए यहाँ पर मुकाबले में जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो फैसला आने के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैनचेस्टर ओरिजिनल वर्सेस यहाँ पर मुकाबला है ओवल इनवेंसिबल से, तो प्लेयर आ चुके हैं, रिचर्ड गैल्सन के हाथ में गेंद है। जी हाँ, पहली गेंद लेकर चलते रिचर्ड गैल्सन, अर्जुन गैल्सन, और सामने है जेसन रॉय, कोई रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद चौट गेंद, यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहने की उम्मीद है। एक बार फिर से अर्जुन गैल्सन जो है वो गेंद लेकर चल रहे हैं जेसन रॉय के लिए, एक और डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर, स्कोर अभी भी 2-0। जी हाँ, 0-0, दो गेंदे हो चुकी है। और अर्जुन गैल्सन ने पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी जो है वो काफी अच्छी की थी, मगर दिक्कत ये है मैनचेस्टर की जो कमजोरी है वो गेंदबाजी है। अब देखना होगा आज क्या करते हैं। दो गेंदे हो चुकी हैं, स्कोर अभी भी 0 है यहाँ पर। उम्मीदें यही है कि रन बनते नजर आए इस पिच के ऊपर। एक बार फिर से रिचर्ड गैल्सन ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे। जी हाँ, सामने मौजूद जेसन रॉय, फॉर्म जो है वो गायब सा है इस टूर्नामेंट में जेसन रॉय का, मगर जेसन रॉय एक खतरनाक बल्लेबाज है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर अगली गेंद, जेसन रॉय कॉल लीजिए, विकेट आता हुआ। जी हाँ, विकेट आता हुआ यहाँ पर तीसरी गेंद पर, जेसन रॉय जो है वो 0 के स्कोर पे आउट हो चुके हैं। और लीजिए पहला झटका लगता हुआ ओवल इनवेंसिबल्स की टीम को पहला झटका लगता हुआ। रे गुप्ता भाई, 20-20 मैच है क्या भाई? नहीं, 100 गेंदों का मैच है, 100-100 मैच है भाई। मिश्रा जी हैप्पी बर्थडे भाई। नहीं भाई, इरफान भाई हैप्पी संडे लिख दीजिएगा, ये तो हम करते नहीं जो चीज आप लिख रहे हैं। मगर यहाँ पर विकेट आता हुआ पहला झटका दे दिया है रिचर्ड गैल्सन ने, और जेसन रॉय जो है वो आउट हो चुके हैं। तो तीन गेंदों के बाद 0 का स्कोर है, एक विकेट गिर चुका है यहाँ पर। पॉल स्टर्लिंग को आज खिलाया गया है इस मुकाबले के अंदर, देखते हैं बल्लेबाजी किस तरीके से करेंगे। मगर एंट्री, क्या एंट्री लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, आज एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसा हुआ तो 60%। जी हाँ, मैनचेस्टर फेवरेट है, अभी हमारी टीम मैनचेस्टर ही है, मगर हम अपोजिट एंट्री लेंगे, ओवल के ऊपर एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर 50% अमाउंट को यूज करिएगा और ओवल के साथ रहिएगा, क्योंकि दूसरी गेंद पर ही मौका, तीसरी गेंद पर ही मौका मिल चुका है, 60 पैसे है। तो यहाँ पर एंट्री लीजिए, और यहाँ पर जो है 60% अमाउंट है, हाफ एंट्री लीजिएगा, और हाफ एंट्री जी हाफ लिमिट यूज करिएगा, और ओवल को भी विन करिएगा। दिवाकर भाई, इसमें टीम बता दो, लॉस हो गया पहले वाले दिन में, कोई बात नहीं, उठकर भाई अभी ओवल पे लगा दीजिएगा और वेट करिएगा यहाँ पर। हुज योर फेवरेट टीम भाई? वैसे मैनचेस्टर में सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर अभी एंट्री उल्टी लेनी है, अभी ओवल को विल करना है, कि ओवल तो देखिए रन बनाएगा जरूर, मैनचेस्टर आसानी से नहीं जीत पाएगा इस मुकाबले को। तो रन बनेंगे यहाँ पर इस पिच के ऊपर, तो पहले यहाँ पर रिचर्ड गैल्सन एक बार फिर से गेंद लेकर चलते हुए ओवर की चौथी गेंद सामने है, पॉल स्टर्लिंग लेफ्ट स्टंप पे गेंद कलाव का सारा खेल दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए थे, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। जो भाई सुन रहे हैं, जो हमें जानते हैं, उनको बता दे भैया यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री ले लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा अभी मैनचेस्टर की टीम को। जी हाँ, अभी सपोर्ट करिएगा, मैं कह रही हूँ ओवल की टीम को सपोर्ट करिएगा और वेट करिएगा दूसरी एंट्री के लिए। ओवल चेक होगा, चलेगा क्या नहीं पता नहीं भाई क्या कह रहे हैं। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। अमोल भाई कैसे हैं आप? जुड़े हैं हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़ते रहिएगा। द 100 मेंस कॉम्पिटिशन का ये फाइनल मुकाबला है, अब देखने वाली बात होगी आज किस तरीके से खेल चलता है। एक बार फिर से
गेंद लेकर चलने की पूरी उम्मीद, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि रन बनने की पूरी उम्मीद है यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से विल जैक है स्ट्राइक पर, ओवर की आखिरी गेंद ऑस्टम पे, गेंद तीसरे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद बास की तरफ, फील्डर मिड ऑफ का फील्डर दौड़ रहा है गेंद के पीछे, चौका मिल जाएगा इस गेंद पर। पहली एंट्री में दे चुका हूँ यहाँ पर जी, पहली एंट्री हमारी यही है कि हाफ लिमिट को यूज करिए, अभी ओवल को विन करिएगा, अभी ओवल को विन करिएगा, ये एंट्री दे चुके हो आप। हीरो भाई क्यों, करण भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, गौरव भाई कह रहे हैं हाय सर, हाय गौरव भाई कैसे हैं। ओवल पर छोटी एंट्री ली है मिश्रा जी, बिल्कुल छोटी नहीं, लिमिट का 50% यूज करिएगा। यासिर भाई जुड़ चुके हैं, हेलो भैया, हेलो यासिर भाई कैसे हैं। तो 5 रन बन चुके हैं, 1 विकेट नुकसान पर जयसन रॉय 0 के स्कोर पे आउट हुए हैं। दीपक भैया राम राम, राम राम रिजवाल भाई, देखिए राम राम होता रहेगा और जैसे राम भी हो जाएगा यहाँ पर, मगर आप सब लोग जुड़ जाएगा भाई, मना आपको सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू गौरव भाई। भैया मैं आ गया हूँ, ठीक है, जो जो लोग आप जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ उनको बता दें कि भाई छोटी सी एंट्री ले लीजिएगा, छोटी नहीं, हाफ लिमिट को यूज करिएगा, अभी ओवल को विन कर दीजिएगा, रन्स बनेंगे। मैनचेस्टर की गेंदबाजी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो रन लीक जरूर करेंगे यहाँ पर, तो वेट करिएगा, अगर यहाँ पर ही बुक सेट हो जाएगी तो बढ़िया ही है, क्यों मैच में घुसेंगे। अगले गेंद पर फिर से अंदर आती हुई गेंद थी, पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई जॉश लिटिल की और मिस कर गए पूरी तरीके से इस गेंद को विल जैक। तो स्कोर अभी भी 5 रन 1 विकेट नुकसान पर, 6 गेंदें हो चुकी हैं जी। अब पढ़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई, ये थोड़ा सा खराब शॉट था, गेंद तो देखना चाहिए था विल जैक को, अभी तक 2 गेंदों में 4 रन बना के खेल रहे हैं, 6 गेंदों के बाद 5 रन 1 विकेट नुकसान पर। पारस भाई जुड़े हैं, पिच कैसी है भाई, विवास राज भाई थोड़ी देर और वेट करिएगा, हाफ इनिंग बता देगा पिच कैसी है। वुमेन का स्ट्रेट होगा, कोई बात नहीं, सर भाई रिस्क तो लेना ही था, मैंने भी उन्होंने सुपर चार्जेस पर रिस्क लिया था कि नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैच है भाई, एक जीतेंगे एक हारेंगे, कल भी तो काफी सीधे मैच हुए थे यहाँ पर। चले अगली गेंद पर फिर से ऑस्टन के बाहर ड्राइव करने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, एक और डॉट गेंद आती भी यहाँ पर, तो स्कोर अभी भी 7 गेंदों के बाद 5 रन 1 विकेट नुकसान पर जी। मैनचेस्टर वेन जैशिया राम भाई, बिल्कुल भाई बसंत भगा भाई, मैनचेस्टर पे लोग आज ज्यादा थोड़ा सा सपोर्ट करें, मगर हमें ओवल को के साथ भी रहना है, क्योंकि ओवल भी चाहे यहाँ पर खेल नहीं रहे गेंदबाज इनके पास, मगर टीम जो है वो अच्छा खेलती है यहाँ पर। चलो चलते हैं, जरा विन करते हैं यहाँ पर, ओवल को भी, अभी ओवल को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी ओवल के साथ रहिएगा ट्रेडिंग वाले, जिन्होंने ओवल पे एंट्री ले लिया है, वेट करिएगा अभी और रन बनने दीजिए। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर विल जैक को, लेग स्टंप पे गेंद थी, पैर पकड़ाई, अपील कर रहे हैं जॉश लिटिल का, एक और विकेट मिलेगा जी नहीं, यहाँ पर जॉश लिटिल इशारा करते हैं जॉश बटलर की, लेग स्टंप को मिस कर जाएगी ये गेंद, इसीलिए रिव्यू जो है नहीं लीजिएगा। और अच्छी गेंदबाजी जॉश लिटिल की, 3 लगातार अच्छी गेंदें कर चुके हैं, स्कोर अभी भी 5 रन 1 विकेट नुकसान पर, 8 गेंदें हो चुकी हैं। और जिन्होंने पिछले सीजन का फाइनल मुकाबला नहीं देखा है वो जाके दोबारा उसका रिजल्ट चेक कर लीजिएगा और वेट करिएगा, फिर मैच को देखिएगा, क्योंकि अपना प्रेडिक्शन भी आप कर सकते हैं। 160 अब बनेगा कन्फर्म भाई, इतना स्कोर नहीं बनता भाई फाइनल में, मेरे हिसाब से 150-155 रन का स्कोर हो सकता है। और यहाँ पे चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, एक बार फिर से अगली गेंद, जॉश लिटिल रूम बनाकर कट कर दिया गेंद को डीप पॉइंट दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ पॉल स्टिलिंग आज टीम में खेले हैं, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन और एडम जाम्पा जो है वो रवाना हो गए साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि वहां पर T20 सीरीज है उसको खेलना है, इसलिए आज का मुकाबला वो खेल नहीं पाएंगे। 6 रन 1 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है, 9 गेंदें हो चुकी है, शुरुआत थोड़ी धीमी है मगर रन्स बनने की उम्मीद रहेगी यहाँ पर, रन्स बनने की उम्मीद रहेगी। और जो लोग सपोर्ट पूछ रहे हैं भाई, मैनचेस्टर मेरी टीम है मगर मैंने एंट्री अपोजिट दी है, अभी मैंने ओवल को विन करने के लिए कहा हुआ है। संदीप भाई कह रहे सर अगर ओवल जीती तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे, अरे यार कैसी बात कर। चलिए अगली गेंद पॉल स्टिलिंग को, बड़ा शॉट खेलने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद आती हुई, तो 10 गेंदे जी हाँ 10 गेंदें हो चुकी हैं, मात्र 6 रन 1 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर, 1500 के ले लिए भाई, बिल्कुल सही किया ओवल यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर भाई, और बाकी अमाउंट रख लीजिएगा, वेट करिएगा भाई, लाइक कर रखे कर लो, बिल्कुल भाई सही है भाई, लिख के रख लो भाई, लिख लिया भाई, लव अवेशी भाई लिख लिया है, बिल्कुल गौरव भाई का सैम करुण कैप्टन बना सकते हैं, सकता है सैम करुण कैप्टन बनाएंगे भाई, सैम करुण की बल्ले और गेंदबाजी दोनों ही कुछ खास चल नहीं रही है, इसलिए मैं सैम करुण से थोड़ा दूरी अच्छा रखता हूँ, बाकी अब देखते हैं किस तरीके से खेल चलता है। बाकी आप सब लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से यहाँ से गेंद लेकर चलेंगे, अब देखना होगा किस तरीके से ये गेम जो है चलता नजर आता है। एक बार फिर से यहाँ पर देखा जाए, 10 गेंदें हो चुकी हैं, 10 गेंदें यहाँ पर हो चुकी हैं। जो भाई हमारे साथ यहाँ पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। ओवल वर्सेस मैनचेस्टर का मुकाबला, एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर, विल जैक को ये गेंद, कवर दिशा में खेला इस शॉट को, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए, गैलसन की ये गेंद थी और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाया था, इस ओवर की शुरुआत भी चौके के साथ कर दिया है विल जैक ने, और विल जैक को एक बड़ी पारी यहां से खेलनी होगी जी हां।
बड़ी पारी यहां पर खेलनी होगी। स्कोर हो चुका है 10 रन 1 विकेट नुकसान पर, 11 गेंदे हो चुकी हैं और विल जैक किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे इस फाइनल मुकाबले में, इस पे नजर होगी। जी हाँ, इस पे नजर होगी आज किस तरीके से करेंगे। मगर जो भाई नए जुड़ रहे हैं आप सब लाइक करिएगा। ओवर 10 रन लगा दिए ब्रो, वेट करो क्रिकेट वर्ल्ड भाई। अब अगले के कदमों का इस्तेमाल किया विल जैक ने, कट कर दिया गेंद को डीप पॉइंट दिशा में, गेंद जाती हुई 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। पॉल स्टिलिंग अभी तो 2 गेंदे खेली है, मात्र 1 रन बनाया, मगर पॉल स्टिलिंग एक खतरनाक बल्लेबाज है, हार्डर बल्लेबाज है, बल्लेबाजी जो है वो काफी अच्छी करते हैं। 11 रन बन चुके हैं, 1 विकेट नुकसान, 12 गेंदे हो चुकी हैं। बाकी आप सब लोग जो है वो सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव में पहले पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए सेटबेट के ऊपर। मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपए का है, मिनिमम बैट जो है 10 रुपए की, मगर पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है। जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सेटबेट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। फिर से पॉज स्टिलिंग को अगले गेम लेग स्टंप पे एक गेंद थी कलायो के सारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, एक और चौका आता हुआ इस बार बल्लेबाज से पॉल स्टिलिंग। स्कोर हो चुका है 15 रन 1 विकेट नुकसान पर, 13 गेंदे हो चुकी हैं और पॉल स्टिलिंग जो है वो 3 गेंदों में 5 रन लगा खेल रहे हैं। बड़े बड़े शॉटों की है दरकार, मुकाबला काफी बढ़िया है भाई। मैं ओवर को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, करने दीजिए गौरव भाई, किसी को भी करिए आप सपोर्ट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो अपने व्यूअर्स का प्रॉफिट निकालना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग करने दीजिएगा यहाँ पर। अगली गेंद लेकर चलते हुए जी हाँ, यहाँ पर पॉल स्टिलिंग के लिए रिचर्ड गैल्सन थोड़ा सा ओवर महंगा हो चुका है, 9 रन आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से चलता है। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पॉल स्टिलिंग के रिचर्ड गैल्सन की गेंद, पटकी हुई गेंद, इस बार बल्ला थोड़ा सा घुमाया था, पुल किया था गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। आज फाइनल है क्या? बिल्कुल भाई, आर्टिस्ट स्टाइल भाई फाइनल मुकाबला है आज, और इस फाइनल मुकाबले में आप सबके साथ जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल भाई आप सब लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। क्या लगता है आपको ये खेल जो है किस तरीके से चलते हुए नजर आएगा, इसको समझना होगा। जी हाँ, इसको समझना होगा यहाँ पर। और आप सब लोग जो है बिल्कुल जहां भी हमारे स्ट्रीम को देख रहे हैं क्रिकेट लाइव हिंदी को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से पॉल स्टिलिंग को एक गेंद, मिड ऑफ की बिना की दिशा में, यहाँ पर फील्डर के बिल्कुल हाथ में ये गेंद और लीजिए कैच आउट होते हुए पॉल स्टिलिंग 5 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए ओवल इनवेंसिबल्स को लगता हुआ दूसरा झटका। जी हाँ, 15 रन 2 विकेट नुकसान पर ओवल इनवेंसिबल्स का स्कोर है। मुकाबला जो है काफी जबरदस्त, यहाँ पर रिचर्ड गैल्सन की फुलन की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने गए थे इस गेंद को, मगर मिड ऑन के फील्डर के हाथ मार बैठे पॉल स्टिलिंग, एक और विकेट गिरता हुआ। और जिन भाइयों को 60% में एंट्री नहीं मिली वो 50% में आधी लिमिट को यूज कर लीजिएगा, ओवल पे अभी लगा दीजिएगा। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच होगा भाई, सुमित भाई देखो क्या होता है, मगर 1 विकेट गिर चुका है यहाँ पर, तो वेट करिएगा और जबरदस्त खेल होगा। विशाल भाई अगर खेला है पहला होगा भाई, बिल्कुल पहला खेला और पहला दोनों मिलेगा आपको, मुकाबला जो है वो सुपर से भी ऊपर आएगा। पॉल तो के फ्लुक है भाई, फ्लिक तो देखिए भाई, पॉल तो निकल गए हैं, मगर पॉल स्टिलिंग जो है वो आज ही का मुकाबला खेलने आए थे तो खेले नहीं है, मुझे पॉल से ज्यादा उम्मीदें थी भी नहीं वैसे भी। मैं तो विल जैक के साथ हूँ, साथ में सैम बिलिंग्स है, सैम करंट, बल्लेबाजी लंबी जरूर है ओवल की, मगर इस पिच के ऊपर 130 से 135 रन का स्कोर भी एक अच्छा स्कोर रहेगा। ध्यान रखिएगा फाइनल मुकाबला है और फाइनल का प्रेशर अलग होता है, और जॉर्ज बटलर का रिकॉर्ड ये कहता है। जी हाँ, जॉर्ज बटलर का रिकॉर्ड ये कहता है कि भैया जितने फाइनल हुए हैं उसमें से सिर्फ एक फाइनल T20 वर्ल्ड कप का जीते हैं पिछले 2 सालों के अंदर, IPL का फाइनल हारे थे, और बात की जाए तो 100 कप से बार भी फाइनल हारे थे, इस बार फाइनल खेलने आए हैं, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। पॉल स्टिलिंग से वैसे भी उम्मीदें जो है वो कमी है मुझे, क्योंकि ज्यादा रन बनाए नहीं, मगर सैम करन आ चुके हैं विल जैक के साथ, मेरे हिसाब से 15 गेंदों में 15 रन बने, अभी कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल रोटेट करके विल जैक को जितना स्ट्राइक देंगे उतना बढ़िया है। मिश्रा जी किसको जिता रहे हो? रजत राणा भाई अभी तो ओवल जिता दीजिए, उसके बाद मैनचेस्टर को देखेंगे। अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर सैम करन के लिए, जॉश लिटल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद ऑस्टन के बाहर, बल्ले का बाहर इकड़ा लगा, एक और विकेट गिरता हुआ, लीजिए यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ, इस बार बाहर जाती हुई गेंद को खेलने गए, यहाँ पर बल्ले का बाहर ही किनारा लगा और यहाँ पर आउट हो गए सैम करन। जी हाँ, सैम करन का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, मुकाबले में थोड़ा सा दबाव बनता हुआ यहाँ पर सैम करन की गेंदबाजी के ऊपर, यहाँ पर रिचर्ड जॉश लिटल की गेंदबाजी के ऊपर, तो शुरुआती 3 विकेट खो दिए हैं और सैम करन 0 के स्कोर पे आउट हो गए, और आज उम्मीद भी नहीं थी कि सैम करन ऐसा करेंगे, तो लगातार यहाँ पर जो है वो 3 विकेट खो दिए हैं और एक और विकेट गया भाई, बिल्कुल टेंशन मतलब भाई विकेट जो जाएंगे, विकेट तो जाएंगे क्योंकि पिच अच्छी है,
यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर। जस भाई कह रहे हैं भाई नहीं यार, एक तो पहली बात हमारे साथ नेगेटिव लोग इतने रहते हैं कि एक थोड़ा सा विकेट जाते ही इनके सांसें जो है ऊपर नीचे होने शुरू आती हैं। भाई इतना डर लगता तो खेलते ही क्यों, अगर डर लगता है तो खेलना है तो आराम से वेट करिए, मुकाबले में इंतजार करिए। दो टीमें इतनी बेवकूफ टीमें नहीं है, ओवल की टीम टॉप में रही है तो ऐसे तो नहीं मरेगी ये टीम। देखिएगा आराम से देखिएगा, मुकाबले को 15 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर। जिनको डर लग रहा है पिछले सीजन का फाइनल मुकाबला जाकर देख लीजिएगा, 2022 का स्कोर कार्ड जाकर देख लीजिएगा, अगर जिनको याद होगा उनको याद होगा, जिनको नहीं याद होगा वो जाकर देख लीजिएगा कि फाइनल मुकाबला किस तरीके से हुआ था पिछले बार। जी हाँ, पिछली बार किस तरीके से हुआ था उस पर डालिएगा। चलिए बल्लेबाजी करने के लिए सैम बिलिंग्स आए हैं, बढ़िया गेंद है इस बार, बढ़िया गेंद थी यहाँ पर और इस गेंद के ऊपर स्कोर अभी भी 15 रन, 3 विकेट नुकसान पर 17 गेंदें हो चुकी हैं और ओवल के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। और जिन भाइयों ने 60 पे एंट्री ली है यहाँ पर, अगर बात की जाए तो आधी लिमिट और यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधी लिमिट क्या बचा, 25-30% लिमिट और यूज कर लीजिएगा, ले लिया एंट्री ओवल पे, ओवल पे एंट्री ले लीजिए, टेंशन मत लीजिए। ब्रो एंट्री कब बताओगे भाई, बता दिया, ले लीजिए एंट्री यहाँ पर। जिन्होंने एंट्री नहीं ली वो एंट्री ले लीजिएगा, बैठ रहिए आराम से। यहाँ से अगली गेंद लेकर चलते हुए सैम बिलिंग्स के लिए, जोशल्टे के अगेन सैम बिलिंग्स स्ट्राइक पर, ऑस्टम पे गेंद थी, गेंद गई है, जी हाँ गेंद गई है वहां पर, स्लिप के प्रतिशत में फील्डर मौजूद। 18 गेंदें हो चुकी हैं, 15 रन बने हुए हैं, 3 विकेट नुकसान पर 18 गेंदें हो चुकी हैं। किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही लिखा है, मगर किस्मत साथ जब ही देगी जब आप रिस्क लेंगे जिंदगी में, तो रिस्क लेना जरूरी है भाई। हमने तो एंट्री ले ली है, सेकेंड एंट्री क्या करें भाई, ले लीजिए एंट्री ओवल के ऊपर, ओवल को विन करिए, अभी के लिए ओवल को विन करिए। चलिए अगली गेंद सैम बिलिंग्स को, जोशल्टन के ऑस्टन के बाहर, जाने दिया इस गेंद को, विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। 19 गेंदें हो चुकी हैं, 15 रन 3 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है, ओवल इनवेंसिबल्स का थोड़ा दबाव जरूर है, मगर अभी भी सैम बिलिंग्स और विल जैक मौजूद है, दोनों को बल्लेबाजी जो है वो काफी अच्छी करनी होगी। जी हाँ, बल्लेबाजी जो है वो काफी बढ़िया करनी होगी यहाँ से। अब देखते हैं क्या होता है, 19 गेंदें हो चुकी हैं, 15 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर, जी हाँ 3 विकेट जो है वो गिर चुकी हैं। अगली गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर, अभी तक एक भी रन नहीं आया इस ओवर के अंदर, स्कोर अभी भी 19 के बाद, 15 रन 3 विकेट नुकसान पर, आखिरी गेंद है इस ओवर की, जी हाँ आखिरी गेंद है इस यहाँ पर इस ओवर की, देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद लेकर चलते हैं, सिंगल लिया इस गेंद पर सैम बिलिंग्स ने, 20 गेंदें हो चुकी हैं, 16 रन 3 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है ओवल इनवेंसिबल्स का। विल जैक 7-10 रन खेल रहे हैं, सैम बिलिंग्स 4 गेंद में 1 रन खेल रहे हैं, 5 गेंदें बची हैं पावर प्ले के। मैनचेस्टर हार गया था भाई फाइनल 2022 में 122 पर ऑल आउट हो गया था, चेस करते हुए 128 रन का टारगेट था सिर्फ। कितने विकेट गए थे ट्रेंट रॉकेट के, जरा देखिएगा एक बार, ट्रेंट रॉकेट के 8 विकेट चले गए थे। वो मैच मैंने लाइव किया हुआ था, उस मैच में हमें लॉस कट बुकसेट मिला था, अगर रिकॉर्डिंग आपको चाहिए होगी तो फाइनल मैच मैंने किया हुआ, जाके फिर से सुन लीजिएगा आप यहाँ पर। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, विकेट गिरने वाले बल्लेबाज जेसन रॉय है, सैम करन है और सैम बिलिंग्स जो है, सैम बिलिंग्स नहीं माफ करिए, यहाँ पर पॉल स्टिलिंग जो है वो आउट हुए हैं, तो वेट करिएगा मुकाबला जो है वो काफी अच्छा रहेगा। एक बार फिर से चलते हैं जरा गेंदबाजी की तरफ, जी हाँ जोशल लिटिल 10 गेंदें कर चुके हैं, रन दिया है, गेंदबाजी जो है वो काफी अच्छी कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा किस तरीके से गेम चलता हुआ नजर आता है यहाँ से। अब एक बार फिर से सैम बिलिंग्स को ये गेंद मिलता हुआ इस गेंद पर, इस एक रन के साथ 17 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर, 21 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर। और मुकाबले की बात की जाए तो विल जैक, जी हाँ 7 गेंदों में 10 रन लाके खेल रहे हैं विल जैक, और सैम बिलिंग को कुछ नहीं करना, अगली 50 गेंदों में एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है और यहाँ पर अगली बची हुई 30 गेंदों में अटैक करना है। कितने बनेंगे भाई, आपको क्या लगता है, 230-235 रन का स्कोर अच्छा स्कोर रहेगा इस पिच के ऊपर। सिक्स कितने आएंगे भाई आज, भाई ये तो इतने भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगा भाई। विकास भाई जुड़े हैं हमारे साथ यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो सामने मौजूद बल्लेबाज विल जैक, विल जैक कॉकली गेंद फुलर की गेंद, यॉर्कर गेंद थी इस बार, अपील कर रहे हैं जोश लिटिल, क्या रिव्यू लेना चाहेंगे यहाँ पर, जी हाँ क्या रिव्यू लेना चाहेंगे, ऐसा लग तो नहीं क्योंकि लेग स्टंप को मिस कर रही होगी ये गेंद। स्कोर अभी भी 17 रन 3 विकेट नुकसान पर 22 गेंदें हो चुके हैं, पावर प्ले की गेंदें जो हैं काफी अच्छी निकल रही हैं, रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं जोश बटलर से यहाँ पर जो है जोश लिटिल, मगर बटलर ने मना कर दिया है। मिश्रा जी ओवर फेवरेट लगा दो भाई, विधान शर्मा भाई समझदार है, बिना बोले ही समझ जाते हैं, एंट्री मिली गई यहाँ पर और उम्मीदें यही है कि अब ओवर जो है कम से कम 40-50 पैसे जो है मिल जाए यहाँ पर।
फुल मैच लो स्कोरिंग ही होता है, फाइनल मैच चेस करना मुश्किल होता है भाई, रन बनेंगे 120 से 130 रन बनेंगे। तो बटलर और सॉल्ट जो अपना काम कर चुके हैं पिछले मैच में, हर दिन चलेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई हमारा। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, एक बार फिर से स्ट्राइक मौजूद, विल जैक 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, जोश लिटिल की और क्या अगली गेंद, भटकी हुई गेंद ऑस्टन की तरफ, पुश किया गेंद को डीप पॉइंट दिशा में, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आ जाएंगे सैम बिलिंग्स। स्कोर हो चुका है 18 रन, 3 विकेट नुकसान पर 23 गेंदें हो चुकी है। सैम बिलिंग्स 5 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पर, और मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया चल रहा है। जी हाँ, काफी बढ़िया चल रहा है। अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर के लिए, मैनचेस्टर की टीम पे थोड़ा सा मैनचेस्टर ने जो है प्रेशर बना दिया ओवल के पास, मगर यहाँ पर सैम बिलिंग्स और विल जैक दोनों को जो है वो अच्छा खेलना पड़ेगा, दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर खेलेंगे। अगली गेंद बार सैम बिलिंग्स को बड़ा शॉट खेला जॉश लिटिल की, इस गेंद के ऊपर गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, चौका मिलता हुआ इस गेंद पर, तो 22 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, 24 गेंदें हो चुकी हैं। जी हाँ, 24 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त यहाँ पर, और 22 रन ही बने हैं। अभी संभल के चल रहे हैं, अभी जो है वो संभल के चल रहे हैं। अब देखना होगा आज किस तरीके की बल्लेबाजी होती है। अभी स्कोर हो चुका है 22 रन 3 विकेट नुकसान पर, 24 गेंदें हो चुकी हैं, और मेरे हिसाब से तो भाई अच्छा मैच होना चाहिए। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हैं जॉश लिटिल, ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले होता हुआ समाप्त। जी हाँ, पावर प्ले होता हुआ समाप्त। यहाँ से स्कोर की बात की जाए तो स्कोर अभी भी 22 रन 3 विकेट नुकसान पर, 25 गेंदें हो चुकी हैं। अब देखते हैं इन 25 गेंदों के अंदर किस तरीके से ये खेल जो है चलता लगाएगा। तो लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। 22 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 25 गेंदें हो चुकी हैं, और अगर देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए, जी हाँ अगर बात की जाए यहाँ पर किस तरीके से ये खेल चलेगा यहाँ पर, इसको समझना होगा। अगर बात की जाए तो दबाव थोड़ा सा है ही ज़रूर, मगर यहाँ पर जो है ओवल के ऊपर, मगर ओवल की टीम बेहतर खेलेगी इस मुकाबले में, फाइनल मुकाबला है और कोई भी टीम आसानी से नहीं जाती। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। स्ट्राइक मौजूद सैम बिलिंग्स है, मिश्रा जी एंट्री ले ली क्या? बिल्कुल ले लीजिएगा, बिल्कुल एंट्री ले ली साडा कनाडा भाई यहाँ पर। नमस्कार दिवाकर जी, नमस्कार रवि यादव भाई जुड़ चुके हैं भाई। राइट बढ़ेगा कि नहीं ओवल का? भाई बढ़ेगा, टेंशन मत लो। एक बार फिर से ऑस्टन की तरफ ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है गेंद को, गेंद को फील्ड कर लिया। यहाँ पर स्कोर अभी भी 22 रन 3 विकेट नुकसान पर, 26 गेंदें हो चुकी हैं। शुरुआत थोड़ी धीमी हुई है, मगर इस शुरुआत को आगे ले जाना होगा, सिंगल डबल रोटेट करने होंगे, एक पार्टनरशिप बिल्ड करना होगा। लॉर्ड्स का यह मैदान है, और इस मैदान के ऊपर थोड़ी सी हालत जो है पतली नजर आ रही है, यहाँ पर थोड़ी हालत जो है कमजोर नजर आ रही है ओवल की, मगर ओवल की टीम चाहेगी कि यहाँ से बल्लेबाजी अच्छी हो। चलिए अब देखते हैं क्या होता है अगली गेंद की तरफ। पॉल वॉल्टर गेंदबाजी करने ऑस्टन के बाहर, ये गेंद ड्राइव किया गेंद को, मगर गेंद जाती हुई कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे मौजूद। जी हाँ, स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज है यहाँ पर, मौजूद है बल्लेबाज यहाँ पर जो है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है 27 गेंदों के बाद 23 रन बन चुके हैं। अभी भी दबाव है, विल जैक 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। जो भाई नए जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। ध्यान रखिए आज क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे कॉमेंट्री कर रहे हैं। ऑस्टन के बाहर ये गेंद कट करने गए, कैच छूट गया वहां पर, एक चांस था मैनचेस्टर के पास एक और विकेट छटकाने का, मगर यहाँ पर कैच छूटता हुआ जो है विल जैक का। ऑस्टन की तरफ पटकी हुई गेंद थी, कट करने गए, गेंद जाकर पॉइंट फील्डर के हाथ में आ रही थी और छटक गई ये गेंद और कैच छोड़ दिया यहाँ पर। सर कल कितना लिमिट प्रॉफिट हुआ है? सर मुझसे पूछ रहे हैं, अपना बताइए ना, मेरा छोड़िए, मेरा जो हुआ सो हुआ। यहाँ पर भाई 40 बॉल में 44 बनाए बनेंगे भाई, मुश्किल है, बना सकते हैं। मिश्रा जी पाक वर्सेस इंडिया लाइव आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी। विकास भाई, भाई रेट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पर लाल सिंह भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हेलो सर नमस्कार। फिर से विल जैक ऑस्टन के बाहर ड्राइव किया इस बार गेंद को, गेंद जाती हुई कवर की दिशा में, चौका मिलता हुआ इस गेंद पर, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैनचेस्टर ओवल इनवेंसिबल्स का। 29 गेंदों के बाद 28 रन 3 विकेट नुकसान पर, सैम बिलिंग्स 10 गेंदों में 10 रन खेल रहे हैं। इस बार ये शॉट खेला सैम बिलिंग्स ने, माफ करिए विल जैक ने, सैम बिलिंग्स से खेला था शॉट, 2 चौके लगा चुके हैं। स्कोर अभी भी 28 रन 3 विकेट नुकसान पर, 40 बॉल 44 बन जाएंगे रिजराना भाई, बन जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बाउंड्री लगाना शुरू कर चुके हैं यहाँ पर, रन तो बनेंगे ही भाई इस पिच पे। मिश्रा जी राम राम, जैक मेरा कैप्टन है भाई, बनवाएंगे रन आज, बनवाएंगे विल जैक से बनवाएंगे। अगली गेंद फिर से सैम बिलिंग्स के बाहर ये गेंद थी, अपील करी थी यहाँ पर
मगर अंपायर को वाइड करार देना चाहिए। एक आवाज जरूर आई है मगर अपील कर रहे हैं, यहां पर आउट दे दिया, ये कुछ समझ में नहीं आया। यहां पर कुछ सैम बिलिंग्स को आउट दे दिया, यहां पर लग रहा है कि वॉक करके सैम बिलिंग्स खड़े हैं वहां, समझ में नहीं आया हुआ क्या, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। कलाइयों के सारे खेलने गए थे इस गेंद को और यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गए जॉश बटलर के पास। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर, 28 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर, 30 गेंदें हो चुकी है यहां पर। सैम बिलिंग्स 11 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं और अंपायर का ये लेट फैसला था, सोचा समझा रुके उसके बाद डिसीजन दिया। क्या बल्ला लगा था ये, क्या बल्ला लगा था यहां पर सैम करन का, सैम बिलिंग्स का, ये देखना होगा। लग रहा है कि आप थोड़ी मुश्किलों में। कल मजा आया सर जी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ भाई, बिल्कुल सही बात है, आज भी होगा, टेंशन मत लो। बैटिंग लंबी है भाई, 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी है। चलिए, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद गई जॉश बटलर के पास से, यहाँ पर बटलर ने पकड़ा है कैच और विकेट गिरता हुआ। जी हाँ, विकेट गिरता हुआ यहाँ पर सैम बिलिंग्स का, और सैम बिलिंग्स एक बार फिर फ्लॉप होते हुए यहाँ पर। स्कोर अभी भी 28 रन 4 विकेट नुकसान पर, 30 गेंदें हो चुकी है। विल जैक है स्ट्राइक पर, जिमी निशम को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए आज नंबर 6 पे। तो क्या लगता है जिमी निशम और विल जैक एक पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड कर पाएंगे? ये क्या भाई, ऐसे ही आउट देते थे भाई, ऐसे ही आउट देंगे ये? और ध्यान रखिएगा, आराम से खेलिएगा, अभी ओवल मिल जाएगी आपको 90 पैसे, टेंशन मत लीजिएगा। स्ट्राइक मौजूद है विल जैक, अभी तक 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर अब सिचुएशन ये है कि मारना नहीं है, अब गेंद को रोकना है, सिंगल डबल रोटेट करना है, कोशिश करना है कि 60-70 गेंदों के अंदर 70-80 रन बने, उसके बाद आखिरी के 30 गेंदों में आपको अटैक करना होगा। तो यहाँ पर संभल के बल्लेबाजी करेंगे तभी काम बन पाएगा, अगर इस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे तो काम नहीं होगा। अगर मैनचेस्टर हारेगा तो क्या बात करें रफ्तार भाई, इतना क्या नंगा नाचना है आपको यार, इतना भी क्या खुशी हो रही है। चलिए गेंदबाजी करें, जेमी ओवरटन आए हैं सामने है विल जैक, फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वाइड करार दिया इस गेंद को। एक नॉर जुड़ता हुआ यहाँ पर, खाते में 29 रन बन चुके हैं 30 गेंदों के अंदर, 4 विकेट नुकसान पर। जिमी निशम, विल जैक मौजूद है क्रीज पर, आने वाले बल्लेबाज टॉम करन है, रॉस विटली है जो बल्लेबाजी करते, तो दोनों बल्लेबाज अभी भी मौजूद है, मगर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगली 40 गेंदों को किस तरीके से खेलना है, 40 गेंदों को किस तरीके से खेलना है। भाई हैनिस क्लासन नॉट प्लेइंग, भाई हैनिस क्लासन जो है साउथ अफ्रीका चले गए भैया, उनका भी तो मैचेस हैं। अगली गेंद फिर सिलेक्शन के बाहर, एक और वाइड गेंद, लगातार दो वाइड गेंदें जो है वो करा चुके हैं यहाँ पर, 30 रन बन चुके हैं 30 गेंदों के अंदर, 30 रन 4 विकेट नुकसान पर। स्कोर है ओवल इनवेंसिबल्स का यहाँ पर, चलते हैं जरा, मैंने तो 100% बैट लगा दिया है, कैसे करूँ भाई, बढ़िया आराम से देंद्र भाई 100% पे खेलेंगे, जैसे वो 50-50 बोला था, 50 यहाँ 50 वहाँ, ब्रेड नीचे नहीं उसी रेट पे आराम से वेट करिएगा, रन बनाएंगे यार। अगली गेंद विल जैक्स का, और विल जैक को अगली गेंद जिमी ओवरटन की पटकी हुई गेंद, कलाई को सारे खेला है एक रन के लिए स्ट्राइक पे आते हुए। जी हाँ, हिस्ट्री यहाँ पर सिंगल लेकर स्ट्राइक पे आते हुए जिमी निशम बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ये टाइम बस क्लासन के ऊपर चलते हैं भाई, क्लासन भाई चले गए हैं, क्लासन भाई जो चले गए, उनका भी मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया T20 मैच जो है वो शायद 30 तारीख से शुरू होंगे, और इसी से वो भी चले गए हैं, आज एडम जाम्पा भी चले गए हैं आज। ये टीम बस क्लासन के ऊपर, बिल्कुल भाई सॉरी भाई, मैनचेस्टर जीतेगा तो नाचूंगा, अगर लंगा नाचूंगा ये मैच ओवल जीतेगा। ओके भाई ठीक है, ऐसी बात है। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर जिमी निशम के लिए, यहाँ पर जेमी ओवरटन, सिचुएशन यही है कि अभी आपको अगली 50 गेंदों को संभल के खेलना पड़ेगा, बल्लेबाजी जो अच्छी करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप निभानी होगी यहाँ पर। देखना हो मिश्रा अग्रणी मिश्रा भाई कैसे, बढ़िया प्रदीप भाई आप सुनाइएगा। यहाँ पर अगली गेंद लेकर चलते हुए जिमी निशम को, पटकी हुई गेंद, टॉप एज लगा है, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आएंगे? जी नहीं, इस बार शॉट थर्मन के, जी हाँ थर्मन फील्डर से जस्ट आगे ये गेंद गिरी है और एक रन मिलेगा इस गेंद पर। जिमी निशम पिछले ही मुकाबले में खेलने आए हैं इस टीम के अंदर, ओवल के अंदर, ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। देखने वाली बात रहेगी, आप सब लोग जो है वो सेटमेंट के साथ जुड़ते रहिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करिएगा, अपनी आईडी जो है वो क्रिएट कर लीजिए सेटमेंट के ऊपर। मिनिमम डिपॉजिट जैसे 10 रुपए का है, मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपए का, मिनिमम बैट जो है 10 रुपए की, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है, और 200 रुपए डिपॉजिट करेंगे 200 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो 1000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो विल जैक यहाँ पर रूम बनाकर बड़ा शॉट खेलने गए, वैसे क्यों खेल रहे हैं विल जैक बड़ा शॉट, अभी 4 विकेट जा चुके हैं, अगर एक और विकेट गया तो शायद ये जो है कवरिंग कवर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा यहाँ पर विल जैक को अपने स्वभाव के विपरीत खेलना होगा, थोड़ा सा समय लेना होगा विकेट के ऊपर, उसके बाद आखिरी में बड़े शॉट खेलने होंगे। चलिए अगली गेंद जिमी ओवरटन को, ऑस्टम पे ये गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर, मगर यहाँ पर एक रन जो है मिल जाएगा लॉन्ग रन दिशा में,
यहां से लॉन्ग ऑन दिशा में मिल जाएगा, एक रन स्कोर होता हुआ 33 रन 4 विकेट नुकसान पर, 35 गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर। वुमेन वाला मैच तो सेटेड हुआ है, ये मैच छोड़ेगा भाई प्रदीप भाई बताने के लिए। वुमेन वहां पर तो एंट्री में दे ही चुका हूँ सबको कि ओवल के साथ अभी रहिएगा, मैच छोड़ेगा जरूर क्योंकि पिछली बार भी फाइनल जबरदस्त हुआ था और लगातार दूसरा मुकाबला है दिन का, तो इतना सोचिए तो मारेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो जबरदस्त दिखाएंगे ही जलवा। और ओवल टीम टॉप पे है यार, ऐसा भी नहीं है, खराब खेली है टूर्नामेंट के अंदर। चले अगली गेंद एक बार फिर से जिमी रिशम को फुलर की गेंद, इस बार ड्राइव करने गए, गेंद गई कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक रन मिलाएगा इस गेंद पर और इस एक रन के साथ 34 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर यहाँ पर। और गेंदों की बात की जाए जी हाँ 35 गेंदें हो चुकी हैं, 35 गेंदें हो चुकी हैं। जेमी ओवरटन अच्छी गेंदबाजी जो है वो करके दिखाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं इस मुकाबले के सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं जरा, यहाँ से क्या खेल जबरदस्त हो पाएगा यहाँ पर। जी हाँ क्या जबरदस्त हो पाएगा यहाँ पर, अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से ये खेल जो है वो आगे बढ़ता नजर आता है यहाँ पर, किस तरीके से चलता नजर आता है यहाँ पर ये खेल। आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को यहाँ से। 34 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर, 35 गेंदें हो चुकी हैं। लोग घबराओ बहुत जल्दी जाते हैं भाई, बिल्कुल भाई घबराना नहीं है, घबरा देखिए यार ज़्यादा होगा क्या, हार ही जाएंगे। और अगर आपको हारने से डर लगता है तो खेलना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हार तो देखिए ऐसी है कि होगी होगी, अगर आज होगी तो कल होगी यहाँ पर। यहाँ पर चल जाएगी पटकी भी, गेंद पुल किया है इस गेंद को विल जैक ने, हार्टली के गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आते हुए, और यही मैं कह रहा था बार बार मैं कह रहा था कि विल जैक जो है बड़ा शॉट खेलने गए हैं। यहां से विल जैक भी बड़ा शॉट खेलने गए और अपना विकेट जो है वो गवाते हुए, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों क्यों ये बड़े शॉट जो है वो खेलने की कोशिश थी विल जैक की, क्योंकि 35 तो 34 रन बन चुके थे। और यहां से स्पिनर गेंदबाज हार्टली को बुलाया गया, पटकी भी गेंद थी पुल करने गए, टॉपेज लगा और अपना विकेट जो है वो गवा दिया यहाँ पर। जी हाँ विकेट जो है वो गवा दिया यहाँ पर विल जैक ने, 13 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन जो है वो जाते हुए, समझ नहीं आया कि विल जैक के करना क्या चाहते थे। जी हाँ करना क्या चाहते थे विल जैक यहाँ पर। मिश्रा जी वुमेन में कौन जीता है भाई, साउदर्न ब्रेव की टीम जीती है वुमेन्स में साउदर्न ब्रेव की टीम जो है जीती है यहाँ पर। और अगर बात की जाए मैनचेस्टर की, तो मैनचेस्टर की हालत थोड़ी सी कमजोर है, 5 विकेट खो दिए हैं 34 रन पे, और ऐसा लग रहा है कि भैया आज मूड में नहीं है, आज मूड में नहीं है ओवल की टीम, क्योंकि जल्दबाजी जो है वो ज्यादा ही करते दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है विल जैक भी पवेलियन जाते हुए, क्या हो रहा है इस मुकाबले का सूरत हाल को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है ओवल इनवेंसिबल के, ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में शायद 200 जो है एक ही गेंद बना देंगे यहाँ पर, तो सिचुएशन जो है वो और ज्यादा बदतर हुई थी यहाँ पर। आधी टीम जो है वो पवेलियन के अंदर है, टॉम करन को बुलाया गया है बल्लेबाजी करने के लिए, बल्ले से पिछले 3 मैचों में अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने खेली है, देखना होगा क्या आज के इस मुकाबले के अंदर क्या यहाँ पर रन बनाएंगे। स्कोर हो चुका है 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 37 गेंदें हो चुकी हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर ओवल की टीम ज्यादा ही जल्दबाजी जो है वो कर रही है। जी हाँ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रही है, 35 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर, 37 गेंदें हो चुकी है यहाँ पर। लोगड़ा क्या भाई, आराम से वेट करो भाई, यहाँ पर वेट करने का इंतजार है, यहाँ पर वेट करिए भाई, जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी के चक्कर में अभी विल जैक जो है वो आउट हुए, आपकी जल्दबाजी के चक्कर में एक आधा विकेट और निकल गया तो काम खराब हो जाएगा। चलिए यहाँ से बात की जाए तो अभी तक तो टॉम करन और जिमी निशम जो है मौजूद है यहाँ पर, 38 गेंदे जी हाँ हो चुकी हैं, 37 बन चुके हैं। फिर से लेग स्टंप पे गेंद, स्पिनर गेंदबाज टॉम हार्टली की, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए बल्लेबाज टॉम करन। स्कोर हो चुका है अभी भी 39 गेंदों में 38 रन बन चुके हैं। एक बार फिर से टॉम करन को अगली गेंद, इस बार हार्टली की अंदर आती हुई गेंद, ड्राइव किया जरूर, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस 1 रन के लिए वेट करें गाइस, फाइनल है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आसिफ भाई, एक सिंगल और मिलता हुआ, 40 गेंदे हो चुके हैं, 39 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, 2 विकेट हो चुके हैं, और यहां से मुकाबला जो है काफी बढ़िया है। फिर से हरवा दिया भाई ने, जस रंधावा भाई अगर आपको हारने से डर लगता है तो निकल जाइए ना, क्यों बैठे हुए हैं आप जहाँ आप लोगों को डीमोटिवेट क्यों कर रहे हैं जस रंधावा भाई। अब जिसने बैट कर दिए वो तो आराम से बैठे देख रहा है, मगर कहीं ना कहीं जस रंधावा भाई जो आप कर रहे हैं ना लोगों के साथ, जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं या फिर जो है यहाँ पर मजे ले रहे हैं लोगों के, तो मजे मत लीजिए यहाँ पर। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, और मजे मत लीजिए जस रंधावा भाई, क्योंकि लोग यहाँ पर सीरियसली बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोग ना फालतू में जेब में 1 रुपया है नहीं, कहते ना फार्म भरवा लो इनसे, बस इनके पास पैसे नहीं है, फालतू की टीपिंग कर रहे हैं बैठ कर आराम से, इनके पैसे नहीं लग रहे इसलिए मजे ले रहे हैं, अगर पैसे लगे होते टेंशन होती तो शायद ये लोगों के मजे ना लेते यहाँ पर जस रंधावा भाई।
आराम से मैच को देखो, आराम से देखो, अभी आराम से मैच खत्म नहीं हुआ, अभी भी कम से कम 60 गेंदें बची हैं, आराम से खेल को देखिएगा। पहले फैसले देने वाले पहले ही हारते हैं, पता नहीं क्यों मेरे से यार, समझ, आराम से देखो मैच, ऐसा नहीं कि मैच आपने देखा नहीं है। द 100 जो है वो पूरा कवर किया है मैंने, और पूरा कवर किया मैचेस देखे हुए हैं ओवल के। आराम से वेट करिए कितना बनेगा स्कोर, वो तो देखिएगा। यहाँ पर अगली गेंद लेकर चलते हैं, जमान खान पटकी हुई गेंद, कलाई को सारे खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, और ये बकवास कमेंट करना बंद कर दीजिए, थोड़ी देर में आपको कमेंट दिखना भी बंद हो जाएंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं। जो लोग सीरियसली मेरे साथ जुड़े हुए हैं आराम से ये नो बॉल लीजिए पहले तो आप। यहाँ पर नो बॉल मिलती हुई, स्कोर होता हुआ 40 गेंदों के बाद 42 रन 5 विकेट नुकसान पर जिमी निशम, और यहाँ पर टॉम करन जो है वो खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, और यहाँ पर देखना होगा अब जस रंधावा भाई तो लगा रखे तो चुपचाप बैठी है ना, क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, नहीं तो चार लोग यहाँ पे गाली बगेंगे। तेरी औकात से ज्यादा भाई, तेरे ज्यादा बैट लगाते हो जस रंधावा भाई, जितना तेरी औकात नहीं है उससे ज्यादा तो मैं बैट कर देता हूँ भाई, जितने 10 लगा रखे ना, मैं तो आधी पेटी लगा के बैठा हूँ। आराम से शांति से बैठो और अपना गेम देखो, और नहीं देखना तो आराम से शांत बैठ रहो। उसमें जैसे यहाँ पर जिमी निशम को अगली गेंद, और यहाँ पर जो है छक्का बटोरा या चौका बटोरा इस गेंद पर। तो भाई जिन भाइयों को अगर लग रहा है कि मेरे से ज्यादा बैट करते तो छोड़ दीजिए भाई, बैट्स में इसलिए नहीं दिखाता हूँ कई लोगों को, आराम से तो आराम से चुपचाप से अपना गेम देखिएगा, ना मेरी किसी से बहस है ना कुछ है, जो टिप दे रखी है आराम से उसको फॉलो करते रहिएगा। हारेंगे हारेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, और अगर ओवल हार रही है जस रंधावा भाई तो आप क्यों फिर क्यों टेंशन ले, फिर क्यों हंस रहे हैं बैठ के यहाँ पे। तो ओवर जहाँ पर जस रंधावा को जो भाई अपने कमेंट में अपना जो है ज्ञान देना चाहते तो दे दीजिए उनको आराम से। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर जमीन शम को अगर फिर से जमान खान की पटकी हुई गेंद, डिफेंस कर दिया उस गेंद को, एक जो है बाउंड्री आई है इस ओवर के अंदर, स्कोर हो चुका है 46 रन 5 विकेट नुकसान पर, 42 गेंदें हो चुकी हैं, और अगर बात की जाए करंट रन रेट 5.48 का यहाँ पर। ब्रो ओवर पर लगा दिया है अरुण भाई, आराम से बैठ के मैच देखो, अभी कुछ जल्दबाजी नहीं, आराम से लगा दिया है, बैठ करो आराम से। यहाँ चलते हैं जरा गेम की तरफ भाई, 15 के लगाए हैं ओवर पर, मजाक मत करो जस भाई, मैच देखो जस भाई को, मैच देना गगन कौर भाई, वो बेवकूफ बना रहा है आपको, 10 लगाए हैं, कहाँ शक्ल से दिख रही है इसकी। अगली गेंद पटकी हुई गेंद पर पुल किया है गेंद को, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, चौका मिलता हुआ 50 रन पूरे होते हुए ओवल के 5 विकेट नुकसान पर, 43 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर, और मुकाबला जो है काफी बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से गेम चलता है, और यहाँ से गेम चलता है क्या हो मिश्रा जी, जब देना फिटा के फिल्टर बाहर फाड़ देंगे भाई, बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पर जॉलीपॉप डाल लो भाई, आराम से खेलने दो भाई। अगली गेंद पर फिर से यहाँ पर पटकी भी गेंद, कलाई को सारे खेल दिया, थर्ड मैन दिशा में 1 रन मिलेगा। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, एक बार स्कोर की तरफ बढ़े जरा, तो 51 रन मचे। देखिए यार मेरे से बहस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मेरा काम है कॉमेंट्री करने का, और यहाँ से मैंने टिप दे दिए। अगर जिनको मेरे पर शक है भाई, एग्जिट मिल रहा है लॉस में एग्जिट ले लीजिए, कम से कम कम पैसे तो बचेंगे आपके पास। और जिनको मेरे साथ रहना है, अगर मान लीजिए कोई भी, देखिए मैं पहले मैच भी देख रहा था, सभी को खाने की आदत है हमारी टिप के ऊपर, सभी भाई को खाने की आदत है, लगाने की आदत किसी को भी नहीं है, मैं जानता हूँ ये। अगर यहाँ से मैनचेस्टर छोड़ लेते तब भी आप खाते, ओवल फेवरेट होती तब भी आप खाते यहाँ बैठ के, तो आप जब यहाँ से खाते चाहे वहाँ से खाते, खाते जरूर, तो यहाँ पर वेट कर लीजिए ना फिर टेंशन किस चीज़ की, क्योंकि लोगों को हारने के बाद एक बहाना चाहिए होता है कि यार उसने हरवाया, उसने थोड़ा कहा था कि उंगली पकड़ी जाके खेल लो भाई, वो तो आपका मन की बात है, विश्वास करते हैं कि नहीं विश्वास करते हैं आप कहीं ना कहीं। मैं अभी भी ओवल के साथ नहीं हूँ, मैं मैनचेस्टर की टीम, अगर मैं ओवल के साथ इसलिए हूँ कि भाव तो आना बनता, और मैंने पहले शुरुआत में कहा भी था कि हर बार फाइनल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एक मैच हो गया सीधा हो गया कहीं ना कहीं। यहाँ पर इस मैच को देखेंगे तो बल्लेबाजी है अभी भी ओवल के पास, ना 100 रन बनाएंगे तब भी ऐसा मत डरिए कि बटलर जो है वो आते तूफान मचा देंगे, यहाँ पर 100 बॉल का मैच है, आराम से खेलने दीजिए उनको, अभी आधे गेंदे भी नहीं, 45 गेंदे तो हुई है, 51 रन बने हुए हैं, और ओवल ने ऐसा मैच ऐसा कभी है नहीं कि ऐसा कभी इनका कोलैप्स हुआ नहीं ओवल का, ओवल ने बल्लेबाजी करी है आराम से। अच्छे गेंदबाजी करने के आ रहे हैं जेमी ओवरटन जी, यहाँ 5 गेंदों में 6 रन बना चुके हैं। अगली गेंद लेकर चलते हुए टॉम करन के लिए, 4 गेंदों में 3 रन खेल रहे हैं। एक बार फिर से अगली गेंद जेमी ओवरटन की, ऑस्टन के बाहर ड्राइव करने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, स्कोर अभी भी 51 रन 5 विकेट नुकसान पर, 46 गेंदें हो चुकी हैं। मगर देखिए चैट में क्या होता है ना, चैट में काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ कमेंट्री वाले बंदे को नीचा दिखाना है, क्रिटिसाइज करना है, बकवास करनी है, वो करेंगे, वो गाली देने के लिए इसलिए आते हैं कहीं ना कहीं, आपको लगा के चलिए कोई काम अच्छा कर रहा होता है ना, टांग खींचने वाले 50 बंदे आ जाते हैं, और मैंने बताया भी है क्यों आते हैं, वो आपको सबको बताया बात। अगली गेंद पर फिर से लेग स्टंप के बाहर फाइनल की दिशा में खेल दिया इस शॉट को,
गेंद जाती हुई बाउंड्री दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर 52 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर 47 गेंदे हो चुकी है। अभी भी अगर देखा जाए करंट रन रेट 5.53 का हो चुका है। 5.15 पैसे एंट्री है। काश कल की ज्यादातर जैकपॉट हो जाए, वेट करना पड़ेगा भाई। बल्लेबाजी में नहीं होगा, बल्लेबाजी में ज्यादातर होगा तो गेंदबाजी में होगा। बटलर और सॉल्ट को आउट कर दिया तो इनका खेल जो है वो खुल जाएगा मैनचेस्टर के लिए। शांति रहो भाई। राम राम। राम राम भाई कैसे सोच भाई, यहाँ पर आप जुड़े हैं। देवेंद्र शाहू भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगली गेंद लेकर चलते हुए। जी अगली गेंद लेकर चलते हुए जिमी निशम के लिए, यहाँ पर जेमी ओवरटन। जेमी ओवरटन की अगली गेंद, बार फिर से ऑफ लोन की गेंद, ड्राइव किया गेंद को, कवर फील्डर से मिसफील्ड हुई। वहां पर एक रन मिल गया है, दूसरा भी लेंगे क्या? जी नहीं, एक रन मिलेंगे इस गेंद पर। 53 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर 48 गेंदे हो चुकी है यहाँ पर। भाई लिख लो ओवर ओवर आएगा भाई। रकीम भाई उम्मीद तो यही है भाई, दिक्कत क्या है ना, अगर आप किसी कीपर को फॉलो करते हैं तो वो तो कमेंट करके मैसेज डाल देते, मैसेज डाल के चला जाता है। यहाँ मैं आपको सामने सामने फेस टू फेस ही बता रहा हूँ, और फेस टू फेस बताने के बावजूद भी अगर आप बोले आप मौका, क्योंकि कीपर को मौका मिलता नहीं है, वो ज्यादा कुछ कहेंगे वो ब्लॉक कर देगा आपको। हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं जो है कहीं ना कहीं साथ में तो खड़ा हुआ कम से कम आपके। अगली गेंद लेकर चलते हुए 48 गेंदे हो चुके हैं, 53 रन बन चुके हैं। स्ट्राइक पे हैं टॉम करन, 4 रन आगे खेल रहे हैं, 6 गेंदों का सामना किया है। देखते हैं यहाँ से जेमी ओवरटन के बची हुई 2 गेंदों में क्या एक आधा बाउंड्री जो है वो जड़ते नजर आएंगे। आप ब्रो आप कॉमेंट्री अच्छी करते हो, आप कॉमेंट्री करो बस, इन लोगों को अन्य का कुछ नहीं पता भाई। बिल्कुल सही बात है यार, कोई मैं आराम से गेंद, कल भी मुझे काफी लोग बोली रहे थे बाद में, फिर से कल आगे सारा फ्लिक कर दिया गेंद को फाइनल की दिशा में 6 रन के लिए। इस बार बल्लेबाजी जो है वो काफी बढ़िया, टॉम करन की थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल किया है इस गेंद को, 6 रन मिल गए इस गेंद पर। 59 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर, और ओवल इनविंसिबल्स का यहां पर गेंदे हो गई है 49। मुझे नींद आ रही भाई, मेरे फिर मौसी ने बोला थोड़ा तम्बाकू खा लो, लेकिन मिश्रा जी कॉमेंट सुनो। अरे भाई सही है, मैं तम्बाकू मत खाओ। वॉचिंग फ्रॉम चंडीगढ़ भाई, थैंक यू सुमित शर्मा भाई। देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में एक बार फिर से। यहाँ पर अगली गेंद पर अपर कट खेलने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। ब्रो क्या ये दूसरी पिच है पर मैच है, आज मैच है भाई? वुमेन्स की पिच पे नहीं मैच है, वुमेन्स वाली पिच जो है वो अलग थी, मेंस वाली पिच अलग है, दोनों की पिच सेम नहीं होती है। यहाँ पर देखेंगे वुमेन्स के टाइम पे एक मैट बिछा होता है ग्रीन कलर का अलग से, उसको बिछा जाता है कि स्पाइक्स जो है उस पर लगे ना। भाई अगर बटलर सॉल्ट आउट हो गया तो इजी रेट मिल जाएगा, इजी रेट की जरूरत नहीं भाई, रन बनाना चाहिए। 100 गेंदों में कम से कम 120 रन भी एक अच्छा स्कोर, 130 रन 125 रन भी अच्छा स्कोर है, थोड़ा संयम से खेलना होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए 50 गेंद में 59 रन है, ऐसा नहीं खराब है भाई यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो इस खेल में थोड़ा सा स्कोर को आगे बढ़ाना होगा, और अभी तो 50 गेंदे हुई 59 रन बने, अगले 25 गेंदों में अगर जेमी निशम और यहाँ पर टॉम करन खड़े रहे, टॉम करन खड़े रहे तो शायद आसानी से आखिरी ओवर रन बन सकते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर की जो कमजोर कड़ी है उनकी गेंदबाजी है, ये ध्यान रखिए, और गेंदबाजी कभी भी कोलैप्स कर सकती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50 गेंदे 59 रन बन चुके हैं। स्पिनर गेंदबाज आए हार्टली ऑस्टम पे, गेंद सीधे वाले से खेलने गए, टॉप एच लगा है गेंद हवा में, फील्डर छूट गया जी, एक और फील्डर के यहाँ पर दौड़ कर पहुंचे थे कैच पकड़ने के लिए, गेंद छूट गई यहाँ पर, और 1 रन मिल गया इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आ जाएंगे टॉम करन, 60 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर 51 गेंदे हो चुकी हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ देखकर पुल करने गए थे, चौपच लगा है जी, यहाँ पुल करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो वही गलती करते हुए जो विल जैक कर रहे हैं यहाँ पर। अगली गेंद टॉम करन को हार्टली की गेंद, पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले से खेला, कवर दिशा में, फील्डर से मिसफील्ड हुई, 1 रन तो मिल गया है, क्या दूसरा लेना चाहेंगे जिमी निशम, ये देखना होगा। जी नहीं, 1 रन से संतुष्ट होंगे यहाँ पर। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 61 रन 5 विकेट नुकसान पर, 52 गेंदे हो चुकी है। मारोगे ओवर पर 5 लगा दिया भाई, करके सब 2 विकेट मिलेगा, 150 मार दो भाई, बिल्कुल भाई कोशिश कर रहे हैं। अगले जिमी निशम को लेग स्टंप पे गेंद फ्लिक कर दिया, इसको स्क्वायर की दिशा में, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। 61 रन बन चुके हैं जी हाँ यहाँ पर, 62 रन 62 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर 53 गेंदे हो चुके हैं यहाँ, 53 गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर। अब देखते हैं मुकाबला जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। एक बार फिर से अगली गेंद टॉम करन को ऑस्टन के बाहर, फिर से कवर दिशा में खेला, मिसफील्ड हुई वहां पर, 1 रन मिल गया इस गेंद पर। एक और सिंगल आता हुआ इस ओवर में जी हाँ, इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आते हुए जिमी निशम, स्कोर हो चुका है 63 रन 5 विकेट नुकसान पर, 54 गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो इस मुकाबले का सूरत हाल की तरफ बढ़े तो बल्लेबाजी अच्छी करने होगी यहाँ से। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, एक बार फिर से ओवर देखते हैं। 5 सिंगल आए इस ओवर से, 55 गेंदे हो चुके हैं, 64 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, 45 गेंदे बची हैं जी हाँ, 45 गेंदे बची हैं। क्या 130 के आंकड़े पहुंचा पाएंगे यहाँ पर, 130 के आंकड़े को पहुंचा पाएंगे, देखना होगा। मार मार 6-5-6-6-6-5-6-6-5 नंबर दे रहे हो क्या रन भाई, नंबर दे रहे हो, रन मारो 6-4-6-4 होता है भाई। मार जय श्री राम जी भाई, बिल्कुल मारेंगे भाई।
यहाँ पर अगर बात की जाए तो चौमकरण 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो 55 गेंदे जी हाँ हो चुकी हैं, 45 गेंदे बची हैं। जिमी निशम कहीं ना कहीं थोड़ा दूसरा ही मुकाबला खेल रहे हैं ओल की तरफ से, मगर जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और आराम से अगर खेलेंगे तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी जो है वो कर पाएंगे। अभी चौमकरण है स्ट्राइक पर, पॉल वॉल्टर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ा सा ये पिच जो है बल्लेबाजी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगी, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद उस बाउंस से नहीं आ रहा है, उस बाउंस से नहीं आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ से देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। बार फिर से अगली गेंद पॉल वॉल्टर के इस ओवर की सामने है, जहां पर चौमकरण ऑस्टन के बाहर कट कर दिया गेंद को, डीप पॉइंट दिशा में गेंद जाती है, फिर डाइव लगाई गेंद को फील्ड किया है, दो रन मिलने चाहिए इस गेंद पर। इस दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन लॉस ऑफ 5 विकेट, 56 गेंदे हो चुकी हैं, 5.89 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हैं यहां से। और मारेगा भाई, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। श्रेयस भाई आराम से इंतजार करिएगा मुकाबले का, पेशेंस जो है वो मुकाबले में, हर जिंदगी में भी पेशेंस होने चाहिए भाई, यहाँ पर पेशेंस रखिएगा, मजा आएगा इस खेल में। चलिए चलते हैं जरा अगले गेंद की तरफ। चौमकरण के हॉस्टल की तरफ भारी गेंद थी, पुश किया गेंद को कवर दिशा में, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो लगातार 57 गेंदे हो चुकी हैं, 66 रन बन चुके हैं, मगर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगली कम से कम 23 या 24 गेंदे जो हैं या 25 गेंदे जो हैं वो आराम से खेलें, जितने रन बनते हैं बनते हैं, उसके बाद आखिरी 25 गेंदों के 20 गेंदों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए एक और बल्लेबाज बचा हुआ, तो थोड़ा सा समय ले सकते हैं बल्लेबाजी में यहाँ पर, अगर समय लेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा यहाँ पर। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर चौमकरण को पटकी हुई गेंद ऑस्टन के बाहर, इस बार ड्राइव किया गेंद को, एक रन मिल गया है इस गेंद पर। इस एक रन के साथ जिमी निशम जो है वो स्ट्राइक पे आ चुके हैं, स्कोर हो चुका है 67 रन लॉस ऑफ 5 विकेट, 58 गेंदे हो चुकी हैं, और यहां से गेम जो है वो आगे बढ़ता हुआ यहां पर देखते हैं अभी किस तरीके से बढ़ता है ये खेल। 58 गेंदे 67 रन, 70 बना दो प्लीज, 60 बॉल में 70 चाहिए रनों भाई को, छक्के छक्के लगवा दूं क्या, दो छक्के लगवा दूं क्या यहाँ पर। चलिए अगली गेंद पॉल वॉल्टर के सोर की, जिमी निशम स्ट्राइक पर पटकी हुई गेंद, पर पुल किया है, फाइनल की दिशा में गेंद जाएगी, एक रन मिलते हुए यहाँ पर। और इस एक रन के साथ जी हाँ, इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए चौमकरण, और चौमकरण जो है बल्लेबाजी अच्छी करेंगे आज, टीम पर लगा दिया 500 पर ओवर पर विन करके 7 मिलेंगे टू के। मिश्रा जी भाई अरुण भाई टू के नहीं मिलेंगे, लॉस कर बुसेट भी करना पड़ेगा भाई, आज तो खा खा के पेट भर गया है भाई, कल भी हमने कहा था असर भाई खाएंगे, हाँ जो मिलेगा खाएंगे, आज भी जो मिलेगा खाएंगे यहाँ पर। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए चौमकरण को पटकी हुई गेंद, पर पुल कर दिया है गेंद को, गेंद जाती हुई सीधा फ्लैट फ्लैट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और चौमकरण के बल्ले से निकलता हुआ चौका यहाँ पर स्कोर होता हुआ 72 रन 5 विकेट नुकसान पर, 60 गेंदे हो चुकी हैं, आखिरी गेंद पर चौका आता हुआ 8 रन आए इस ओवर से, करंट रन रेट अभी भी 6 की चल रही है, और चौका नहीं छक्का है, माफी चाहेंगे चौका नहीं ये छक्का है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी उसको पुल कर दिया, और गेंद जाती हुई सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, फ्लैट 6 था ये, बाउंड्री जो है उस तरफ छोटी है और उस पर छक्का बटोरा यहाँ पर चौमकरण ने। धीरे धीरे स्कोर जो है वो आगे बढ़ रहा है, मगर अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि गेंदे बची हैं 40, इन 40 गेंदों में 20 गेंदे और सेटल करना होगा, अगर 20 गेंदों में 30 रन और जोड़ लें 104 रन बन जाएंगे, आखिरी 20 गेंदों को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर। गगन कुमार भाई, गगन कौर भाई कह रहे हैं भाई कमेंट रीड क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात होगी भाई, बिल्कुल कर लिया है सर, टेंशन मत लीजिएगा। शुभम भाई जुड़े हुए हमारे साथ, सोहन गेम भाई हैं ही साथ में, क्रिकेट वर्ल्ड भाई भी हैं यहाँ पर, और मारो रिटर्न भाई, भाई कह रहे हैं मारो मारो रेड आने दो, अरे भाई आ जाएगा, आओ मारो मारो मार मार के सुझा दो भैया, मार मार के सुझा दो यहाँ पर, यही उम्मीदें रहेंगी आज के इस मुकाबले के अंदर। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जुड़ते रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला सुपर डुपर हिट चलता नजर आएगा यहाँ पर, यहाँ उम्मीद यही है कि रन्स जो है वो बनते नजर आए, स्कोर जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आए, देखते हैं किस तरीके से गेम चलता है। जसपाल सिंह भाई ने हमें 40 रुपए जो है वो सुपर चैट के, माफ करिए भाई जसपाल मैं लेट देख पाऊं मैं, अगर आप किसी ने ज्यादा बोला तो भाई बिल्कुल सही लिखा है जसपाल भाई ने, कहा जो आप कोई ज्यादा बोले तो भाई बिल्कुल सही बात है। हैकर भाई भी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र खानवल भाई भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस मुकाबले में। देखिए मुकाबला जो है अच्छा चल रहा है, मिश्रा जी कितना लग रहा है स्कोर भाई, स्कोर पर नजर डालिएगा, मैं स्कोर को अभी देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरी नजर जो है अभी मैच की तरफ है, और मेरे जो निगाहें हैं वो जो है मैच की तरफ है, बिल्कुल मैं मैच को देख रहा हूँ। चलिए अगली गेंद बार फिर सलमान खान की, और फुलन की गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए, एक और चौका मिलता हुआ यहाँ पर सैम करन को, और सैम करन की बल्लेबाजी जी नाबाद रहे, पिछले 3 मैचों के अंदर 79 रन बना चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर ओवल इनविंसिबल्स का स्कोर है।
62 गेंदें हो चुकी हैं। उम्मीदें यही हैं कि इसी तरीके की बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाएं। जी हाँ, इसी तरीके की बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाएं इस मुकाबले के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। बल्लेबाजी जो है वो अच्छी कर रहे हैं सैम करन। उम्मीदें यही है कि लंबा खेल है, जितना लंबा खेलेंगे यहाँ पर सैम करन उतना ही बेहतर रहेंगे यहाँ पर। तो माफी चाहेंगे जसपाल भाई आपका, मैं कमेंट नहीं ले पाया हूँ। मजिंदर भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एक जगह चैट जो है वो बंद हो गई थी। कपिल भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस मुकाबले में, गुरदीप भाई जुड़े हुए हैं, चौंकर 50 मारते। चलिए एक और चौका आता हुआ, इस बार डीप पॉइंट दिशा में बाउंड्री बटोरी है सैम के, टॉम करन ने स्कोर होता हुआ यहाँ पर 83 रन 5 विकेट नुकसान पर। 63 गेंदे हो चुकी है, टॉम करन 16 गेंदों में 38 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं यहाँ पर और 83 रन बन चुके हैं 63 गेंदों में। जी हाँ, लाइक करिएगा आप सुन लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफी बढ़िया है। प्रणाम भैया, विवेक भाई प्रणाम, आप कैसे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद, स्लो वन गेंद, सीधे बल्ले से खेला जरूर है, मिसफील्ड हुई, फील्डर से 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। टोटल यूपी भाई का टॉम करन है भाई, मैं सैम करन निकल जाता भाई मेरे मुंह से, गलती से मेरे को पता नहीं है, पता तो मुझे भी टॉम करन, मेरे मुंह से सैम करन निकलता, उसके लिए माफी चाहेंगे। कमेंटर भाई का खुशी ना रुका भाई, बिल्कुल रुकने नहीं दूंगा आज। यहाँ पर जानवी नेगी भाई कहने लगता है टोटल यूपी भैया, मैं टॉम करन को टीम में नहीं खेले सकते भाई, टॉम करन तो रखना चाहिए, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, मैं कहा था बल्लेबाजी का मौका मिला तो बल्लेबाजी भी करेंगे। जसपाल भाई धन्यवाद, आपने सुपर चैट किया है 40 रुपए का, इसका धन्यवाद। अगली गेंद जिमी निशम को ड्राइव किया था, कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। मिश्रा जी ज्यादा बोलेगा तो फेल दिए जाओगे, कौन कह रहा भाई, मिश्रा जी को ज्यादा बोले, मिश्रा जी को ज्यादा बोलेंगे तो बोलने दीजिए भाई, लोग काम है, इन्हें कुछ काम नहीं है यहाँ पर, कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है वो खराब करने के लिए आते हैं भाई। शांत दिमाग रहेगा अगर ध्यान से देखेंगे तो मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहेगा। और अगर देखा जाए इस मुकाबले में काफी बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पर। अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं जरा, 65 गेंदे हो चुकी हैं, जी हाँ 65 गेंदे हो चुकी हैं, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 84 रन। अभी भी देखा जाए तो 35 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 35 गेंदों का खेल बचा हुआ है यहाँ से, और देखते हैं अब आगे किस तरीके से गेम चलता है। मुकाबले में अगर देखा जाए शुरुआत जिस तरीके से थी, वो कहते हैं ना शुरू में चाहे जैसा मर्जी हो मगर अंत भला तो सब भला। जी हाँ, अंत भला तो सब भला, तभी इस मजा में मजा आएगा इस खेल के अंदर, अगर यहाँ पे फिनिश अच्छा कर पाए ओवर की टीम, क्योंकि 65 गेंदों में 84 रन बन चुके हैं। अभी भी देखा जाए तो 35 गेंदें बची हैं, अगली 15 गेंदों को और संभल खेला जाए, आखिरी 20 गेंदों को टारगेट किया जाए तो 120-130 रन का आंकड़ा जो है वो दिख सकता है इस मुकाबले के अंदर। बाकी डिपेंड करता है किस तरीके से खेल आगे बढ़ता है। जो भाई नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। अर्जुन गैल्सन गेंदबाजी करें, जिमी निशम को ऑस्टन की तरफ, ये गेंद कवर की दिशा में खेला शॉट को, एक और बाउंड्री आती हुई यहाँ पर, एक और चौका निकलता हुआ जिमी निशम के बल्ले से, स्कोर पहुंचता हुआ 88 रन 5 विकेट नुकसान पर। 66 बॉल्स हो चुकी है जिमी निशम, 16 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 चौके जो है वो लगा चुके हैं यहाँ पर और करंट रन रेट 6.67 की हो चुकी है यहाँ पर। बल्लेबाजी जो है काफी बढ़िया चल रही है, ऐसे ही बल्लेबाजी की उम्मीद थी यहाँ पर, और यहाँ से अगर ऐसी ही बल्लेबाजी करेंगे तो काम बढ़िया होगा, यहाँ से रन सही होंगे। अगली गेंद जिमी निशम को एक बार फिर से स्लो लो फुल टॉस, ये गेंद कलाइयों का सारा खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिल गया इस गेंद पर और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पर टॉम कराते हैं। ऐसे में बोलने तो जिसको बोल रहा है कौन तो भक्त, अरे बोलने दीजिए यार, फर्क नहीं पड़ता मेरे को ना, वो मुझे पता है मुझे क्यों बोल रहे हैं, उन लोगों को पता है क्यों बोल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बोलने दीजिएगा। मिश्रा जी 35 पे 75, ओके भाई 35 75 कह रहे हैं, आदि पेनोती कौन भाई कौन है ये, विशाल भाई कह रहे हैं भाई पहले बच्चों पहले यहाँ खेला नहीं, पहला भाई खेला हो भाई टेंशन मतलब भैया आज खेला हो भाई, शुरू में बताया था मैंने आपको, शुरू में जो लोग जुड़ते हैं ना वो सुन लेते हैं मेरी बात को, वो आराम से सेंसिबल तरीके से बैठ कमेंट्री सुनते हैं मेरी, जो लोग बीच में जुड़ते हैं ना उनको ज़्यादा टेंशन रहती है मैच को लेकर। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले तरफ, बाकी आप सब लोग जो है वो सेटमेंट के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अच्छे में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, अपने डिपॉजिट जो है 200 रुपये का, अपने में बैठ जाए 10 रुपये की है। वहाँ पर अगली गेंद पुल कर दिया 6 रन के लिए, लीजिए एक और छक्का आता हुआ यहाँ पर टॉम करन के बल्ले से, टॉम करन की बल्लेबाजी, 18 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं और 2 चौके और 3 छक्के लगा चुके हैं, स्कोर हो चुका है 95 रन 5 विकेट नुकसान पर। 68 गेंदे हो चुकी हैं, 32 गेंदे बची हैं यहाँ पर और यहाँ से बल्लेबाजी काफी अच्छा है यहाँ पर। कुणाल मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर और ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी, ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी टॉम करन को। अगली गेंद इस बार रिचर्ड गैल्सन के इस ओवर की, हॉस्टन के बाहर ड्राइव करने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, 69 बॉल्स हो चुकी है, 95 रन बन चुके हैं यहाँ पर
और जिन्होंने 60 में एंट्री ली थी वो अपने आधी जो हमने आधी लिमिट यूज की थी ना उसमें से थोड़ा सा लॉस कट कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा लॉस कट कर सकते हैं जिन्होंने 60 में एंट्री ली थी। हमारे साथ 60 में एंट्री वो थोड़ा सा माल लगा सकते हैं वापस, क्योंकि छोटी एंट्री जो है वो हमें नीचे मिली हुई है। तो सेंसिबल चलिएगा, कैलकुलेटर भी लेके चलिएगा, मुकाबला बड़ा अच्छा रहेगा। मगर जो 60 में साथ एंट्री लिए थे उनको थोड़ा सा अमाउंट जो है यहाँ पर लगा देना चाहिए ओवल की तरफ, क्योंकि नीचे एंट्री उनको मिली है, बढ़िया एंट्री मिली है। यहाँ पर अगले गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर चौम करन के लिए वो फिर से फुल टॉस गेंद ड्राइव करने गए, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। यहाँ पर 70 गेंदे हो गई हैं, 95 रन बन चुके हैं, अभी भी 30 गेंदे बची हैं। 30 गेंदों में अगर 50 रन ठोक दे तो 145 रन का स्कोर है, एक अच्छा स्कोर रहेगा फाइनल मुकाबले के लिए। यहाँ से अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। मिश्रा जी टॉम करन, अरे यार मेरे छोड़ दीजिए विकास भाई, सैम करन मेरे मुझसे सैम करन मुझे पसंद है, काफी अच्छा पसंद है मुझे, इसलिए मुझे सैम करन निकलता है। वो है टॉम करन यार, वो करन देख के सैम करन ही निकलता है बार बार, क्योंकि टॉम करन में कमी कॉमेंट्री के टॉम करन वाले मैचों में। वो छोड़ दीजिएगा थोड़ा बहुत, मुझे भी यार मुझे भी थोड़ा सा रियायत दे दीजिएगा। सैम करन में टॉम करन को सैम करन कहूँ तो माफी चाहूंगा उसके लिए पहले से ही, कि मेरे मुंह से जो है सैम करन ही निकल जाएगा। यहाँ पर मैं काफी कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ देखते देखते जो है वो करण दिखता है। मैं उठा 60 पैसे पर कर ले लॉस कट। मिश्रा जी अरुण भाई आपकी तो एंट्री छोटी है, लॉस कट कर लीजिए, आपकी एंट्री तो बहुत छोटी है यार, 200 रुपये 300 रुपये लगाए थे, 500 रुपये लगाए थे, तो आप तो लॉस कट कर ही लीजिएगा। अगर जिन्होंने छोटी एंट्री नीचे की तरफ ली है, ऊपर नहीं एंट्री ली है, वो लॉस कट कर लीजिएगा। जिन्होंने ऊपर एंट्री 100% ली थी, वो जो आधी लिमिट हमने कहा था लगाने, जो आधी लिमिट कही थी खाने के लिए, उस आधी लिमिट को आधा करके यूज कर लीजिएगा, उतना अमाउंट जो है वो लगा दिए। 60 ही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो ओपन रेट था वही आ चुका। और जिनको मेरे से तकलीफ थी और जो मुझे गालियां दे रहे थे कि नहीं होगा, सीधा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, उनको जो डर लग रहा है वो लगा दीजिएगा यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो मुकाबला काफी बढ़िया रहने की उम्मीद है। अभी ड्रिंक्स ब्रेक जो है वो आ चुका है, बाकी आप सब लोग जो है वो सेटमेंट के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइचन ने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। सेटमेंट के ऊपर मिनिमम डिपॉजिट जैसे 200 रुपए का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ 10 रुपए की, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। और यहाँ पर अगर 500 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो 1000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। डिपॉजिट आप गूगल पे फोन पे पेटीएम से बैंक ट्रांसफर करते हैं, विड्रॉल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। और बात की जाए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी आईडी जो है वो ले सकते हैं, सबमिट के ऊपर अपनी आईडी बना सकते हैं। टोटली एक्सचेंज है, एक्सचेंज पे खेलिए भाई, नीचे एंट्री लीजिए, ऊपर लॉस कट करिए और वेट करिए बुक सेट करने का। और साथ साथ में अगर बात की जाए सबमिट के ऊपर आप सारे मुकाबले लाइव दे सकते हैं, सारे मुकाबले जो है वो लाइव दे सकते हैं सबमिट के ऊपर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लाइव पिन कर दिया है, उस लिंक क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। यहां पर मिश्रा जी कॉन्फिडेंस ने पैसा बनवाया है आज भाई, पूर्व मिश्रा भाई देखिए मैं भी कॉन्फिडेंट था तभी बोल रहा था मैं आपको, मैं भी कॉन्फिडेंट था इसलिए बोल रहा था भाई, हेटर तो है तो हर बार रहेंगे ही। टॉम आटली के पटकी भी इस बार पुल कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, गैप में गेंद थी, फील्डर डाइव लगाई मगर रोक नहीं पाए गेंद को, लीजिए चौका मिलेगा। और यहां से इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर स्कोर आगे चलता हुआ और हेटर जो है वो जलते हुए, क्योंकि इनको पता है कि भैया क्या कर दिया भाई ने, 99 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, 71 गेंदे हो चुकी है। और जिनको डर लग रहा है वो तो एग्जिट ले सकते हैं भाई, और जिनको बुकसेट करनी है बुकसेट भी कर सकते हैं, बाकी तो काफी लोग जो है हमारे साथ है। चलिए अगली गेंद यहाँ पर ऑस्टन के बाहर जिमी निशम, लक्ष्म की तरफ किशम के, जिमी निशम को इस बार मिडविकेट दिशा में खेला, 1 रन मिलेगा। टीडीएस कितना है सेटमेंट पे, कोई टीडीएस नहीं है भाई, कोई टैक्स नहीं है, डिपॉजिट करिए उतना ही विड्रॉल मिलेगा, कोई आपका परसेंटेज कटेगा नहीं विड्रॉल करने पे भी। यहाँ पर कोई ज्यादा जीत गया तो मुझे कुछ दे दो, मुझे भी लगाना है जीतने के बाद लोटल भाई ये कब से होने लग गया भाई, मुझे भी दे दीजिए कोई भाई। अगले गेम फिर से ऑस्टन के बाहर सीधे बल्ले से खेला, कवर दिशा में 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ 73 गेंदे हो चुके हैं, 101 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, अभी भी 27 गेंदे बची हैं। इन 27 गेंदों में जिमी निशम जो है वो अच्छा करेंगे। हेटर्स थू है तुम पे भाई, बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं आप यासिर भाई। चलिए अगले गेंद फर्स्ट ऑस्टन के बाहर कट कर दिया गेंद को डी पॉइंट दिशा में, 1 रन मिलेगा। इसलिए बार बार मैं रेफरेंस दे रहा था, इसलिए मैं बार बार आपको रेफरेंस दे रहा था कि पिछली बार का फाइनल देख लो, कि पिछली बार फाइनल 120 रन बनाने में भी यही बैटिंग थी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, 120 पर आउट मार दिया था इनको। तो आराम से वेट करिएगा, अभी मैच खत्म नहीं हुआ, इसलिए कहता हूं मैच खत्म होने से पहले कुछ मत बोलिए, आराम से देखते रहिए। एक बार फिर से ऑस्टन की तरफ गेंद, सीधे बल्ले से खेला गेंद को, यहां पर रन आउट की अपील कर रहे हैं मगर 2 रन लेना चाहेंगे कि हाथ लगा था कि नहीं प्लेयर का देखना होगा। 2 रन तो दौड़ लिए हैं चौम करन ने, एक बार अपील करी है रन आउट की, क्योंकि शॉट खेला टॉम करन, सीधे बल्ले से हाथ लगा था, शायद गेंदबाज को स्टंप पे लगी है।
और रनआउट की एक अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा रनआउट होंगे कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा कि अंपायर जो है चेक करना चाहेंगे, चेक कर रहे हैं। देवी सिंह भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस मुकाबले में, और आप सब लोग सेट बेट के साथ जुड़ते रहिएगा। कोहली ज्यादा जीत गया तो मुझे भी कुछ दे दियो। गोपाल भाई कह रहे चौका, ओके। विकास भाई कह रहे मिश्रा जी पाक नंबर वन टीम हमारा टीम है में विराट के, मतलब क्या लिख रहे हैं विकास, समझ में नहीं आया लिखना क्या चाहते हैं। गोपाल के भाई कह रहे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैत्री मुंबई कह रहे 165 ज्यादा बड़ा स्कोर हो जाएगा, 140-145 तक का सोचिए, मैं तो 130 तक का सोच रहा हूँ अभी तक, तो कि पहुंच जाए। नॉट आउट रहेंगे जी, नॉट आउट रहेंगे यहाँ पर, दो रन मिलेंगे इस गेंद पर, तो 9 रन आए इस ओवर से। 75 गेंदे हो चुकी है, 104 रन बन चुके हैं। अब अगली आखिर की 25 गेंदे, जी हाँ आखिर की 25 गेंदे बची हैं। अब आखिर के 25 गेंदों के अंदर कितने रन और बनेंगे यहाँ पर, इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। दिवाकर भाई लॉस कट मुझे सता है, नहीं क्या करें, लॉस कट के भाई इतना ही, जिस टीम पे आ गया पटकी हुई गेंद, फुल कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 अंक के लिए। इस बार बल्लेबाज से जेमी निशम देगा गेंद, थोड़ी शॉर्ट है, इस बार पुल किया टॉम हार्टली की इस गेंद को और पहुंचा दिया है यहाँ पर बाउंड्री के बाहर। यहाँ पर माफ करिएगा, टॉम करन नहीं थे इस बार, जिमी निशम थे। जिमी निशम ने लगाया है छक्का 76वीं गेंद पे, 110 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर। जिमी निशम के बल्ले से आता हुआ बड़ा शॉट, 6 रन मिलते हुए इस गेंद पर। रनों की जरूरत है और रन ही आने चाहिए यहाँ पर। अगली गेंद लेकर चलेंगे जिमी निशम के लिए, 109 रन बन चुके हैं, 76 गेंदे हो गई। अगली गेंद टॉम हार्टली की पटकी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, इनसाइड एज लगा, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आ जाएंगे बल्लेबाज यहाँ पर जो है टॉम करन स्ट्राइक पे आएंगे। स्कोर होता हुआ 110 रन बन चुके हैं, 77 गेंदे हो चुकी हैं। क्रिकेट ऑप्शन नहीं है क्या करें भाई, मुझे मैं को नहीं पता। फिर से टॉम करन के अगली गेंद, सीधे बल्ले से खेला डीप मिड विकेट दिशा में, 1 रन तो मिल गया है, दूसरा रन लेना चाहेंगे टॉम करन। अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच अगर देखा जाए तो कुल मिला के 112 रन बन चुके हैं, 77 गेंदे हो चुकी हैं, 112 रन 77 गेंदे हो चुकी हैं। स्कोर कार्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप सब लोग। जसपाल भाई ने लिखा है भाई जी यूएस टीचन उड़ गया है, कोई बात नहीं उड़ने दीजिए भाई, हमने ये भी उड़ाना शुरू कर दिया है साथ में, आप टेंशन मत लीजिए, दोनों उड़ाएंगे यहाँ पर। अगली टॉम करन ऑस्टन के बाहर कट कर दिया गेंद को, एक बार फिर से डीप पॉइंट दिशा में गेंद गई है, 2 रन मिलने चाहिए मगर 4 मिलेंगे, 4 मिलेंगे मगर धन्यवाद जसपाल सिंह भाई, आपने 40 रुपए का सुपर चैट किया और चौका आता हुआ। देखिए रुझान आने शुरू हो चुके हैं हमारे व्यूअर्स के, 117 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर 79 बॉल्स हो चुकी है, और इस बार बल्लेबाज थे यहाँ पर टॉम करन, और टॉम करन ने जड़ दिया एक और चौका। जी हाँ चौकों की बारिश चल रही है। अगली टॉम करन 44 रन लाकर खेल रहे हैं, इस बार फिर से अगली गेंद टॉम करन को पटकी हुई गेंद, फिर से पुल किया है गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट दिशा में, एक और चौका लीजिएगा, एक और बाउंड्री आती हुई। स्कोर होता हुआ यहाँ पर 121 रन, 80 गेंदे हो चुकी हैं, 80 गेंदे हो चुकी हैं, 121 रन बन चुके हैं, 120 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर, 80 गेंदे हुई हैं, और एक जबरदस्त पार्टनरशिप। जी हाँ जबरदस्त पार्टनरशिप भाई, आई एम फ्रॉम साउथ कोरिया, सेटबेट पर क्रिप्टो डिपॉजिट ऑप्शन नहीं है भाई। देखिए मोइन भाई अगर क्रिप्टो का चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जो है वो आप वहां पर पता कर सकते हैं, वहां से हो जाएगा आपका। यहाँ पर के तो लग गए भाई, 150 बन जाएंगे। अल्फा रिसेप्शन हॉस्पिटल भाई ये कौन है, समझ में नहीं आया मुझे समझ नहीं आया। श्रीयश भाई कह रहे नाचो चलिए भाई बल्ले बल्ले, मेरे सब तो विन हो गए आज, बिल्कुल भाई सही बात है भाई, मेरा सेशन कर दो बार कर देंगे भाई। इस पिच पर क्या स्कोर है, ये बैटिंग बॉलिंग पिच है भाई, अभी देखिए अब इतना ध्यान जाएंगे, मैं तो देखो एंट्री दे दी थी बंदों को, अब हमारे बंदे तो नाच रहे होंगे आराम से एंजॉय कर रहे होंगे। जोशी ने पटकी भी गई इस बार, कलाइयों के सारे खेल दिया है 1 रन के लिए, अगली 20 गेंदों में अगर 40 रन जोड़ दिए तो 160 रन विनिंग टोटल रहेगा, 160 रन विनिंग टोटल रहेगा इस पिच के ऊपर। क्या लगता है आपको मुकाबला किस तरीके से चलेगा, काफी लोग जुड़ चुके हैं। अब आप मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सारे लॉस जो है वो कवर लॉस को हटा लीजिएगा, जिन भाइयों ने लॉस नहीं हटाया वो सारे हमारे व्यूअर्स जो है वो लॉस कट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोनों 90 चल रही है, दोनों टीमें जो है वो 90 चल रही हैं, लॉस कट कर लीजिएगा, रिपीट लॉस कट कर लीजिएगा इस मुकाबले से, क्योंकि बहुत छोटी एंट्री हमने ली है
उस पे लॉस कट कर लीजिएगा सही भाई। यहाँ पर बल्लेबाजी के टॉम करन मौजूद है, अगली गेंद दूसरी गेंद लेकर चलते हुए जोश लिटिल, जोश लिटिल क्या होगी दूसरी गेंद फटकी भी गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर, कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट की दिशा में, 6 रन के लिए छक्का मिलेगा इस गेंद पर और यहाँ पर 6 रन जुड़ते हुए इस गेंद पर 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ यहाँ पर टॉम करन भैया क्या बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज यार, ये तो जबरदस्त जब जब बल्लेबाजी का मौका मिला रन बटोरे हैं। 82 गेंदों में 127 रन बन चुके हैं और टॉम करन जो है वो 54 रन बनाकर खेल रहे हैं, 26 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 4 छक्के लगा चुके हैं, मुकाबला काफी बढ़िया यहाँ पर। ब्रो गूगल में स्कोर 121 है भाई, यहाँ पर 127 है, छक्का लग गया है। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर फिर से जोश लिटिल पटकी हुई गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, यहां से 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर स्कोर होता हुआ 129 रन, 5 विकेट नुकसान पर 83 गेंदें हो चुकी हैं। अपना काम खत्म आज का पूर्व मिश्रा भाई, लॉस कट जरा क्या नहीं ब्रो, लॉस कट मतलब लॉस नहीं होना चाहिए अब आपके आपके खिलाफ, मतलब मैनचेस्टर के ऊपर बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए किसी का। यहाँ पर प्रॉफिट सारा ओवल पे ही है, लॉस कट है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, बिल्कुल भाई यही चाहता था मैं, पहले मैच में काफी जो है गहमा गहमी हुई, मैं देखा अच्छा नहीं लगा मुझे यार, हमारे व्यूअर जो है टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन मत लीजिए हम आपके साथ हैं। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर सिंगल मिलेगा, 84 गेंदें हो गई हैं, 130 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर। जिमी निशम बल्लेबाजी जो अच्छी करते हैं यहाँ पर, बल्लेबाजी जो है वो अच्छी करते हैं, यहाँ से देखना होगा भाई। टेलीग्राम नहीं आता आपका भाई, राजू भाई कॉमेंट्री कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं आ पा रहा टेलीग्राम भाई, कॉमेंट्री करते हुए अभी इनको संभालूँ, हमारे जो कुछ लोग हेटर्स आते हैं उनको भी संभालना पड़ता है। दिवाकर सर लॉस कट मुझे नहीं आता है बताओ आप, अब ऐसा करो ओवल फेवरेट है, अब 1000 रुपये उठा के जो है वो लगा, मतलब 1000 रुपये या जितना भी लॉस दूसरी टीम पे लगा दीजिए, मतलब मैनचेस्टर पे लगा दीजिए, पहले ओवल पे लगाया था मैनचेस्टर पे लगा दीजिए, वापस वापस सारे मत लगाइएगा, थोड़ा अमाउंट छोड़ दीजिएगा ओवल पे और थोड़ा अमाउंट रख लीजिएगा मैनचेस्टर पे, तो ये लॉस कट बुक्सड हो गया आपका। अगली गेंद लेकर चलते हुए जिमी निशम के लिए, जोश लिटिल पटकी हुई गेंद कलाई हुए सारे फ्लिक कर दिया गेंद को, स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई एक और बड़ा शॉट यहाँ पर, मगर फील्डर जब तक गेंद पकड़ते चौके के लिए निकल गई है गेंद, एक और चौका आता हुआ, जी हाँ चौका मिलता हुआ इस गेंद पर, 134 रन 5 विकेट नुकसान पर, 85 गेंदें हो चुकी है, जिमी निशम 24 गेंदों में 43 रन बना के खेल रहे हैं, 5 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं, ऐसा लग रहा था कि भैया इनके 120 भी मुश्किल होंगे और देखिएगा 85 में 134। मैंने शुरू बताया था ध्यान से हमने सुना नहीं, मैनचेस्टर की बल्लेबाजी अच्छी है मगर उनकी गेंदबाजी जो है वो कमजोर कड़ी है, ऐसे मैच हर हफ्ते 2 होने चाहिए, पहली इनिंग में ही काम खत्म भाई, अरे वाह 3 रुपए लाओ और 6 मारो भाई। अगली गेंद भाई देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में, और रुझान आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के थैंक यू भी आने शुरू हो गए, जसपाल भाई ने यहाँ पर, जसपाल भाई तो जुड़े हुए हैं सिर्फ सुपर चैट कर चुके हैं, धन्यवाद भाई जसपाल भाई ऐसे जुड़े रहेगा। 15 गेंदें बची हैं, 15 गेंदों में अगर 30 रन और चढ़ दिए तो 164 रन का स्कोर एक अच्छा स्कोर रहेगा इस पिच के ऊपर, अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। आर्यन भाई कह रहे किसको जिता रहे हो भाई, अब मैं तो अपने आप को जिता रहा हूँ, अब मेरी तरफ से कोई मेरा काम नहीं है, कोई भी टीम जीते कोई भी हारे मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरा काम बिल तरीके से खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ओवल की टीम यहाँ मैनचेस्टर टीम अच्छा खेले जरूर मगर यहाँ पर मजा आना चाहिए आखिर में, कोई भी जीते कोई भी हारे, अब जो बीच में आएंगे वो काम होगा। 0 लॉस दिवाकर भाई, यूएस सीजन में टाई हुआ है और मैंने यस नहीं किया, क्या अब लॉस होगा या नहीं? टाइस नहीं किया आपने, आपको आपका लॉस हो रहा होगा तो लॉस नहीं होगा, अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, आपका जीरो हो जाओगे, टोटली जीरो हो जाओगे, लॉस ना प्रॉफिट होगा टाई मैच में, अगर टाइस किया होता तो शायद आपको यस के पैसे मिल जाते। वो क्यों फाड़ दिया सर जी आज तो, बिल्कुल ललित भाई लॉस कट कर दिया ब्रो, आप ओवल विन किया तो 1500 मिलेंगे, रोजो सबर करो भी, बुक सेट भी कराएंगे, 50 पैसे मिले तो 1000 की बुक बना लीजिएगा अरुण भाई और सो जाइएगा आराम से। अगली गेंद पर फिर 135 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, 86 गेंदें हो चुकी हैं, टॉम करन है स्ट्राइक पर, क्या बड़े बड़े शॉट खेलेंगे टॉम करन, देखना होगा यहाँ पर, यहाँ से देखना होगा किस तरीके से चलता है। अगली गेंद पर फिर से यहाँ पर मिसफील हुई जॉश बटलर से और 1 रन दौड़ लिया यहाँ पर, जो है वाइड प्लस सिंगल आता हुआ, 2 रन एक्स्ट्रा मिलते हुए यहाँ पर ओवल को 137 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, 86 गेंदें हो गई हैं, 14 गेंदें बची हैं, अब जिमी निशम का काम शुरू होगा क्योंकि जिमी निशम को यहाँ से अब बड़े शॉट खेलने होंगे, बड़े शॉट खेलने होंगे यहाँ पर और रन बटोरने होंगे जिमी निशम को, तो क्या जिमी निशम कर पाएंगे यहाँ से बड़े बड़े शॉटों का काम? जो भाई हमारे स्ट्रीम को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल का नाम है क्रिकेट लाइव हिंदी, क्रिकेट लाइव हिंदी को जाकर सब्सक्राइब करिए, क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे हम लाइव हैं, क्रिकेट लाइव हिंदी 3 पे हम लाइव हैं, बाकी और जगह हम कहीं लाइव नहीं, क्रिकेट लाइव हिंदी पे आज हम लाइव नहीं है क्योंकि लाइव जो है बंद है हमारी, जी लाइव जो है हमारी बंद है,
इस वजह से वन पे नहीं आए हैं आज, क्रिकेट लाइव हिंदी पे नहीं आया है और टू और थ्री पे जुड़े हैं। एक बार फिर से वाइड गेंद है, ये एक बार फिर से वाइड गेंद है, वाइड गेंदों का सिरसे चलने दीजिएगा। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 137 रन 5 विकेट नुकसान पर, 13 गेंदें बची हैं। पिछली गेंद पर लेग बाय का सिंगल आया था, हमें लगा वाइड है। यहाँ पर चौको चौको ओवल, ओवल ठोक ही रही है। गुरु जी मैंने दोनों एंट्री ओवल विन किया था भाई, एक एंट्री जाके मैनचेस्टर विन कर दीजिए, एक पे एंट्री मैनचेस्टर भी यूज कर लीजिएगा ना। अगर मैनचेस्टर पे थोड़ा बहुत माउंट मैनचेस्टर पे लगाएंगे तो आपका लॉस, जिसमें अगर मैनचेस्टर पे लॉस आ रहा होगा वो ग्रीन से रेड से ग्रीन हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। स्पेशल एजुकेटर भाई राजू इस पर लगाया तुमने, अरे राजू भैया को रहने दीजिए भाई। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए, यहाँ पर अगली गेंद लेकर चलते हुए जिमी निशम के लिए। इस बार पॉल वॉल्टर कर रहे हैं गेंदबाजी, दो गेंदें बची हैं इस ओवर की, एक बड़ा शॉट चाहिए होगा यहाँ पर। जिमी निशम को अगली गेंद ऑस्टम पे है, बड़ा शॉट खेलने गए, सीधे बल्ले से खेला है मगर फील्डर से दूर है गेंद, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर जिमी निशम को। और अब यहाँ से 11 गेंदें बची है तो पूरा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के पास लाइसेंस है। डर गए कौन डर गया भाई, गदर पिटिशन ब्रो। अरे भाई लिख बोल दीजिए ना, वो जो मैं गाली देके जा रहा था बंदा कहाँ चला गया वो, चलो उसको भगा ही दिया था हमने वैसे भी। यहाँ पर उसको बता दीजिए ना भाई कि आज से नहीं 100 कर रहे हैं, दूसरा सीजन है हमारा करते करते। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर चौमकरण के लिए, चौमकरण को अगली गेंद पॉल वॉल्टर की, फिर से पटकी भी गेंद पुल किया गेंद को, फ्लैग शॉट कोशिश की फील्डर ने कैच को पकड़ने की यहाँ पर, मगर एक रन मिल गया इस गेंद पर। तो यहाँ पर 90 गेंदे 139 रन बन चुके हैं, आखिरी की 10 गेंदें बची हैं, देखना होगा आखिरी की 10 गेंदों के ऊपर किस तरीके से रन बनाते हैं। वैसे तो यार जो जिन छोटी छोटी एंट्री थी नीचे वाले लॉस्ट लॉस्टर सो जाओ आराम से, क्यों रात में एक दिन महल बनाना चाहते हो तुम सब। मिशा जी एक दिन कहिए लगिए लॉस्ट बुक से डिब्बी इन सबकी क्लास ले लो सबकी, कोई बात नहीं अप्रू भाई बोलने दीजिए, मैं गुस्सा नहीं करता, गुस्सा आता है यार, स्टार्ट हुआ नहीं मुकाबला, 25 गेंदें होती नहीं है और घबरा जाते हैं, वैसे ही हार गए पहले चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये तो वही वाली बात है, जंग में कूदे नहीं हो, दो गोली एक गोली लगी हुई टांग में और तुम पहले कह रहे हो जी मर गए, तो वो तो ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा जंग जीत हो गया। आप 100 रुपये सुपर चैट किए अरुण भाई ने हमें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिएगा अरुण भाई, धन्यवाद 100 रुपये सुपर चैट करने के लिए, धन्यवाद अरुण भाई। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा इस मुकाबले में, मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। दिवाकर भाई मजा आ रहा है, बिल्कुल भाई मजा आता रहेगा। अब भाई ऑलवेज योर बेस्ट प्रेडिक्शन, रवि कुमार भाई लिख रहे हैं, बिल्कुल भाई अभी तो ऐसे दिवाकर भाई पिच पर होते तो 200 रन ठुक ठोक देते भाई, गुस्सा आ गया था मैं तो खुद बैटिंग, पवन मिश्रा भाई मैं तो खुद बैट ले जा रहा था बैटिंग करने के लिए, तो मैं रुक गया। सड़क अंडा भाई कर दिवाकर जी बैठ ही, बात ही अलग है यार, कहाँ थे कहा था मैंने, अरे देखो मैच भी अच्छा होना चाहिए सड़क अंडा भाई, वुमेन्स वाले मैच है, मुझे पता था कि नॉर्दर्न सुपर चार्जर जीतेंगे, जमामा रॉड्रिग्स को बैटिंग ही नहीं मिली यार, 14 गेंदे खेल कर गई 73 गेंदों में से, अगर वो 25 या 30 गेंदे खेलती ना कम से कम 50 रन मारती और मैच का रुख अलग होता, तो फिर वही बात है फिक्सिंग हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं यार। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखते हैं मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं जरा, अब 91 गेंदों में 40 रन बन चुके हैं, जिमी निशम है स्ट्राइक पर, जिमी निशम को रुद्र रूप अपनाना पड़ेगा यहाँ पर, 9 की 25 गेंदों में 20 से 25 रन और जोड़ने होंगे, देखते हैं क्या करेंगे। अगली गेंद गैल्सन की फुल टॉस गेंद, कलाइयों का सारे खेल दिया उसको, अलग की दिशा में गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ और 4 रन मिल जाएंगे जिमी निशम को। जी हाँ इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 144 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर, 92 गेंदे हो चुकी हैं और क्या बल्लेबाजी की जिमी निशम ने, 28 गेंदों में 49 रन बनाए हैं और बल्लेबाजी जो है वो अच्छी कर रहे हैं, ये देखना होगा भाई इन लोगों को, ये बता है हम बेस्ट फ्रेंड है भाई, बिल्कुल भाई ब्रो इन लोगों को बता दो हम बेस्ट फ्रेंड है भाई। अरुण भाई हमारे काफी करीबी दोस्त हैं, शुरू से हमारे जुड़े हैं, यासिर भाई भी जुड़े हुए काफी टाइम से, जितने लोग पुराने हैं वो काफी साल से जुड़े हुए, इसलिए जुड़े हुए भाई जानते हैं मुझे। मिश्रा जी भाई मुझे मॉनिटर बना दो यार, रिटर्न भाई मैं किसी को नहीं बना रहा इस टाइम पे अभी। चलिए अगली गेंद अब फिर से यहाँ पर खेला था शॉट को खेला था, 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर और रिचर्ड गैल्सन थोड़े से महंगे साबित होते हुए 32 रन दे चुके हैं इस ओवर में, 7 रन आ चुके हैं अभी भी, 7 गेंदें बची हैं, 7 गेंदों में अगर 2 छक्के और आ जाए ना मजा आ जाएगा, अरे दिल खुश हो जाएगा दादा, दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मुकाबला चल रहा है बढ़िया भाई, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैनचेस्टर जीतेगा, अरे कोई जीते हम जीत चुके हैं राघव भाई, हम जीत चुके हैं भाई। भाई ऑलवेज योर बेस्ट प्रेडिक्शन, धन्यवाद भाई रवि कुमार भाई इस बार जुड़े हैं हमारे साथ, जिमी निशम 51 रन बनाकर खेल रहे हैं मगर अभी भी 7 गेंदें बची हैं, रिचर्ड गैल्सन के ओवर की अगली गेंद जिमी निशम को, यहाँ पर फुल टॉस गेंद पर सीधे बल्ले से खेल दिया गेंदबाज की दिशा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री की तरफ, क्या मिलेगी एक और बाउंड्री मिलेगी यहाँ पर जिमी निशम को,
एक और चौका आता हुआ मैं देख रहा हूँ यार, हजार हजार लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर इससे इतनी बड़ी पिटिशन पर भी लाइक नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। 150 पूरे हो गए ओवल के, 5 विकेट थे ओवल के अगर आप देखेंगे तो। 116 रन की पार्टनरशिप हुई है, 34 for 5 थे और देखिएगा 150 for 5 है ओवल की टीम। इसी बात पर लाइक लाइक ठोकते रहिएगा। 6 गेंदें बची हैं इस पारी की, क्या एक और बड़ा शॉट होगा यहाँ पर? चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। अगली गेंद एक बार फिर से जिम शर्मा, फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से खेल आए गेंद तो मिड ऑन की मिड ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद। 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ टॉम करन स्ट्राइक पे आते हुए। 95 गेंदे हो चुके हैं, 151 रन बन चुके हैं। आखिरी 5 गेंदों में अगर 15 रन और जोड़ दें तो मजा आ जाएगा इस खेल में। तो क्या लगता है आपको, खेला होबे कि फेला होबे? मैंने लाइक किया यार, गिफ्ट कहाँ है? विशाल सिंह भाई गिफ्ट दे दिया है, ओवल ओवल ने एंट्री के साथ एग्जिट दे दी है। वैसे देखा जाए तो मुकाबला टेंशन मतलब बढ़िया जाएगा। बाकी जो सोच रहे हैं मैनचेस्टर वापस लगाने का, भाई मेरे हिसाब से छोटे से उड़ा है तो वेट करिएगा, छोटे से जुड़ा है उड़ा है वेट करिएगा। लॉस कर घुसर करिए यार, इतनी लालच को लेकर जाएंगे अब क्यों मैच में दोबारा घुस रहे हैं जब प्रॉफिट बन चुका है? तो दोबारा मत घुसी, ठोको ठोको लाइक ठोको। एक को भाई बिल्कुल भाई, जमान खान आए हैं वो गेंदबाजी करने के लिए। इनसे उम्मीदें यही है कि कम से कम 16 रन खा के जाएं यहाँ पर, तभी मजा आएगा इस खेल में। 19 खा के तो और अच्छी बात है हमारे लिए। तो 151 रन बन चुके हैं यहाँ पर ओवल के। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर जमान खान, यहाँ पर चौम करन के लिए एक बार फिर से फुलहाल पर यॉर्कर गेंद, कलायो का सारे खेल दिया डीप पॉइंट की दिशा में। 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर और आज जमान खान की यॉर्कर पड़ भी रही है भाई, आज यॉर्कर जो है वो पड़ रही है यहाँ पर। स्कोर होता हुआ यहाँ पर 152 रन, 5 विकेट नुकसान पर, 96 गेंदे हो चुकी हैं आखिरी की 4 गेंदे, 10 रन और जोड़ने होंगे इस 6 गेंदों के अंदर। इन 4 गेंदों के अंदर 10 रन और जोड़ने होंगे, आप देखते हैं किस तरीके से गेम रहेगा। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरतिया। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। एक बार फिर से अगली गेंद जमान खान की, यहाँ पर देखा जाए तो बाय का सिंगल आता हुआ। जी हाँ, सिंगल नहीं छोड़ रहे हैं। 153 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, 97 गेंदे हो चुकी हैं आखिरी की 3 गेंदे, 10 रन तो बटाना जरूरी है। नहीं मैं तो करूंगा आज, लालच फाइनल है भाई, कर लीजिए भाई लालच कर लीजिए। चलिए यहाँ से अगली गेंद लेकर तो चलते हैं। जमान खान स्ट्राइक पे हैं, चौम करन, चौम करन को ओवर किए यहाँ पर। तीसरी गेंद फुल टॉस गेंद थी, स्कूप शॉट खेला है इस बार मगर बल्ले के निचले हिस्से पे गेंद लगी, गेंद गई मिड विकेट दिशा में। 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर, 100 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, 98 गेंदे हो चुके हैं। बढ़िया ओवर कर रहे हैं जमान खान, 3 रन दिए हैं अभी तक इस ओवर में, अभी भी 2 गेंदे बची हैं। क्या इन 2 गेंदों के अंदर 2 बड़े शॉट और आ सकते हैं क्या, ये देखना होगा। काफी लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और इंजॉय करिएगा चैनल को। भाई अपने वुमन में हरवा दिया था, सुमंत वर्धल भाई मैंने ओवल में अभी एंट्री दी थी, कहाँ सो रहे थे क्या, वेट कर रहे थे क्या, अभी एंट्री ले लेते रिकवर होता लॉस आपका। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर जिमी निशम के लिए, जमान खान की गेंद यॉर्कर गेंद थी, एक बार फिर से सिंगल लिया इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी जमान खान की और आज बढ़िया गेंदबाजी करी आखिरी ओवर में, 4 रन दिए अभी तक, आखिरी गेंद बची, 155 रन बन चुके हैं, 5 विकेट नुकसान पर, क्या आखिरी गेंद पर चौका जड़ पाएंगे? जी हाँ, चौका जड़ पाएंगे यहाँ पर आखिरी गेंद पर, देखना होगा यहाँ से किस तरीके से ये खेल चलता है। बल्लेबाजी जो है आखिरी गेंद पर किस तरीके से करते हैं देखना होगा। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए चौम करन के लिए जमान खान के ओवर की अगली गेंद, चौम करन को फुल की गेंद, सीधे बल्ले से खेला है, गेंद हवा में है, क्या फील्डर नीचे आएंगे? जी नहीं, ये 6 रन मिलेंगे यहाँ पर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्का जड़ के इस पारी को समाप्त किया यहाँ पर सैम टॉम करन ने और 34 गेंदों में 67 रन बनाए टॉम करन ने, 4 चौके 5 छक्के। जिमी निशम यहाँ पर 33 गेंदों में 57 रन, 1 छक्का 7 चौके, 100 गेंदों में 161 रन बन चुके हैं। टारगेट है मैनचेस्टर के लिए 162 रन और पार्टनरशिप देखिए क्या किया है। जी हाँ, इस पार्टनरशिप को देखिएगा, 64 गेंदों में 127 रन की पार्टनरशिप है टॉम करन और जिमी निशम के बीच में और एक बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा कर दिया है। तो फाइटिंग के लिए, लड़ने के लिए स्कोर मिल चुका है ओवल को। अब देखना होगा मैनचेस्टर जो है वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेगी यहाँ पर, अब देखना होगा किस तरीके से चलता है ये खेल। लाइक ठोकते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ
यहाँ पर जो है खेल काफी बढ़िया रहने की उम्मीद है। बाकी आप सब लोग जो है सेटमेंट के साथ जुड़ते रहिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपए का है, मिनिमम बैट जो है 10 रुपए की, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। तो फट जाइएगा सेटमेंट को ज्वाइन करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। यहाँ पर पहले डिपॉजिट पे आपको एडमिशन मोनी टोटली एक्सचेंज है, लॉस करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा यहाँ पर। तो बात करते हैं यहाँ से मुकाबले की, तो मुकाबला काफी अच्छा रहा है। तो मिलते हैं आपसे इनिंग ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सब भाई जो है पानी वानी पी लीजिएगा और खाना भी रख लीजिएगा, साथ में खाना वाना खा लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अब जो है यहाँ पर इनिंग ब्रेक के बाद, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। ध्यान रखिएगा मुकाबला सुपर से भी ऊपर रहेगा और सेटमेंट के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपए का, मिनिमम बैट जो है 10 रुपए की है और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है यहाँ पर। और जाइएगा, जी हाँ जाइएगा, खेलिएगा और जीतिएगा यहाँ पर। मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहेगा यहाँ पर।
चलिए यहाँ से मुकाबला जो है वो शुरू हो रहा है। एक बार फिर से इनिंग ब्रेक जो है वो खत्म हो रही है, यहाँ पर मुकाबला दोबारा जो है वो शुरू हो रहा है और तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर टारगेट जो है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के पास वो है 162 रन का, जो कि 100 गेंदों बनाना है। जी हाँ, 100 गेंदों में पूरे करने हैं ये 162 रन। तो क्या यहाँ पर 162 रन पूरा करने के लिए पूरा कर पाएगी मैनचेस्टर की टीम, या फिर यहाँ पर मुकाबला बढ़िया होगा। यहाँ पर सैम करन के हाथ में गेंद है, पहली गेंद फिलिप सॉल्ट को, यहाँ पर सैम करन के एक स्लिप रखा हुआ है अंदर आती हुई गेंद, तीसरे बल्ले से खेला है मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के पास, 99 गेंदे हैं, 162 रन चाहिए। पिछले मुकाबले में 196 रन चेज किए थे, क्या आज भी यही कर पाए क्या? वेलकम बैक भाई आसिफ, बिल्कुल मिश्रा जी मेरा नाम याद रख लिया, राणा भाई बिल्कुल नाम याद रख लिया है मैंने आपका, और यहाँ से बिल्कुल याद है। क्रिकेट लाइव 3 दिवाकर भाई कैसे हो? बढ़िया हो सर जी, आप बताइए। चेतन भाई कैसे हैं आप? मुकाबले में जुड़े हैं, मुकाबला हो चुका है शुरू, तैयारी कर लीजिएगा यहाँ पर। और अगली गेंद इस बार फिर से फाइनल की दिशा में खेला फिलिप सॉल्ट ने, कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद और यहाँ से मुकाबला जो है वो काफी बड़ा चलता हुआ। भाई कह रहे हैं भाई जय हो शनि हमारा जो मैनचेस्टर को जिता दो भाई। भाई वेट करिएगा, लगातार एक ही कमेंट मत करिएगा यार, वैसे ही दिन खराब चल रहे हैं। क्रिकेट लाइव हिंदी की लाइव स्ट्रीमिंग जो बंद है अभी, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, लगातार एक ही कमेंट मत करिएगा। स्कोर अभी भी 2 गेंदों के बाद 0 है, फिलिप सॉल्ट और जॉश बटलर आए हैं। अगर सॉल्ट चल गया तो आराम से जीत जाएगी कश्यप भाई, दुनिया यही सोच रही है और जो दुनिया सोचती है उसके विपरीत ही होता है, ऐसा मानना है क्रिकेट के अंदर। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हैं। सैम करन अंदर आती हुई गेंद पर सीधे बल्ले से खेल दिया मिड ऑन की दिशा में, बस फील्डर जो है वो लॉन्ग ऑन रखा हुआ है। वाह, एक रन मिलेगा। दिवाकर भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो? भाई सपोर्ट तो मेरे मैनचेस्टर के साथ था, मगर मैंने एंट्री जो है 15-17 पैसे पे ओवल पे दी थी और लॉस्कर बुकसेट कर चुके हैं काफी लोग जो है और प्रॉफिट ओवल पे है मेरा। भाई आसिफ भाई कर लीजिए, 70 पैसे हाथ हो गई ओवल, और क्या चाहिए, 15 पैसे 17 पैसे 70 पैसे आगे क्यों लालची बन रहे हैं? खत्म करिए, क्यों टेंशन ले रहे हैं जिंदगी में, इतनी टेंशन वैसे ही है, इस मैच की भी क्यों डाल रहे हैं आपने? ब्रो हमें विन किया था, किया तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्या करें। अरुण भाई अब तो लॉस कट बुक सेट कर लीजिए, आप भी कितना प्रॉफिट चाहिए आपको भैया, 1000-1200 बहुत होते हैं यार। मेरा नाम याद है ना, निखिल पांडे भाई का नाम लिखा ही हुआ है। अगली गेंद फिर से जॉश बटलर को ऑफ स्टंप पे, गेंद हल्का सा पुश किया गेंद कवर दिशा में, एक सिंगल मिलता हुआ इस गेंद पर, इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए पर फिलिप सॉल्ट, स्कोर अभी भी 2 रन, मेरा किसी नुकसान के 4 गेंदे हो चुकी हैं। मिश्रा जी मेरा नाम याद है क्या? याद है या भूल जाओगे? मैत्री भाई मैं तो नहीं भूलूंगा आपका नाम, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। दिवाकर भाई जिंदाबाद, क्रिकेट लाइव हिंदी 3 भाई कर रहे हैं। अच्छा भाई चंद्र भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ पर, फर्स्ट विकेट अंडर 20-22.5 लग भाई, विकेट तो मुझे लग रहा है कि शुरू में गिरना चाहिए, मेरा लॉजिक तो कहता है गिरना चाहिए, बाकी अब देखते हैं। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, इस बार खेल दिया गेंद को कवर की दिशा में, जॉश नहीं फिलिप सॉल्ट के बल्ले से आता हुआ चौका, यहाँ पर फुल रन की गेंद थी, फुल टॉस ये गेंद थी और खेल दिया उसको बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 5 गेंदे हो चुकी है, 6 रन बिना किसी नुकसान के। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का स्कोर है 95 गेंदों में 156 रन चाहिए जीतने के लिए, और फिलिप सॉल्ट और जॉश बटलर को कल जैसी पारी खेलनी होगी। फिलिप सॉल्ट और जॉश बटलर, जी हाँ उसी तरीके से पारी खेलनी होगी। यहाँ पर देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में, और अगर देखा जाए तो मिश्रा जी क्रिकेट लाइव थ्रू कौन है? चेतन भाई जुड़े हैं भाई, चेतन भाई का नाम है। झूठ बोल रहा है ओशाना फहीम खान भाई, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, मैं तो बोला ही नहीं, तो बात ही नहीं करी आपसे अभी तक। तो अगली फिटकी भी गेंद, इस बार फिर से फाइनल की दिशा में गेंद गई है, थोड़ा शॉर्ट ऑल एंड गेंद की इस बार गुस एटिक्सन ने, और गुस एटिक्सन की गेंदबाजी की बात की जाए तो हर मुकाबले में इनको विकेट मिला है। 94 गेंदों में 56 रन चाहिए जीतने के लिए, लगातार 6 गेंदे हो चुकी हैं, 6 रन बन चुके हैं और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का स्कोर है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से गेम चलता है। जो भाई नए जुड़ रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, नूब गेम भाई बिल्कुल कर देंगे। आदित्य भाई जुड़ चुके हैं, सैम करन विकेट लेगा भाई, टॉम करन की मुझे उम्मीद है, सैम करन के दिन खराब चल रहे हैं। चलिए अगली गेंद फिर से बड़ा शॉट खेलने का, इनसाइड एज लगा, गेंद निकल गई फाइनल की दिशा में, यहाँ पर यहाँ से एक चौका और मिलता हुआ फिलिप सॉल्ट को, ऐसे ही बल्ले घुमाएंगे फिलिप सॉल्ट, जी हाँ बल्ले ऐसे ही घुमाएंगे और घुमाते घुमाते कब मैच दूर ले जाएंगे ये देखना होगा। 7 गेंदे हो चुके हैं, 10 रन बन चुके हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के, और फिलिप सॉल्ट जो है वो 6 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, 2 चौके लगा चुके हैं, 93 गेंदों में 152 रन चाहिए जीतने के लिए, स्ट्राइक रेट जो है वो 8.0 यहाँ पर। यहाँ से देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। अरे भाई विकेट मत गिराओ यार, आपका बुकसेट हो गया हुआ है, हुआ भी बना दो थोड़ा सा। चलिए भाई करते हैं, आउट नहीं कराते हैं भाई।
ये अभी भाई कौन आ चुके हैं, कौन कौन आते हैं यहाँ पर देखते हैं भाई, हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ते रहते हैं भाई लोग, पता नहीं हमसे चिढ़ते कितने लोग हैं भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, इनको कोई पूछता भी नहीं है, अपने आप लगे हुए हैं चैट में, अरे एडमिन पागल है, एडमिन ये है, इनको तुम्हें पूछ भी रहा है कोई यहाँ पर चैट के अंदर? आपको नहीं, जिसने 5 लाख लगाए हैं बोलो उसको, अच्छा उसको बोला क्या, मैं बोल रहा हूँ किसको बोल रहे हैं, अभी भाई तो अपना अलग से चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं यहाँ पर। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, देखते हैं क्या होता है। अभी जॉस बटलर है स्ट्राइक पर, अगली गेंद गुस एटिक्सन के, इस ओवर के बटलर को ऑस्टन की तरफ टहलाया है गेंद को कवर की दिशा में, बढ़िया ये शॉट था, एक और यहाँ पर चौका आता हुआ जॉस बटलर के बल्ले से, मजा आया इस शॉट को देखकर, क्योंकि हल्का सा पटकी हुई गेंद को टहलाया सहलाया सा था बस कवर की दिशा में, और फील्डर गेंद की तरफ झपटे जरूर मगर गेंद को पकड़ नहीं पाए, चौका मिला इस गेंद पर। 9 गेंदों में 15 रन बन चुके हैं, अच्छी ओपनिंग जोड़ी देनी होगी आज भी, अच्छी शुरुआत देनी होगी मैनचेस्टर को यहाँ पर, यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो मुकाबला काफी बढ़िया है, स्कोर को आगे लेकर चलेंगे जरा, अगली गेंद लेकर चलते हुए जॉस बटलर के लिए, गुस एटिक्सन की गेंद पटकी हुई गेंद, डिफेंस कर दिया इस गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, स्कोर अभी भी 15 रन बिना किसी नुकसान के, 10 गेंदें हो चुकी हैं, 90 गेंदों में 47 रन चाहिए जीतने के लिए, देखना होगा यहाँ पर क्या देखना होगा किस तरीके से गेंद चलेगा। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स पर लगाऊं क्या, अरे मोनी मुस्लिम भाई देखिए लगा दीजिए मैनचेस्टर पर, वैसे फेवरेट टीम है, वापस तो नीचे जरूर जाएगी, बात यह है कि फेवरेट टीम है नीचे बनता है, लॉस कर बुक्सेट कर सकते तो लगा दीजिए, रन तो बनाएंगे यहाँ पर, देखते हैं किस तरीके से गेम चलेगा यहाँ पर, देखना होगा इस गेम में किस तरीके से गेम आगे बढ़ेगा। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर, और अगर देखा जाएगा इस खेल में, देखा जाएगा इस खेल को किस तरीके से चलता है यहाँ पर। फिलिप सॉल्ट की बात की जाए, 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया, मगर टॉम करन आ चुके हैं, टॉम करन भी ऐसे हैं, अभी भाई बढ़िया है, आप हर बार जैकपॉट पढ़ते हो, अभी भाई को तो निपटा दिया भाई, चेतन भाई अभी भाई को निपटा दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर निपटा दिया है अभी भाई को, अभी भाई निपट लिए है, स्ट्रीम से निकट गए हैं। डेस्पेटो सॉल्ट आउट होगा बटलर भी, ऐसे क्यों डेस्पेटो भाई, रन नहीं बनाने देंगे आप, रन नहीं बनाने देंगे मतलब आज। अगली गेंद पर फिर से लेग स्टंप पे गेंद, कलायो के सारे फ्लिक कर दिया स्क्वायर की दिशा में बाउंड्री के लिए 4 रन के लिए, एक और चौका आता हुआ इस गेंद पर, 19 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 11 गेंदें हो चुकी हैं, और यहां से मैनचेस्टर की शुरुआत, रॉकेट शुरुआत करनी होगी और वही शुरुआत करी है, 89 बॉल्स में 47 रन चाहिए जीतने के लिए। दिवाकर भाई अच्छा, अरे भाई निकल गए चेतन भाई, उनको निकाल दिया है, ज्यादा जोश में आ गए थे भाई, 2 लाख हार चुका हूँ भाई ड्रीम इलेवन पे भाई, प्रदीप भाई ये तो छोड़ दीजिए फिर, जब हार चुके हैं क्यों परेशान हो रहे हैं, किसने मिश्रा सर को कुछ बोला, किस्टम खा देंगे, अरुण भाई बुक सेट कर लो, क्यों परेशान हो रहे हो। अगली गेंद लेकर चलते हुए फिलिप सॉल्ट को, यहाँ पर जो है चौम कर पटकी हुई गेंद, बार फिर से पुल करने गए, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जी हाँ स्कोर आगे बढ़ता हुआ नहीं मतलब 88 गेंदे वही 147 रन चाहिए। विजय भाई कह रहे जय श्री राम भैया, बस भाई कह रहे मार तो मैमो पर हैं भाई। भाई देखिए मैंने शुरू में बताया था आपको कि हम मैनचेस्टर को जब जिताना चाहते हैं, मगर एंट्री हमने ओवल पे ली थी, तो लॉस्कर बुक्सर मैंने इसलिए बोला था कि भाई मैं मैनचेस्टर को जिता सकूं, तो इसलिए लालच मत करिएगा, आराम से इंजॉय करिएगा, मैं मैनचेस्टर को चाहूंगा कि ट्रॉफी जीते भाई, पिछले सीजन की भी यहाँ पर रनर अप थे, इस बार तो जीत ले कम से कम, इस बार तो अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए, इस बार टॉम करन 3 गेंदों में 4 रन बना चुके हैं, अब देखते हैं किस तरीके से गेम बढ़ता आगे की तरफ। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए, टॉम करन स्ट्राइक पे है, फिलिप सॉल्ट अगली गेंद, फ्लिप सॉल्ट को लेग स्टंप पे गेंद, फिर से यहां पर फ्लिक करना चाहते थे, इस बार गेंद इनसाइड जगह पैड पर लगी, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, डॉट गेंद, 13 गेंदें हो चुकी हैं, 19 रन बन चुके हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के, मगर ये मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है जी। स्कोर हो चुका है 19 रन बिना किसी नुकसान के, 13 गेंदें हो चुके हैं सर जी, अभी आज भी मैनचेस्टर पे लगा है दूसरे को जिता जाए, जीत जाए भाई, पता नहीं कौन सा लगाया। फैज भाई किस कैसे हो, फैज भाई को भी डरा, फैज तो अपने ही है भाई, मैं कहा फैज भाई को निपटा दिया। भाई अभी आपको नहीं बोला था, किसी और को बोला था उसने, एडमिन बोला था, एडमिन नहीं, अरे कोई बात नहीं भाई, रजुलाना भाई निपटा दिया है, कोई बात नहीं भाई, कई बार जो है किसी को भी क्यों बोलो यार, अपना अपना इंजॉय करो, मैं आपके पैसे बैठे हूँ बैठने के लिए यहाँ पर। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर, इस बार फिर से अगली गेंद, इस बार सिंगल लिया है, 20 रन बन चुके हैं यहाँ पर, 20 रन बन चुके हैं यहाँ पर, और बात की जाए तो 4 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, 14 गेंदें हो चुकी हैं, जॉस बटलर है स्ट्राइक पर, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, बड़े छोटे दरकार है, अगली मैच में 3 लाख हार चुका हूँ, अब सेट बैट पर ज्वाइन कर रहा हूँ आशीष भाई।
झार तो कहीं भी जाइए मगर जीतने का अंतर है। चलो फिर रात की बातें करें, रात की बातें करें या रास की बातें करें बता दीजिए भाई। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए लेग स्टंप पे गेंद, हल्का सा कलाइयों के सारे खेला है, एक रन मिलेगा। दिवाकर भाई मुझे लगा दिया और एम ओ पर। ओके भाई मुझे मत निपटा देना भाई, आपको नहीं निपटाएंगे भाई। अरे यार बात ये है ना कि अपना बोलो ठीक है, किसी से पंगे क्यों ले रहे हो, कोई बंदा कुछ बोल नहीं रहा, अपने खुद टेंशन बैठे बेचारे हमारे लोग। सर मुझे 100 रुपये भेजो यार, आशीष चौधरी भाई क्यों भेजे, क्यों भेजे आपको, कुछ भी करो ओवल ही जीतेगी ट्रॉफी, सॉल्व जाएगा, टाइम हो गया है इसका। अरे डेस्पिट भाई क्यों क्यों आप बटलर से नफरत कर रहे हैं, वर्ल्ड कप जिताया भाई, बनता तो है इनका जीतना वैसे देखा जाए तो। बटलर को बहुत दिन हो गए, बहुत फाइनल हार लिया बटलर ने यार, कम से जीते सही। स्कोर की बात की जाए तो अभी 21 रन बने हुए हैं यहाँ पर, 15 गेंदे हो चुकी हैं, 10 गेंदे बची हैं पावर प्ले की। फिलिप सॉल्ट और जॉश बटलर को थोड़ा उठा उठा के मारना होगा, उठा उठा के मारना होगा। दीवार में दिल टूट गया यार, 15 दिन में वेट कर रहा था, मॉनिटर नहीं बनाया। जस्ट भाई मैं बना दूंगा मॉनिटर, अभी नहीं बना रहा हूँ यार, मैं किसी को भी नहीं बना रहा हूँ। देखिए अगली गेंद पर फिर से डीप मिड विकेट दिशा में खेला शॉट को, फिलिप सॉल्ट ने एक और चौका आता हुआ, एक और चौका निकलता हुआ फिलिप सॉल्ट के बल्ले से स्कोर होता हुआ, 25 रन बना के हिंदुस्तान के 16 गेंदे हो चुकी है और बल्लेबाजी जो है वो अच्छी चल रही है यार। हाँ भाई मजे करो, आपकी कमेंट्री में मजा आता है भाई, बिल्कुल भाई मैसेज भेजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। किसी से क्यों आप किसी को क्यों ध्यान दे रहे हैं यार, मेरा सवाल यही है कि अब वो इंसान कुछ भी कर रहा हो उसको छोड़ दीजिए, वो जो मर्जी करे किसी को जिताए, तुम अपनी टीम को जिताओ आराम से बैठ के। कल भी लोग विकेट विकेट लिख रहे थे ना, नहीं आया ना विकेट, नहीं आए थे कल भी। अगले गेंद पर फिर से पटकी भी गेंद, फिर से पुल कर दिया, इस बार मगर शॉर्ट कवर फील्डर मौजूद है और यहाँ से प्रॉफिट ज्यादा किस पे रखना है भाई। भाई प्रॉफिट में से अगर बात कीजिए तो बांट लेंगे तो बढ़िया है, हाफ ऑफ कर लीजिए, फिर कोई भी जीते कोई भी हार, ज्यादा के चक्कर क्या है, 100-500 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेंगे किसी के ऊपर। यहाँ पर बटलर तू कल हरा दिया, आज तो जिता दे रिटर्न भाई, कब कैसे, कल तो जीते थे लोग। दिवाकर भाई टीम कोई जीते भाई, बिल्कुल भाई कोई भी जीते, मैं तो कह रहा हूँ मैनचेस्टर हार भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ के लिए, मेरा काम बन गया। प्रॉफिट ज्यादा किस पर रखना है, बराबर रखो, कभी ज्यादा कम मत करो, हमेशा प्रॉफिट बराबर रखो। यहाँ पर चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, 25 रन बन चुके हैं और स्ट्राइक मौजूद हैं। अब फिलिप सॉल्ट गेंदबाजी कर रहे हैं, गुस एटेक्सन गुट एटेक्सन के गेंद लेफ्ट स्टंप पे गेंद थी, फाइनल की दिशा में खेला जरूर है, फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर, इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आ जाएंगे। नूम भाई मुझे तो नूम भाई ये तो नहीं मिल पाएगा इस टीम पे यार, ये फैसिलिटी जो है वो अभी तक आ नहीं रही क्रिकेट लाइव हिंदी पे। नूम गेमिंग भाई इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए भाई। मैच फ्री में कहाँ देख सकते हैं भाई, मैच फ्री में आप सेडमेंट के ऊपर देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैनल में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा अगली गेंद लेकर चलते हुए। यहाँ पर गुस एटेक्सन बटलर के लिए पटकी भी गई, इस बार सीधे बल्ले से खेलकर एक रन बटोरा है इस गेंद पर और इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आ गए हैं बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट। 19 गेंद में 27 रन बनाए हैं मैनचेस्टर ने अभी तक और आखिरी पावर प्ले की 6 गेंदे बची हैं, अब देखना होगा। सैम करन नहीं लॉस करा दिया है भाई, सैम करन के भाई टॉम करन अच्छा खेल रहे हैं भाई सीजन के अंदर। फैज भाई आपको सपोर्ट कर रहे हो भाई, फैज भाई तो हमारे साथ ही, टॉम करन बहुत अच्छा है भाई, भाई उसने मैच निकाल दिया। यहाँ पर महावीर भाई, भाई टेलीग्राम पर मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो भाई, कमेंट्री कर रहा हूँ जतिन कुमार भाई, मैं क्या बताऊँ, मैं कमेंट्री करते करते नहीं कर पा रहा। पटकी हुई गेंद फिलिप सॉल्ट को, पुल कर दिया है गेंद को, गेंद जाती हुई 6 रन के लिए, एक और छक्का मिलता हुआ यहाँ पर, इस छक्के के साथ स्कोर हो जाएगा 33 रन बिना किसी नुकसान के, 20 गेंदे हो चुकी है और क्या शॉट खेला भाई फिलिप सॉल्ट जो है वो अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। स्कोर हो चुका है यहाँ पर फिलिप सॉल्ट का, जी हाँ बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, 15 गेंदे 25 रन बना चुके हैं, उनका बड़ा खेलना बहुत जरूरी है, 20 गेंदे 33 रन बन चुके हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के। भाई बटलर को बोलो पहला करने को, बटलर आराम से करेंगे भाई, ब्रो मैं तो बुक सेट कर रहा हूँ, भाई पहले ही कर लेते बोला तो था आपको, मानते नहीं हो वरुण भाई, लालच बहुत बुरी बला है ये, इससे बच के रहा करो। लव यू फिलिप सॉल्ट, ओके रिद्राना भाई, रिटर्न भाई कह रहे छक्का मार दिया भाई, छक्का तो मार दिया है और देखा भाई मुझे लगता है एमओ पर एमओ हार जाएगी। डायमो भाई देखिए कुछ भी हो सकता है, मेरा काम तो हो चुका है, मैं तो अभी भी कहूंगा जिनका लॉस कर हो चुका है वो आराम से मैच को एंजॉय करिए, क्यों घुसे क्यों पड़ते हो चक्कर में यार, कोई नहीं है टक्कर में, अपना प्रॉफिट निकालो, सो जाओ आराम से, तो बैठो देखो जब लगेगा बाद में एंट्री ले लेना, अभी क्यों पूरी एंट्री लेनी है, ट्रेडिंग की तरह करो ना अभी। अगली गेंद लेकर चलते हुए चौंक करने पर फिर से जॉश बटलर को पटकी हुई गेंद पुल किया है मिड विकेट दिशा में, फील्डर ने गिर कर यहाँ पर सैम करन ने गिर कर गेंद को फील्ड कर लिया है, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर, 21 जी हाँ
21 गेंदे हो चुकी हैं, 34 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के। 79 बॉल्स में अब 128 रन चाहिए जीतने के लिए, तो थोड़ा सा संभली हुई शुरुआत जॉश बटलर की। 6 गेंदों में 8 रन बनाए अभी तक। भाई मैं ये पूछ रहा था, सुनो ना क्या पूछ रहे हैं भाई तेजा भाई, 42 होगा क्या? बोलो 42 का 34 तो हो चुके हैं भाई। फिलिप सॉल्ट स्ट्राइक पे है, अगली 4 गेंदों के अंदर कितने रन मारेंगे? चलिए फिलिप सॉल्ट को अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, फुलन की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल गए, गेंद हवा में है, क्या फील्डर नीचे आएंगे? जी हाँ यहाँ पर फील्डर नीचे आएंगे और फिलिप सॉल्ट कैच आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर फिलिप सॉल्ट जो है वो कैच आउट हो जाएंगे। स्लोअर वन गेंद, फुल लेंथ की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने गए और सैम करन ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच पकड़ा फिलिप सॉल्ट का। 16 गेंदों में 25 रन बनाकर फिलिप सॉल्ट जो है पवेलियन जाते हुए 22 गेंदों में 34 रन बनाए मैनचेस्टर ओरिजिनल से, और एक विकेट नुकसान पर टॉम करन को मिलती है विकेट। जी हाँ, 7 रन देकर एक विकेट छटका दिया है टॉम करन ने फिलिप सॉल्ट को। 16 गेंदों में 25 रन बनाकर 4 चौके छक्का लगाकर पवेलियन जाते हुए पहला झटका लगता हुआ, जी हाँ पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर जो है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को, और फिलिप सॉल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं। जी 78 गेंदों में 128 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायरमेंट रेट अभी भी 8.22 की चल रही है। जी हाँ 8.22 की चल रही है, यहाँ पर देखना होगा बल्लेबाजी जो है वो किस तरह से रहती है यहाँ पर। बाकी आप सब लोग जो है वो लाइक करते रहिएगा। यहाँ पर मैक्स होल्डन जो है वो आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मैक्स होल्डन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, भारत के बल्लेबाज हैं, उनके सामने टॉम करन है। जी हाँ टॉम करन गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद टॉम करन की पटकी हुई गेंद, इस बार हल्का सा पुश किया पॉइंट दिशा में, 1 रन लेते हुए इस गेंद पर, इस 1 रन के साथ। जी हाँ इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए जॉश बटलर अभी तक आराम से बल्लेबाजी जो है वो कर रहे हैं यहाँ पर। 6 गेंदों में 8 रन बनाए हैं और 77 गेंदों में 127 रन चाहिए जीतने के लिए। अगर मैनचेस्टर को जीतना है जॉश बटलर को बड़ा शॉट खेलना, बड़े शॉट भी खेलने और बड़ी पारी जो है वो खेलनी होगी, तो क्या खेल पाएंगे इसको देखना होगा यहाँ पर। और अगर देखा जाए इस मुकाबले में काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी बढ़िया जो है मुकाबला रहेगा यहाँ पर। अब देखते हैं किस तरीके से बढ़िया रहेगा। टॉम करन का दिन है आज भाई, टॉम करन दिन है, मगर यहाँ पर जॉश बटलर का भी दिन है। इस बीच एक चौका लगाते हुए जॉश बटलर टॉम करन की इस गेंद पर चौका मिलता हुआ, इस गेंद पर स्कोर होता हुआ 39 रन एक विकेट नुकसान पर। 24 गेंदें हो चुकी हैं, 24 गेंदें हो चुकी हैं, टॉम करन का दिन नहीं है भाई। यहाँ पर लेग बाय का चौका, फिर लेग बाय का चौका मिला है और टॉम करन का दिन नहीं है। टॉम करन बेहतर प्रदर्शन जो है वो कर ही रहे हैं टूर्नामेंट के अंदर। इनका रिकॉर्ड देखिएगा, अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं और जितने मुकाबले उन्होंने खेले हैं सब में विकेट निकाले हैं। बल्लेबाजी में जब मौका मिला है पिछले 4 मैचों से नॉट आउट जा रहे हैं, फिर से पटकी हुई गेंद ऑस्टन के बाहर टहलाया है गेंद कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा। 39 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर, 25 गेंदें हो चुकी हैं, 75 गेंदों में 123 रन चाहिए जीतने के लिए। जॉश बटलर 8 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, स्ट्राइक में है जॉश बटलर। देखते हैं गेंदबाजी करने कौन आएगा भाई मेमो में कि अपकमिंग बैट्समैन कौन है भाई। अब यहाँ पर आएंगे लॉरी इवंस, लॉरी इवंस आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर लॉरी इवंस भी हैं, साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर वेन मैडसन जो है इस टीम के अंदर हैं, पॉल वॉल्टर हैं, जेमी ओवरटन हैं, साथ में वहाँ पर टॉम हार्टली भी है, मगर जेमी ओवरटन तो बल्लेबाज, 4 बल्लेबाज और बचे हुए अंदर ड्रेसिंग रूम के, तो यहाँ समझ खेलना होगा भाई। आपका लाइव में ये वाला बंदा बहुत दिख रहा है, कौन दिख रहा है भाई पाने वाला? बट स्पेशल टू भाई है, मॉनिटर है टीम, मतलब मॉनिटर है हमारे चैनल के, और पाना जो है उन्हीं के पास है भैया, पाना जो है उन्हीं के पास है यहाँ पर। डेस्पिटो भाई तारीफ हो रही है। चलिए यहाँ गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर गेंदबाज को बुलाया गया है। यहाँ पहली गेंद पर फिर से फुल की गेंद, सीधे बल्ले से खेला है गेंद को कवर दिशा में, गेंद जाती है बाउंड्री की तरफ और फील्डर दौड़ के गेंद को फील्ड कर लेंगे और 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। जी हाँ इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आ जाएंगे होल्डन। मैक्स होल्डन ने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी और क्या आज भी वो बल्लेबाजी जो है वो कर पाएंगे उसी तरीके से, देखना होगा यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है, हमारे सभी व्यूअर जो है वो जुड़े हुए हैं भाई। क्रिकेट लवर का कुछ करो यार, गाली दे रहा है चैट में क्रिकेट लवर भाई, कहाँ है यार, क्यों पंगे ले रहे हैं, क्यों पंगे ले रहे हैं क्रिकेट लवर भाई? अगर पंगे लेंगे तो लीजिए, अगर पंगे लेंगे तो फिर यही करना पड़ेगा आपके साथ। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर सिंगल लिया है और क्रिकेट लवर भाई को जो भाई प्यार से कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं क्रिकेट लवर को। क्रिकेट लवर भाई जितनी आपकी शक्ल पे उम्र दिख रही है ना,
इतने में चेहरे पे सर पे बाल तो दस में दाढ़ी के बाल है भाई, तो आप मुझसे तो बहस करिए ही मत बिल्कुल भी यार। यहाँ पे क्रिकेट लवर भाई इनको भी निपटा दिया भाई हमने, अगली गेंद लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पार, और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, और डॉट गेंद आती हुई जी हाँ। नैथन शॉटर जो है वो गेंदबाजी करने के लिए आए, नैथन शॉटर जो है वो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर। अगली गेंद लेकर चलते हुए जॉश बटलर के लिए एक बार फिर से नैथन शॉटर की गेंद, और पटकी हुई गेंद थी इस बार सीधे बल्ले से खेला कवर दिशा में, फील्डर मौजूद है और यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। चित्र में सुझा दिया भाई बिल्कुल सुझा दिया। 41 रन बन चुके हैं, एक विकेट नुकसान पर 29 गेंदे हो चुके हैं, बढ़िया ओवर जा रहा है। नैथन शॉटर का बांध कर रखा है अभी जॉश बटलर को, एक बार फिर से मिडल स्टंप पे गेंद सिंगल लिया इस गेंद पर, इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पे आते हुए यहाँ पर बल्लेबाज स्ट्राइक रखते हुए पास जॉश बटलर, बढ़िया ओवर नैथन शॉटर का, इस ओवर 3 रन आए हैं। 30 गेंदों में 42 रन बन चुके हैं, 70 गेंदों में 120 रन चाहिए जीतने के लिए। असल उतर तन्नु ओके, अरे गाड़ी गाली दे रहा है, अरे बाबा भाई एमओ पर एंट्री ले लूँ क्या? अरे क्या करोगे एंट्री लेके यार, पता नहीं कि लोगों को एक मैच में जब प्रॉफिट हो जाए ना तो उनको तकलीफ यही कि बस लेते रहो। बटलर आज फ्लॉप रहेगा, टाइगर श्रॉफ भाई कह रहे हैं यहाँ पर, अरे यहाँ पर देते क्रिकेट लवर मैच में आ रहा है मजा, क्रिकेट लवर को दो जबरदस्त सजा भाई। मैनचेस्टर पर एंट्री ले लूँ क्या भाई? अरे शिवम भाई निकल जाइए मैच से कितनी देर मैच में, तो भाई मन ही नहीं कर रहा मैच को अब करने का, मैं मन कर रहा है सो जाऊँ जाके अब। सर आपकी शादी हो गई? भाई शादी नहीं हुई है मेरी भाई, सुमन भाई शादी नहीं हुई है, वो डायलॉग था बस मेरा यार कि भाई इसके बंदे पे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, तो दाढ़ी जितनी है सर पे बाल होते मेरे दाढ़ी के बाल, अगर देख लेगा घबरा जाएगा मुझे, वो जो फालतू बोलते हैं उनको समझाने के लिए डायलॉग बोला है, वैसे दाढ़ी तो ज़्यादा है ही। बाकी गेंदबाजी के लिए अब ब्रिक्स आए हैं, ब्रिक्स गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद डॉट गेंद जॉश बटलर को, 69 बॉल्स में 120 रन चाहिए जीतने के, क्वार रन रेट जो वो क्लाइम कर रही है अब। और यहाँ पर सर एमओ पर है, क्या करूँ, वेट करो शिवम सिंह भाई। अगली गेंद फिर से लेकर चलते हुए सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे मैक्स होल्डन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देखते हैं मैक्स होल्डन जो है वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत-ए-हाल, अब किस तरीके से गेम जो है वो आगे बढ़ता है, आप देखते हैं आगे बढ़ते तरफ किस तरह चलते हैं ये खेल, और स्कोर की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। जी हाँ स्कोर की तरफ बढ़ेंगे, अगर बात की जाए तो आराम से बल्लेबाजी चल रही है जॉश बटलर की तरफ से। जी हाँ जॉश बटलर की तरफ से आराम से चल रही है यहाँ पर गेंदबाजी, बल्लेबाजी जो है आराम से चल रही है। बटलर सामने एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट खेले गए, बोल्ड कर दिया यहाँ पर, और बहुत बड़ा विकेट दिलाया है यहाँ पर मैनचेस्टर को, यहाँ पर बखरिए जो है ओवल को ब्रिक्स ने, अभी तक ओवर में 4 गेंदे कहीं 2 रन दिए। जॉश बटलर जो है वो बड़ा शॉट खेलने गए, आगे बढ़कर तेज खेलने गए थे, बड़ा शॉट लगाने गए थे, गेंद पढ़ के अंदर की तरफ आई और मिस कर गए और बोल्ड हो गए। जी हाँ मिडल स्टंप पे जाके गेंद लगी है, 34 गेंदों में 44 रन बने हैं, 2 विकेट नुकसान पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का स्कोर है। और यहां से जो है मुकाबला जो है ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर की पकड़ से बाहर होता जा रहा है, क्या एक बार फिर उड़ सकता है, एक बार फिर उड़ सकता है क्या भाई? आपके हिसाब से कौन जीतेगा? क्रिकेट लवर भाई पूछ रहे हैं, भाई मैं अभी भी मैनचेस्टर के साथ हूँ, पता नहीं मेरे को क्यों मतलब अंदर से फील आ रही, मैनचेस्टर कुछ ना कुछ करेगी आज मुकाबले में, ना हो तो लॉस कर बुक से फिर करवाएगी मैनचेस्टर वालों की। बाकी अब देखो यहाँ पर 66 बॉल बची है, 118 रन चाहिए, और यहाँ पर मेडिसन को भेजा गया है, मैडसन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए आज, दौरी इवेंस को नहीं, आज मैडसन को भेजा गया है, या जेमी ओवरटन भेजे तो सब भी सही रहता है यार। और यहाँ से अगर बात की जाए तो मैडसन को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए, आप करूँगा बुक सेट करो, अब वेट कर रहा हूँ भाई, कहो तो क्या वेट बुक सेट कर लीजिए। लेकिन फिर से इनसाइड एज लगा, और यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई ब्रिक्स जो है वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब देखते हैं मुकाबला किस तरह से लगा था, किस तरीके से चलता हुआ ये मुकाबला, मजा आ रहा है इस खेल में। यहाँ पर थोड़ा दबाव जो है बन गया है मैनचेस्टर के लिए, 2 विकेट खो दिए हैं, पहले फिलिप सॉल्ट उसके बाद जॉश बटलर, मगर नीचे के बल्लेबाज भी तो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, क्या वो यहाँ पर सिर्फ पकौड़े तो तलेंगे भाई, बैटिंग तो करेंगे, उनको करना पड़ेगा बैटिंग यहाँ पर। चलते हैं जरा यहाँ पर गेम की तरफ, जॉश बटलर थोड़ा प्रेशर में लग रहे हैं, पिछले सीजन भी फाइनल हारे थे, क्या आज भी फाइनल हारेंगे? चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए मैडसन को, यहाँ पर ऑफ स्टंप पे गेंद रिवर्स स्वीप कर दिया इस गेंद को,
गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, चौका मिलता हुआ इस गेंद पर। 48 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर 36 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर। और यहाँ से बात की जाए तो ऐसे जो है बड़े बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, बीच में सिंगल डबल रोटेट करके चौके ही बटोरने पड़ेंगे। रिक्वायर रन रेट को अंडर कंट्रोल रखना होगा, मैटसन को गेंदबाजी करें, नहीं तो शॉटर, नहीं तो शॉटर के ओवर की दूसरी गेंद। मैटसन है स्ट्राइक पर, एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर इनसाइड एज लगा, बोल्ड कर दिया। जी हाँ, यहाँ पर इनसाइड एज लगा और बोल्ड कर दिया इस गेंद को। और लीजिए यहाँ पर मैनचेस्टर का एक और विकेट गिरता हुआ, 37 गेंदों में 48 रन बने, 3 विकेट के नुकसान पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का स्कोर है। और विन मैडसन भी पवेलियन जाते हैं। तो यहां से 48 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर 37 गेंदें हो चुकी हैं। दबाव, जी हाँ, यहाँ पर दबाव जो है पूरी तरीके से मैनचेस्टर, जी हाँ, मैनचेस्टर के ऊपर आ चुका है। लॉरी इवंस एक छोर पे हैं, मैक्स होल्डन जो है वो दूसरे छोर पे हैं, और बटलर जो है वो ड्रेसिंग रूम पे हैं। बटलर जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं, क्या करें, देख रहे हैं बस। यहाँ से अभी भी 63 गेंदों में काफी रन चाहिए जीतने के लिए, थोड़ा सा बल्लेबाजी जो अच्छी करें। लॉरी इवंस अगर देखा जाए पूरे टूर्नामेंट में बड़ा ही निराश किया है, क्या ये खिलाड़ी फाइनल में कुछ कर पाएगा। चलिए नेथन शॉर्टर गेंद लेकर चलते हैं, एक बार फिर से ऑस्टन पे गेंद सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन मिलेगा। कोविन करो, अब 1200 मिलेंगे दोनों साइड में। सर जी बिल्कुल बढ़िया है, आज कुछ दिन सही नहीं है। रेजवाल भाई क्या दिन सही नहीं है, लॉस्ट कट बुक सेट करने के बोला वो नहीं किया। अपोजिट भाई देखे हर बार मैच में घुसे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, एक बार छोटी कोई टीम लग गई है उड़ चुका है मैच, लॉस्ट कट बुक सेट निकल जाइए, क्यों लगे हैं चक्कर में भाई, बार बार क्यों टीम के पीछे पड़ते हैं। मैं टीम के पीछे, मैं शुरू में बताया था टीम के पीछे मत पड़िएगा। अगली गेंद होल्डन को, इस बार कलाई को सारे खेला है 1 रन के लिए। स्कोर अभी भी अगर देखा जाए तो कितना हो गया जी, 50 रन पूरे होते हुए मैनचेस्टर के, 3 विकेट के नुकसान पर 61 गेंदे 112 रनों की जरूरत। क्या यहां से मैक्स होल्डन और लॉरी इवंस यहां से कुछ अच्छा कर पाएंगे। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए यहां पर नेथन शॉर्टर जो है और सामने है लॉरी इवंस, बड़े बड़े शॉटों की दरकार है। एक बार फिर से भटकी हुई गेंद, ऑस्टन के बाहर कट कर दिया गेंद को, पॉइंट दिशा में फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद आ चुकी है। स्कोर अभी 50 रन 3 विकेट नुकसान पर 40 गेंदें हो चुकी हैं, यहां पर 40 गेंदें हो चुकी हैं। और स्कोर हो चुका है 50 रन, गला बहुत सूख रहा है यार, पता नहीं क्यों आज। देखते हैं हम किस तरीके से गेम चलेगा। यहां से अगर देखा जाए तो दबाव मैनचेस्टर के ऊपर है, ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी है नहीं, मैनचेस्टर के पास भी नंबर 7 और नंबर 8 तक बल्लेबाजी है, मगर लॉरी इवंस और अगर देखा जाए तो मैक्स होल्डन दोनों को अच्छा खेलना होगा। अगर दोनों अच्छा खेलेंगे तभी मुकाबला अच्छा होगा, अगर मुकाबला अच्छा होगा तो मजा आएगा इस खेल में। भाई एंट्री लूं क्या अभी, वाह भाई वाह, पूरा मैच हो गया अब एंट्री लेने जा रहे हैं, पहले एंट्री नहीं ली थी जतिन कुमार भाई आपने। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, फिर से होल्डर को गेंदबाजी करने के लिए विल जैक आए, विल जैक ओवर की पहली गेंद, लेग स्टंप पे गेंद, कलाई को सारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए बल्लेबाज लॉरी इवंस 41 गेंदों में 53 रन बन चुके हैं, 3 विकेट के नुकसान पर लॉरी इवंस स्ट्राइक पर। पानी पी लो दादा भाई, पानी पी लिया भाई, भाई एंट्री लेनी है क्या भाई। देखो भाई मेरे से तो समझ में नहीं आता, लोग जब टीम के 5 विकेट गिर गए तब एंट्री ली नहीं, अब यहाँ 3 विकेट गिरे तो तब एंट्री लेना चाहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। अब अपनी टीम आपको पसंद थी मैनचेस्टर तो मैनचेस्टर भी ले लीजिए। अगली गेंद फटकी भी गई, इस बार पुल किया था मगर यहाँ पर कैच पकड़ लिया है, लीजिए बड़ा शॉट खेला था, पुल किया था इस गेंद को, पहले बाउंड्री पे गेंद गई थी, कैच पकड़ा, अंदर ढकेला गेंद को, उसके बाद वापस बाउंड्री में गए, वापस अंदर आए और कैच पकड़ लिया। जी हाँ, कैच को चेक किया जा रहा है, जी हाँ कैच को चेक किया जा रहा है, लग नहीं रहा कि कैच सही तरीके से पकड़ी गई है, बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं कि विकेट जाएंगे यहाँ पर, देखना होगा। जब कैच पकड़ा बाउंड्री पे पांव लग गया था, जी हाँ बाउंड्री पे ऐसा लग रहा है कि पांव लग गया था यहाँ पर, ऐसा प्रतीक हो रहा है।
छक्का मिलेगा भैया ऐसा लग रहा है। बाकी आप सब लोग जो है वो साइड पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लाइव चैनल पिन कर दिया है मगर ऐसा लग रहा है कि पकड़ लिया है, कभी लग रहा है पैर अंदर है कभी बाहर है, कंफ्यूजन इतनी है भाई इस मुकाबले में, क्या थर्मपायर ही बताएंगे। आप सब लोग जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री, लाइव हिंदी के साथ साथ में आप सब लोग जो है सेट पर जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपए का, मिनिमम बैट जो है 10 रुपए की। और ऐसा लग रहा है जब गेंद को पकड़ा था एक बार पैर जो है वो रोप से हिला था, तो जब गेंद छोड़ा है तो क्या रोप हिल पाई है, ऐसा लग रहा है कि निकल जाएंगे भैया, निकल जाएंगे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और निपटा दिया है भैया, निपटा दिया है। चलिए यहाँ पर ओ यू ची आउट, लॉरी इवंस होते हुए कैच आउट, 58 गेंदों में 111 रन चाहिए जीतने के लिए। और विल जैक आते ही अपनी दूसरी गेंद पर एक रन देकर एक विकेट छिटकाया। लॉरी इवंस यहाँ पर कैच आउट होते हुए, पूरा सीजन उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी नहीं करी है भाई, छक्का नहीं। टेक्नो भाई ये लिख कर अपने बड़ा अफसोस होता है इसके लिए, मजा नहीं आया आपकी बात सुन के। सारो में 81 ना बने, ना बने बस। ओके ओके भाई ओके, यहाँ से चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। और यहाँ से बड़ी ही अच्छी बल्लेबाजी जो है वो हो रही है। जो भाई नए जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। पॉल वॉल्टर को बुलाया गया है, जी हाँ पॉल वॉल्टर को बुलाया गया है बल्लेबाजी करने के लिए। एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं पॉल वॉल्टर, साथ में मैक्स होल्डन भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, मैक्स होल्डन भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। चलिए अगली गेंद विल जैक के इस ओवर की अगली गेंद कराई, उसने खेला एक रन के लिए यहाँ पर। और इस एक रन के साथ मैक्स होल्डन जो है वो स्ट्राइक पे आ जाएंगे। जी हाँ अगर बात की जाए तो अभी 57 गेंदें बची हैं, 110 रन चाहिए जीतने के लिए। मैक्स होल्डन को अगली गेंद, जी हाँ मैक्स होल्डन के लिए अगली गेंद यहाँ पर, अगली गेंद जी हाँ। यहाँ पर लॉस वाले भी आ चुके हैं, फिर लॉस वाले आ चुके हैं। देखो बार बार बुक सेट कैसे किया जाता है यार, बताया तो स्पेशल रिकॉर्डर भाई। लॉस कट लॉस वाले आ गए भैया, जिन्होंने अपने पसंद से मैनचेस्टर ली थी और लगाया था और लॉस बाय 5,000 से लगाए थे, लगा दिए थे मैनचेस्टर पे। मस्त रेट आ रहा है मैनचेस्टर, पता नहीं भाई कहाँ लगा दिए। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर, इस बार फिर से कवर दिशा में खेला, शॉट को एक रन मिलेगा भाई। 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, एक 2 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, एक बार पानी पी लें यार, थोड़ा सा गला जो है फंस रहा है मेरा।
तो ब्रेक जो है खत्म हो चुका है हमारा, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी यार। अब भाई आज तो मजा आ गया दोनों तरफ 40 के प्लस। थैंक्स मिस्टर भाई, धन्यवाद भाई। यहाँ पर राहुल भाई तुम भी मजाक कर रहे हैं। चलिए जुड़ चुके हैं, हम आ चुके हैं। मैत्री भाई करे गया नहीं, नॉट आउट रहेंगे भाई। 50 गेंदों में 104 रन चाहिए जीतने के लिए, हर 5 गेंदों में 10 रन चाहिए जीतने के लिए। जी हर 5 गेंदों में 10 रन बनाने हैं यहाँ पर, और देखते हैं हर 5 गेंदों में क्या 10 रन बना पाएंगे बल्लेबाज। क्या यहाँ पर रहेगा ये मुकाबला, किस तरीके से चलेगा ये खेल, आप समझना होगा। क्योंकि यहाँ बल्लेबाजी में विकेट बचा के रखनी है और रन बनाने हैं दोनों तरफ से। क्या ये कमाल की बल्लेबाजी जो है वो रह सकती है, क्या क्या हो सकता है यहाँ पर कमाल, ये देखना होगा। स्कोर की बात की जाए तो 50 गेंदों में 104 रन, 58 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर। मैक्स होल्डन और अगर देखा जाए तो पॉल वॉल्टर जो है स्टेट ट्रैक पर मौजूद है, और दोनों बल्लेबाज हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं पर बड़ी पारी आई नहीं है। पर फाइनल में एमओ को कैसे खेल रहे हैं भाई, ऐसे ही होता है भाई। अगली गेंद में फिर से ऑस्टन की तरफ, इस बार कट कर दिया गेंद को, डीप पॉइंट दिशा में गेंद गई है, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक मौजूद बल्लेबाज पॉल वॉल्टर। भाई दोनों तरफ प्रॉफिट है, अभी भी री एंट्री लू या नहीं प्लीज। जतिन कुमार भाई अगर दोनों जगह प्रॉफिट है तो कभी भी री एंट्री मत लीजिए, कभी भी एंट्री, क्योंकि एक दिन में महल नहीं खड़ा होगा। जितना मिल रहा है ऊपर दे दिया आपको, अब उसको छेड़खानी करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। चलिए अगली गेंद फिर से स्क्वायला की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। क्योंकि यार देखो पूरे मैच में एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट करते रहो तो मैच को कम इंजॉय करोगे। तो कहेगा क्रिकेट लवर भाई, आराम से इंजॉय करो मैच को, बैठ के देखो क्या हो रहा है। उड़ गया तो अथम बात, आराम से बात है, आराम से होगा, आराम से जुड़े रहो हमारे साथ और यहां से गेम देखते रहो। स्कोर की बात की जाए 47 गेंदों में अभी भी 101 रन चाहिए जीतने के लिए। अब किस तरीके से खेल होगा, किस तरीके से खेल होगा ये समझना होगा, कि बल्लेबाजी उस तरीके से हो नहीं रही है। एम पर सब लगा दिया हूँ, अब कुछ भी हो सकता। बिल्कुल भाई देखो सब बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया है आपने। यहाँ से 54 गेंदों में 161 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर। 46 गेंदों में 101 रन चाहिए और हर 5 गेंदों में 11 रन चाहिए यहाँ पर। भाई 50 पैसे भी ले आओ प्लीज। यार देखो शिवम सिंह भाई यही होता है, तुम उल्टा खेलते हो, मुझे इससे गुस्सा आता है। मैंने सबको बोल दिया था मैं लॉस्ट बुस्ट कर लो, आराम से बैठ के मैच देखो, मगर कईयों को चुल होती है कि नहीं जी हमें तो रुकना ही नहीं है, हमें तो ठुकना ही नहीं है, हमें ठुके मानना है। कुछ लोगों की किस्मत में ना हार नहीं होती, वो खुद लिखते हैं अपनी किस्मत में हार, कि नहीं मुझे हार चाहिए तो मैं खेलूंगा ही। अरे तुम्हें कहा था एंट्री ले लो, चिल्ला चिल्ला के कहा था। मेरी लड़ाई भी हुई एक व्यूअर से, लड़ाई भी हो गई थी मेरी, वो कह रहा था नहीं होगा कुछ भी। मैंने कहा यार फाइनल मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले। मैंने मैच से पहले कहा था, मैं कहा आज हम टीम के साथ नहीं, हम एंट्री के साथ रहेंगे और मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स का प्रॉफिट निकले। तो समझदार थे, उन्होंने एंट्री ले लॉस्ट बुक्सेट कर लिया मेरे साथ। अधिवर भाई 15,000 कॉपिन, धन्यवाद भाई। रजत भाई ऐसी खेलते रहिए, ऐसे जीतते रहिए और मुकाबला का बड़े शुरू से बोला था कि भाई आज एक टीम हम पकड़ेंगे, मगर उस टीम के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, हम रहेंगे एंट्री के साथ। जो को समझ में आया वो करके निकल गए आराम से, सो रहे हैं अब आराम से, और जिनको नहीं समझ में आया वो अपनी टीम के साथ रह रहे हैं साथ में और लुटिया डूबे भी दी है। रतिन कुमार भाई लो लो ले लो फिर एंट्री। अगली गेंद है फिर से लेके चलते हुए यहाँ पर, यहाँ से चलते हैं जरा गेम की तरफ और यहां से देखना होगा। मैत्री भाई क्या उंगली किया, ओके अगली गेंद फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला है, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। गया मैच गया ऑल मार्केट मेमो पर, फिक्सिंग हो गया भाई। रिटर्न भाई देखिए ऑल मार्केट ओवल के ऊपर था, ध्यान रखिएगा, जो छोटी लगी दुनिया ने खाया होगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको दुनिया ने बोला ही होगा, मगर वेट करो अभी क्रिकेट खत्म नहीं हुआ, मैच खत्म हुआ। देवार भाई इनको लालच हरा रहा है, रजत राणा भाई मेरे को समझाया, मैंने शुरू में जो मेरी कमेंट्री सुनता है ना उसको मैं एक बात सुनाता हूँ, पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, कितना स्कोर ठीक है क्या नहीं सब बताता हूँ मैं, पर समझते ही नहीं है यार। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर सैम करण सामने मौजूद, यहाँ पर मैक्स होल्डन इस बार बड़ा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, क्या फील्डर नीचे आएंगे, जी नहीं इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ स्ट्राइक पे मौजूद मैक्स होल्डन, 57 गेंदे हो चुकी है, 68 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर। 43 गेंदों में 94 रन चाहिए, मगर एक बड़ा ओवर चाहिए, जी हाँ एक बड़ा ओवर चाहिए, 15 से 20 रन का एक ओवर चाहिए जहां पर आप मोमेंटम को शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। एक बार फिर से अगली गेंद सैम करन की, एक बार फिर से मिड स्टंप पे गेंद थी, रिवर्स स्वीप करने गए, अपील कर रहे हैं
और यहां पर डॉट गेन, जी हाँ डॉट गेन आता हुआ यहां पर। इस डॉट गेन के साथ देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है यहां पर। और स्कोर अभी 69 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 58 गेंदे हो चुकी हैं, 42 गेंदों में 93 रन चाहिए जीतने के लिए। जी हाँ 42 गेंदे 93 रनों की जरूरत, रिक्वायरमेंट 11 का हो चुका है मगर रिव्यू ले लिया है इधर। और अब देखते हैं रिव्यू सक्सेसफुल होता है कि नहीं। अंपायर ने नॉट आउट दिया था, रिवर्स स्वीप करने गए थे मैक्स होल्डन मगर गेंद पैड पर टकराई थी या बैट पे, देखना होगा। अगली गेंद लेकर चल रहे हैं। जी हाँ यहाँ पर रिव्यू को चेक किया जा रहा है, देखते हैं रिव्यू सक्सेसफुल होता है कि नहीं यहाँ पर। कौन जीतेगा? अच्छा समझा, समझ गया मैथ्यू भाई आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही समझ गया भाई। चलिए तो रिव्यू गंवाना पड़ा है यहाँ पर। जी हाँ रिव्यू गंवाना पड़ा, स्कोर अभी भी 69 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 58 गेंदे हो चुकी हैं, 42 गेंदे और बची हैं, रन चाहिए 93 मगर बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने हैं क्योंकि हर 5 गेंदों पे आपको 11 रन बनाने हैं, बड़े शॉटों की दरकार है। एक बार फिर से यहाँ पर फिल्म की गेंद ड्राइव किया उस गेंद को, गेंद चाहते हुए कवर की दिशा में 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। जी हाँ इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए मैक्स होल्डन, मैक्स होल्डन ने पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, क्या आज भी कर पाएंगे? जो भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिया, जिन्होंने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिएगा और सेटबेट के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लाइव में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा क्योंकि कल से जो है वो यूएस ओपन भी शुरू हो रहा है, तो कोशिश करेंगे टेनिस की भी अपडेट दें। टेनिस के अपडेट में लॉस कट बुक सेट करना बहुत जरूरी है, सेटबेट पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और लॉस कट बुक सेट करिएगा, खेलिए जीतेगा। I hope you the notification that I has been added in the for the first year. If this is very very क्या लिखे भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। पॉल वॉल्टर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, 40 गेंदों में 90 रन चाहिए, 72 रन बन चुके हैं अभी और देखा जाए तो 72 रन बन चुके हैं, 11 रन आए हैं इस ओवर से। पॉल वॉल्टर जो है वो 10 गेंदों में 7 रन बना चुके हैं अभी भी, अगर देखा जाए तो 11.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 40 गेंदे बची हैं, 90 रन चाहिए, मतलब हर 5 गेंदों में आपको 11.5 रन बनाने हैं, तो एक दो बड़े ओवर बटोरने होंगे यहाँ पर, बटोरने होंगे। एशिया कप कब से भाई? 30 तारीख से शायद एशिया कप है, 30 तारीख से ही है। हाँ लगता है मेरा आत्मा अमीन भाई क्या करते हैं, ऐसे तो ना करिए, वेट करिएगा, कुछ ना कुछ करते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ बनाते हैं। एक बड़ा ओवर चाहिए विल जैक के, 2 छक्के लगवा दो, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा 2 छक्के लग जाएं तो यहाँ से। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ एक बार फिर से, अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, पुल करने गए वॉल्टर, अपना विकेट गंवा दिया, बोल्ड हो गए यहाँ पर। जी हाँ एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर पॉल वॉल्टर के रूप में और बोल्ड कर दिया यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज विल जैक ने और मैनचेस्टर को लगता हुआ 5वां झटका। 39 गेंदों में 90 रन चाहिए जीतने के लिए, 72 रन 5 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है मैनचेस्टर का और पॉल वॉल्टर 11 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया यहां पर। जी हां वैसे पॉल वॉल्टर को भेजा क्यों समझ में नहीं आया मुझे, जेमी ओवरटन अच्छे फॉर्म में है उनको भेजना चाहिए था, देखते हैं क्या होता है। और यहां से मुकाबला देख रहे क्या चलता है। थैंक यू भाई, ओके ब्रो, यहाँ से एमओ विन करेगा भाई जान, पता नहीं भाई तो मुश्किल लग रहा है मैनचेस्टर का, और मैनचेस्टर तो निकल ही लिए भाई, यही तो लफड़ा हो गया आज। यहाँ से मैनचेस्टर की किस्मत और डाउन होती हुई, जेमी ओवरटन आए हैं आखिरी जोड़ी समझ लीजिएगा यहाँ पर, जेमी ओवरटन और मैक्स होल्डन की। अगर जेमी ओवरटन ने भी 36 गेंदों में 82 रन की एक पारी खेली है, अगर ये खेल गए तो शायद मुकाबला निकाल ले जाएंगे, आउट हो गए तो खत्म हो जाएगा। विल जैक के अगली गेंद फटकी भी गेंद बट लेग स्पिन गेंद थी है। और यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर ये गेंद गई, वाइड गेंद आती हुई यहाँ पर, इस वाइड गेंद के साथ स्कोर होता हुआ 73 रन 5 विकेट नुकसान पर 61 गेंदें हो चुकी हैं। और अगर देखा जाए तो जेमी ओवरटन को भी साथ देना होगा। अगली गेंद जेमी ओवरटन को विल जैक के स्कोर की फटकी भी गेंद कराई को सारे फिर से खेल दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मिलता हुआ, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। मैक्स होल्डन स्ट्राइक पे मौजूद हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, अब मैक्स होल्डन को कोशिश करने के ओवर में एक दो बाउंड्री बटोरें, स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें
और बड़े शॉट खेले, क्योंकि यहाँ पर आप अगर रिक्वायरमेंट बढ़ाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुकाबला वैसे भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ये बड़े शॉट खेलेंगे तो शायद मोमेंटम जो है बना रहेगा। अगली गेंद विल जैक के इस ओवर की, वह फिर से बैकफुट से गेंद को पंच किया, यहाँ पर लॉन्ग ऑन दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए जेमी ओवरटन स्कोर हो चुका है 75 रन 5 विकेट नुकसान पर। 37 गेंद 87 रन की जरूरत है, 37 गेंदें 87 की जरूरत। टेलीग्राम पर सब कंपनी से घुस गए भाई, एंड मैनचेस्टर पर रिपोर्ट दिया है। किसने दिया रिटर्न भाई, हमने तो एंट्री दी है, हमारा तो एंट्री सही भी थी थोड़ा सा। अब मसल ट्रस्ट हो रहा है, एमओ पे बहुत पैसा मारा है सब लोगों ने, इसलिए नो फिक्सिंग करके हरा दिया है भाई। मैंने तो आज एंट्री दी थी, मेरे को तो पसंद नहीं मैनचेस्टर थी, मगर मेरा पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि छोटी लग रही है ओवल में, क्या खा लो कहीं ना कहीं मैच में कलर तो आएगा, इतना कलर आएगा तो हमें उम्मीद नहीं थी। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। अगली गेंद एक बार फिर से जेमी ओवरटन मौजूद हैं, और जेमी ओवरटन जो है वो स्ट्राइक मौजूद। विल जैक की गेंद ऑस्टन के बाहर, सीधे बल्ले से खेला है, कवर दिशा में एक रन मिलेगा इस गेंद पर, दूसरा भी पूरा करेगा क्योंकि गैप में ये गेंद है। इस 2 रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए जेमी ओवरटन, जी हाँ, यहाँ से देखा जाए तो 35 गेंदों में 83 रन, 36 गेंदों में 72 बनते हैं, 36 गेंदों में अगर देखा जाए तो 78 बनते हैं, 36 में 84 बनाने के लिए आपको हर 6 गेंदों में 14 रन बनाने हैं। तो T20 में हमने देखा है बनते हुए, क्या ये यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इस मुकाबले के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या वो 6 गेंदों में 14 रन बन पाएंगे, यहाँ से ये देखना होगा। चलिए गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से गेम होगा यहाँ पर। जेमी ओवरटन अगली 6 हर 6 गेंदों में 14 रन चाहिए, तो यहाँ से रुकना मना है, थकना मना है। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हैं, शॉर्ट रेक पर फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार इनसाइड एज लगा है, गेंद जाएगी फाइल लाइन की दिशा में, एक रन मिलेगा इस गेंद पर। मारो सब कह रहे हैं मगर लग नहीं रहे हैं किसी से, मैक्स होल्डन भी थोड़ा फंसे लग रहे हैं। भाई विन लव यू दिवाकर भाई, लव यू ब्रो, 2 दिन तो रेस्ट भी करेंगे यार, बस एक बार 50 पैसे लो निकल जाऊंगा, कभी बैठे नहीं छोड़ दूंगा भाई, बिल्कुल सही बात है, निकलवाते हैं करूँ जो सबर करूँ। अगली गेंद एक बार फिर से मैक्स होल्डन को, यहाँ पर ऑस्टम पे एक गेंद थी, इस बार स्वीप कर दिया गेंद को मिड विकेट दिशा में, 6 रन के लिए छक्का मिलता हुआ इस गेंद पर। मैक्स होल्डन के बल्ले से आता हुआ छक्का यहाँ पर स्कोर होता हुआ 86 रन 5 विकेट नुकसान पर, 67 बॉल्स हो चुकी है और देखा जाए तो 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं, और अगली 4 गेंदों के अंदर 7 रन और चाहिए होंगे, तो क्या बना पाएंगे देखना होगा। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर मैक्स होल्डन के लिए ऑस्टन के बाहर, कवर के ऊपर से खेल दिया इस शॉट को, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, एक और चौका आता हुआ यहाँ पर। तो शॉर्टर के इस ओवर में तो 3 गेंदों में 11 रन दे चुके हैं, अगले 3 गेंदों में अगर 11 रन और आ जाए तो मजा आ जाएगा इस मुकाबले में भैया, मजा आ जाएगा इस मुकाबले में। 1-2 छक्के और लगने दो, खेल अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है इस खेल में, चलने दीजिए, एक छक्का और लगने दीजिए। चलिए अगली गेंद एक बार फिर चलते हुए, नथन शॉर्टर की गेंद, मैक्स होल्डन है स्ट्राइक पर, बड़े शॉट की दरकार, एक बार फिर से ऑस्टम पे आए स्वीप करने का इस गेंद को, स्क्वायर लेग फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा, जी हाँ कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 88 रन 5 विकेट नुकसान पर, 31 गेंदें बची हैं, 74 रनों की है जरूरत। अगली गेंद नथन शॉर्टर को, एक बार फिर से शॉर्टर की गेंद स्वीप करने गए होल्डन, 2 लगातार डॉट गेंद, तो 4 नहीं 5 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अगली गेंद पर तो अगले अब देखा जाए तो 30 गेंदों में 74 रन चाहिए, मतलब हर 5 गेंदों में आपको 13 रन चाहिए या 12.5 रन चाहिए, तो एक बड़ा ओवर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप जो है 15-16 या 20 रन जो है बटोर सके, 15-16 रन तो आने ही चाहिए यहाँ, जिससे रिक्वायरमेंट रेट को आप कम कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट रेट कम होगी तभी आप मैच में रहेंगे। तो जेमी ओवरटन और यहाँ पर जेमी ओवरटन और मैक्स होल्डन दोनों को जो है साथ में शॉट लगाने पड़ेंगे। अब बल्ले घुमाने का समय आ चुका है, क्या बल्ले घुमाते हुए नजर आएंगे ये देखना होगा। जेमी ओवरटन तैयार होते हुए 6 रन बनाए हैं अभी तो जेमी ओवरटन ने, एक चौका लगाया 4 गेंदों के अंदर, तो जेमी ओवरटन भी बड़े शॉट खेल सकते हैं, अगर वो खेल गए तो मजा आ जाएगा इस खेल में, थोड़ा खेल खुलता नजर आएगा यहाँ पर। 10 बॉल 16 रन प्लीज, ओके देखते हैं क्या होता है। 15-5 75 बिल्कुल सही बात है यार,
चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। जी हाँ, पांच गेंदों का ओवर होता है यहाँ पर। अगली गेंद फटकी हुई गेंद, जिमी ऑर्टन को बैकफुट से गेंद को खेल दिया, डीप पॉइंट दिशा में फील्डर पहुंच रहे हैं, एक रन तो मिल जाएगा इस गेंद पर। तो यहाँ पर कोशिश यही है जिमी ऑर्टन की कि स्ट्राइक जो है अभी मैक्स होल्डन को दी जाए। मैक्स होल्डन भी 18 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो थोड़ा मैक्स होल्डन की कोशिश यही कि बड़े बड़े शॉट खेले जाए हर पांच गेंदों पर। ध्यान रखिएगा, हर पांच गेंदों पर 12.5 रन बनाने हैं। पहले इन बची हुई चार गेंदों के अंदर 12 रन और जोड़ने पड़ेंगे। क्या दो छक्के लगा सकते हैं इस ओवर में या दो तीन चौके लगा सकते हैं, देखना होगा। अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, लीजिए वाइड के पांच रन आते हुए, वाइड के पांच रन यहां पर आते हुए स्कोर होता हुआ 94 रन 5 विकेट नुकसान पर 29 गेंदों में 68 रन बन चुके हैं। अब नहीं घूमेगा तो हनी सिंह भाई वेट करिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है दिखता नहीं, क्या पता मैनचेस्टर जो है कमाल भी कर दे। फेवरेट टीम थी भाई, फेवरेट टीम को एक बार तो अपना कमाल दिखाना जरूरी भी है, देखो क्या करते हैं, फेवरेट टीम का बनता भी वैसे कमाल दिखाना। अगली गेंद लेकर चलते हुए फिर से यहां पर रूम बनाया होल्डर ने, ऑस्टन के बाहर कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में और यहां से चौका मिलता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 98 रन 5 विकेट नुकसान पर। इस ओवर 10 रन आ चुके हैं, यही ओवर है बड़ा करने का। इस ओवर की बची हुई तीन गेंदों में अगर 10 रन और जोड़ दें तो 20 रन आएंगे, फिर आपको 25 गेंदों में 54 रन चाहिए होंगे, तो थोड़ा सा मैक्स होल्डन को शॉट खेलने होंगे, मैक्स होल्डन को ऐसे ही शॉट खेलने होंगे। 5, 4, 9 एक 10 रन, दो गेंदों में 10 रन आ चुके हैं, बची हैं तीन गेंदे, तीन गेंदों को यूज करना होगा। अगली गेंद को सेटिक्सन को ऑस्टन के बाहर स्कूप शॉट खेलने गए, इस बार थर्ड मैन की दिशा में फिर खेल दिया शॉट को, चौका मिलता हुआ, एक और चौका आता हुआ मैक्स होल्डन के बल्ले से। यहां पर 102 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर, 27 गेंदों में 60 रन चाहिए। अब हर पांच गेंदों में 11 रन चाहिए, मगर अभी भी दो गेंदे बची हैं, 10 रन जोड़ दिए तो आपको हर पांच गेंद पे 10 रन और चाहिए होंगे, दो बाउंड्रीज और चाहेंगे, एक चौका छक्का लगाना चाहेंगे इस ओवर के अंदर, देखते हैं क्या होता है। यहां से बल्लेबाजी जो है वो ठीक कर रहे हैं मैक्स होल्डन, मगर मैक्स होल्डन के साथ साथ जेमी ओवरटन को भी खेलना होगा। अगली गेंद फिर से यहां पर कुछ एडिक्शन ऑस्टन के बाहर कट कर दिया गेंद को, थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है, फील्डर से जस्ट आगे गेंद गिरेगी, एक रन मिल गया है और इस एक रन के साथ 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में, अभी भी 26 गेंद में 59 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या जेमी ओवरटन भी एक आधा बाउंड्री जो है वो लगाना चाहेंगे इस ओवर में? जी हाँ, एक आधा बाउंड्री जो है बटोरना चाहेंगे, देखना होगा। आप सब लोग जो है वो सेट बेट के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपये का, मिनिमम बैट जो है 10 रुपये की है। और एक बार फिर ओवरटन को ये गेंद ऑस्टन के बाहर डॉट गेंद हो चुकी है, तो 10 छक्के चाहिए भाई, लिख रहे हैं 10 छक्के चाहिए, प्लीज भाई 10 ही छक्के चाहिए और 25 गेंदों के अंदर देखो 10 छक्के 25 गेंदे, मतलब हर पांच गेंदों में आपको 12 रन चाहिए। जी हाँ, हर पांच गेंदों में आपको 12 रन चाहिए और जेमी ओवरटन है स्ट्राइक पर। मेरे हिसाब से जेमी ओवरटन को ज्यादा कुछ नहीं, कल कौन से कमेंट्री करोगे चिराग भाई? कल सोच रहे रेस्ट कर लें यार, काफी थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लें। कभी प्रीमियर लीग हो पाएगा? पता नहीं भाई कौन सा मैच कह रहे हैं, कौन सा हो पाएगा? मेरे हिसाब से तो भाई क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा उस मैच में भी। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर जो है गेंदबाजी करते हुए गुसेटिसन ने यहाँ पर अगली गेंद पटकी हुई गेंद पुल कर दिया गेंद को, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई है, एक रन मिल जाएगा। अब अगली चार गेंदों के अंदर 12 रन और बनाने हैं। जी हाँ, 12 रन और जोड़ने हैं तो मैक्स होल्डन पे है निगाहें, क्या मैक्स होल्डन जो है इस ओवर में दो छक्के लगा पाएंगे? भाई 10 सिक्सेस मार दो, चलो भाई मार देते हैं, हम थोड़ा बल्ला लेके जाएंगे वही मारेंगे। अरे मारो रे मारो, धीरज कुमार, धीरज कुमार भाई यहाँ कैसे आ गए? 3 पे आ गए, अब 2 पे थे तो पहले, तो अब 3 पे आ गए धीरज भाई हमारे, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ से गेम चलते हैं, नजर आते हैं और मैक्स होल्डन के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है हीरो बनने के लिए, क्योंकि 24 गेंदों में 58 रन चाहिए। अगली गेंद मैक्स होल्डन है स्ट्राइक पर, टॉम करन के ओवर की अगली गेंद, इस बार ऑस्टन पे रिवर्स स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जाते हुए सीधा डीप पॉइंट दिशा में फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा। जिन भाइयों ने अभी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, अभी भी 23 गेंदों में 57 रन चाहिए जीतने के लिए, अभी भी इन तीन गेंदों में
10 रन और जोड़ने हैं। तो क्या जेमी ओवरटन कमाल कर पाएंगे? जेमी ओवरटन ने 38 गेंदों में 82 रन बनाए थे नाबाद एक मुकाबले के अंदर। बल्लेबाजी कर लेते हैं, बस बल्ले घुमाने की देर है, ताकत बहुत है जेमी ओवरटन के पास। गेंद लगेगी तो बाउंड्री के बाहर जाएगी, एक बार शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट करना चाहिए जेमी ओवरटन को। अगली गेंद जेमी ओवरटन को यहाँ पर चौमकरण के इस ओवर की सामने है। जेमी ओवरटन एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर, ये गेंद ड्राइव किया गेंद को काफी दूर, ये गेंद थी, एक रन मिलेगा इस गेंद पर। 106 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 78 गेंदें हो चुकी हैं, 22 गेंदें बची हैं, इन 22 गेंदों के अंदर कितना स्कोर और, जी हाँ कितना स्कोर और बन पाएगा इस पे निगाहें होंगी कि 12.71 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए होंगे। और यहां से थोड़ा सा संयम से बल्लेबाजी नहीं, अब हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करना होगा। मैक्स होल्डर ने स्ट्राइक पर चौमकरण की गेंद, ऑस्टन की तरफ ये गेंद, लक्ष्य की तरफ गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने गए अंपायर ने इसको टोटली वाइड करार दिया। तो 22 गेंदे 55 रनों की जरूरत, हर 5 गेंद पे 12.5 रन चाहिए, मतलब अभी भी 2 गेंदे बची हैं, इन 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज और लगा सकते हैं क्या मैक्स होल्डर, ये देखना होगा। 2 सिक्सेस 2 बॉल पे भाई, 79 बॉल्स, देखते हैं क्या होता है। यहां से अभी भी गेंदबाजी कर रहे हैं, चौमकरण की ये गेंद सामने, मैक्स होल्डर ऑस्टन के पास स्लोअर वन गेंद, मिस कर गए इस गेंद को पूरी तरीके से, मगर अंपायर ने इसको वाइड करार दिया है। एक रन और जुड़ता हुआ, अब चाहिए 22 गेंदों में 54 रन, तो 9 छक्के लगाने हैं। 22 गेंदों में 9 छक्के चाहिए, क्या लगता है आपको यहां से बनेगा ये मुकाबला? मैक्स होल्डन 35 रन बनाकर खेल रहे हैं, जो काम जिमी नीशम, जो काम टॉम करन ने करा था, वो आज यहां पर होल्डन और यहां पर ओवरटन को करना है। अगली गेंद फिर से है, बट यहां पर ऑस्टन की तरफ सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, और हाथ लगाया जरूर था, मगर एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। 79 बॉल्स हो चुकी हैं, 6 रन आ चुके हैं इस ओवर से। जेमी ओवरटन को कोशिश करनी है कि बाउंड्री चाहिए ही चाहिए इस ओवर में, 21 गेंदों में आपको 53 रन चाहिए, तो एक बाउंड्री आखिरी गेंद में चाहिए होगी। अभी भी 9 छक्के लगाने हैं भैया, 12.62 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, क्या लगता है आपको हो पाएगा? मेरे गए 10 के भाई प्रेमचंद भाई, तो ओवल से क्यों नहीं एंट्री ली थी आपने, अपोजिट एंट्री क्यों ली क्योंकि मैनचेस्टर पे, वाह किसने रोका था आपको। अगली गेंद लेकर चलते हुए यहां पर चौंकने पर फिर से सीधे बल्ले से खेला इस शॉट को, गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिल गया है, दूसरा भी पूरा करते हुए यहां पर। जी हां, अपील जरूर कर रहे हैं मगर रन पूरा कर चुके हैं यहां पर। यहां पर होल्डन, मैक्स होल्डन स्कोर होता हुआ 111 रन 5 विकेट नुकसान पर, 80 गेंदे हो चुकी है, 20 गेंदे 51 रनों की जरूरत। अगर बता दें आईपीएल में हमने 18 गेंदों के अंदर भी 50 रन बनते नजर देखे हैं, क्या ये काम, जी हाँ क्या ये काम कर पाएंगे यहां पर, ये देखना होगा। देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में। बात की जाए तो अब सिचुएशन यही है, 111 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर, 80 गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर, नॉट चेक कर रहे हैं, नॉट वैसे है नहीं, और अभी चाहिए 51 रन 20 गेंदों में। लाइक करिएगा आप सब, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। और यहाँ पर नीरज कुमार भाई पैसे लगाए, इतनी इनकी पार्टनरशिप 45+ हो, चलो भाई देखो छक्के छक्के लगवा दे क्या इस गेंदबाजी करने के लिए। अब सैम करण आए हैं, इनका अगर एक ओवर पिट जाए ना मजा आ जाएगा भैया, ये दोनों से थो नहीं हो पाएगा भाई, ये हो सकता है भाई कुछ भी, क्रिकेट में देखो कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा ओवर तो चाहिए यार, एक बड़ा ओवर चाहिए, 20-22 रन का मैच बन सकता है। 18 गेंदों में अगर 50 रन बनाते तो एक बड़ा ओवर तो मांगते हैं कि 20 रन का ओवर आ जाए। क्यों डरा रहे हो दिवाकर भाई, विकेट गिरवाओ, जसफैज भाई कैश आउट कर लीजिए, इतना लाज बुरी बला होता है, दो पैसे बचा के क्या कर लेंगे यहाँ पे, कैश आउट कर लीजिए, एक टीम के साथ मत रहिएगा। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर सैम करण सामने है, मैक्स होल्डन को इस ओवर को बड़ा करना होगा। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए मैं यहाँ पर सैम करण ऑफ्टॉप का पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जाते हुए सीधा मिड विकेट दिशा में, एक रन मिलेगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए जेमी ओवरटन, 19 गेंदे 50 रनों की जरूरत। यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके से
बल्लेबाजी जो है वो चलते हुए नजर आएगी इस मुकाबले की। आखिरी की 19 गेंदें बची हैं। अगली गेंद सैम करन के इस ओवर की, जैमी ओवरटन है स्ट्राइक पर, ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, लक्ष्टम के बाहर ये गेंद थी, वाइड करार कर दिया। जी हाँ, वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को। 19 गेंदों में 49 रन चाहिए अभी जीतने के लिए, हर 5 गेंद पे 13 रन चाहिए आपको। हर 5 गेंद पर आपको 13 रन चाहिए। अब देखते हैं क्या 13 रन बन पाएंगे हर 5 गेंदों के ऊपर, ये समझना होगा, ये जानना होगा। यहाँ पर देखते हैं अभी क्या करेंगे इस गेंद के ऊपर। अगर सामने मौजूद बल्लेबाज जेमी ओवरटन है, जेमी ओवरटन जो है अब स्ट्राइक मौजूद, फुल स्लो रन गेंद, कलायो के सारे खेला है डीप मिड विकेट दिशा में, फील्डर मौजूद, एक रन मिलता हुआ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसे एक रन के साथ स्ट्राइक पे आते हुए मैक्स होल्डर, मैक्स होल्डन है स्ट्राइक पर। तो मैक्स होल्डन से कोशिश है, अब देखो क्या करते हैं मैक्स होल्डन, किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। आखिरी की 18 गेंदें बची हैं, 48 रन चाहिए जीतने के लिए। अब अगली गेंद सैम करन के इस ओवर की, अपील करी है जोरदार अपील, यहां पर देखने वाली बात रहेगी। एक रन तो ले लिया है अंपायर ने, कोई इशारा नहीं दिया है, क्या रिव्यू लेना चाहेंगे सैम करन? सैम बिलिक्स ने कहा जी हाँ रिव्यू लेना चाहेंगे, जी हाँ रिव्यू ले लिया है यहाँ पर सैम करन के लिए। जी हाँ, सैम करन की बात सुनकर रिव्यू जो है वो ले लिया यहाँ पर। आखिरी की गेंदें बची हैं, इन आखिरी गेंदों के ऊपर कितना रन बनेगा, क्योंकि अगर बात की जाए 17 गेंदों 47 रन चाहिए जीतने के लिए, क्या 17 गेंदों में 47 रन जो है बनते नजर आएंगे? अपील जरूर की थी यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्टम के बाहर जा रही थी गेंद। लक्ष्टम के बाहर जा रही थी गेंद, शायद देखना होगा। जी हाँ, यहाँ पर आउट रहेंगे, जी हाँ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आउट रहेंगे, और विकेट गिरता हुआ मैक्स होल्डन का, और मुकाबला जो है ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ यहाँ पर। जी हाँ, मैक्स होल्डन का विकेट गया और ये खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, समझ लीजिए। अब महज एक औपचारिकता है क्योंकि और कोई बल्लेबाज बचा नहीं है, 4 विकेट हाथ में है यहाँ पर, 17 गेंदों में 48 रन चाहिए, तो कौन निकालेगा? जेमी ओवरटन अभी तक 10 गेंद खेलकर 12 रन बनाए हैं, अब ज्यादा बल्लेबाजी है नहीं यहाँ पर, बल्लेबाजी में बचा कुछ नहीं है। अब हम मैनचेस्टर के पास, और मैनचेस्टर की टीम एक और फाइनल हारने के करीब है, कुछ करिश्मा ही करना होगा, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज टॉम हार्टली हैं, जॉश लिटिल है, जमान खान है, और रिचर्ड गैल्सन है। तो क्या जेमी ओवरटन अकेले मैच को पलट सकते हैं? ये थोड़ा नामुमकिन हो जाएगा। देखते हैं अभी क्या होता है। सैम करन कर रहे हैं गेंदबाजी, जी हाँ सैम करन यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में, और 17 गेंदें बची हैं। सामने मौजूद बल्लेबाज टॉम हार्टली, जी हाँ टॉम हार्टली हैं, टॉम हार्टली बाएं हाथ के बल्लेबाज, उनके सामने गेंदबाज सैम करन। सैम करन के ओवर की अगली गेंद, टॉम हार्टली को ऑस्ट्रेलिया की तरफ पटकी हुई गेंद, सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। अब 16 गेंदों में 47 रन चाहिए, जी हाँ जेमी ओवरटन के पास यही 6 गेंदें हैं मैच को वापस अपनी तरफ खींचने का। क्या जेमी ओवरटन इन 6 गेंदों में 15 या 20 रन जोड़ सकते हैं मुकाबले में बने रहने के लिए? देखते हैं क्या करेंगे जेमी ओवरटन। और अगर देखा जाए जेमी ओवरटन की कोशिश यही है रन्स जो है बनाने होंगे। अगली गेंद सैम करन के सो, जेमी ओवरटन को फुल स्लो रन गेंद, एक बार फिर से गेंद पैड पे लगी शायद, और जी हाँ नहीं अंपायर ने वाइड दिया है, ऐसा लगता पैड पे लगी है, वाइड दिया यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल यहां से खत्म होता है इस मुकाबला। चलिए यहां से अब जेमी ओवरटन अगली गेंद फुल ऑन की गेंद, सिंगल लिया इस गेंद पर, और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक पे सिंगल ने 2 रन ले लिए। चलो जेमी ओवरटन जो है दो भगा रहे हैं रन, 15 गेंदे 44 रन, यार अगली 5 गेंदों में कितने मार देंगे, 20 रन और मार देंगे, 24 से ही होंगे 10 पे, मुश्किल है जेमी ओवरटन के लिए, शायद बहुत मुश्किल कर दिया है मुकाबला। शायद स्टार्ट में अगर जेमी ओवरटन आता तो शायद कुछ होता,
कि बीच में जो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज आए थोड़ा धीमा खेले और मुकाबले में काम होने। बॉय वाइड बॉल क्यों भाई? नहीं भाई वाइड बॉल इसलिए था लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, इसलिए वाइड दे दिया था अंपायर ने। हाँ यहाँ से अब बचा हुआ खेल की बात करें तो बचे हुए खेल की बात करें तो यहाँ से गले बात करें बचे हुए खेल की तो अब 15 गेंदों में 44 चाहिए, 7 छक्के चाहिए, मतलब हर दूसरी गेंद पर छक्का चाहिए। देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर। जेमी वॉल्टन आखिरी उम्मीद है शायद मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के, अगली 4 गेंदें तो खेलनी ही पड़ेगी, उसको सिंगल लेकर आखिरी 10 गेंदें वो खेलें तो शायद बेटर रहेगा। यहाँ पर देखते हैं क्या जेमी वॉल्टन कितने रन जोड़ते हैं। चलिए आप सब लोग जो है वो सेटबेट से जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपये का है, और मिनिमम बैट जो है 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। तो जाइएगा डिपॉजिट करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइचर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा सेटबेट के साथ। यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट 200 रुपये का, मिनिमम बैट जो है 10 रुपये की है। पहले डिपॉजिट करेंगे तो आपको 100% का बोनस मिलेगा। मान लीजिए 200 रुपये डिपॉजिट करेंगे 200 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे 1000 का एक्स्ट्रा बोनस। डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, बैंक ट्रांसफर से डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। तो फटाफट जो है जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सेटबेट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। यहाँ पर बल्लेबाजी तैयार होते हुए जेमी ओवरटन गेंदबाजी के लिए, अब कौन आएगा जी हाँ, और बल्लेबाज गेंदबाजी के लिए शायद यहाँ पर टॉम करने कौन आएगा यहाँ पर, ये भी देखना होगा। देखते हैं अगली गेंद जेमी ओवरटन को, इस बार पटकी हुई गेंद थी, पुल किया, सिंगल लिया इस गेंद पर। तो भाई अब मुकाबला में उतना नहीं चलेगा कुछ लंबा, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यार, थोड़ा सा आंखों में जलन भी हो रही है आज, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते हैं क्या होता है।
पहले ब्रेक जो है वो खत्म हो चुका है यहाँ पर। टॉम हार्टली ने जो है वो स्टार्ट कर दिया है काम अपना, चार गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली गेंद थी इस बार और छक्का बटोरा इस गेंद पर, 136 रन बन चुके हैं 6 विकेट नुकसान पर। 9 गेंदों में 26 रन चाहिए तो इस ओवर के अंदर अब 14 रन और जोड़ने हैं। तो क्या लगता है आपको मुकाबला बन सकता है? अगली गेंद पर फिर से स्लो वन गेंद खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिल गया है इस गेंद पर 2 रन लेते हुए। जी हाँ, 8 गेंदे 24 रन यहां से बची हुई 3 गेंदे। जी हाँ, बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर 10 रन या 12 रन जोड़ लें तो आखिरी की 5 गेंदों के ऊपर कुल मिला के 14 या 12 रन चाहिए होंगे। तो अगली 3 गेंदे बड़ी इंपॉर्टेंट है। टॉम हार्टली है मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज, कोशिश करें कम से कम 2 चौके या फिर 1 छक्का 1 चौका जरूर लगाए यहाँ पर। अब देखते हैं टॉम हार्टली क्या कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर जो है टॉम करन अगली गेंद लेकर चलते हुए ओवर की, ओवर द विकेट। यहाँ पर टॉम हार्टली को लेग स्टंप की तरफ गेंद थी इस बार, स्कूप शॉट खेलने गए थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद आ चुकी है। 7 गेंदे 24 रनों की जरूरत, 4 छक्के, यहाँ से मैनचेस्टर को ट्रॉफी जिता सकते हैं। क्या टॉम हार्टली कर पाएंगे? 6 गेंदों से 14 रन बनाए हैं, आगे बची हुई 2 गेंदों के अंदर कोशिश यही है कि कम से कम 1 छक्का 1 सिंगल ले लें। ओवरटन को स्ट्राइक दे, क्या ओवरटन लगा सकते हैं? बड़े शॉट के ओवरटन जो है वो आराम से खेल रहे हैं। टॉम हार्टली कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए। यहाँ पर टॉम करन के ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, सामने मौजूद हार्टली पर लेग स्टंप पे गेंद थी, सिंगल लिया इस गेंद पर तो 6 गेंदे 23 रन। ये तो मुकाबला इस प्रकार हो गया है कि T20 में 6 गेंदे 23 रन चाहिए हो तो बहुत ही कम देखने को मिलता है हमें चेज होते हुए। तो क्या लगता है आपको यहाँ से यहाँ पर ओवरटर्न कर सकते हैं? क्योंकि 4 छक्के चाहिए इन 6 गेंदों के अंदर, 4 गेंदों में, अब यहाँ पर 6 गेंदों में 4 छक्के चाहिए। और अगर बात की जाए तो सामने मौजूद ओवरटन है, ओवरटन अभी भी 14 गेंदों में 21 रन खेल रहे हैं, क्या ये कर सकते हैं टॉम करन की ये गेंद? सामने मौजूद दो यहाँ पर ओवरटन, एक बार फिर से फुल यॉर्कर गेंद थी, इस बार डिफेंस कर दिया इस गेंद को, यहाँ पर रोका इस गेंद को और कोई रन नहीं मिला। तो स्कोर अभी भी 95 गेंदों के बाद 139 रन 6 विकेट नुकसान पर, 95 गेंदे हो चुकी हैं, 5 गेंदों में 23 रन चाहिए, 4 छक्के, यूं कहें कि हर यहाँ पर 3 छक्के 1 चौका 1 सिंगल, ये भी मान सकते हैं 3 चौके 1 छक्का 1 सिंगल, 3 छक्के 1 चौका 1 सिंगल ये भी हो सकता है, या फिर 3 चौके लगा दें यहाँ पर और 2 छक्के लगा दें ये भी हो सकता है। भाई देखो क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मुकाबला जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने का कर पा चुका। मगर आप बाकी आप सब लोग जो है जुड़ते रहिएगा सेटबेट के साथ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव शो में पिन कर दिया है, और अगर देखा जाए उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 200 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 रुपये की है, और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है। जाकर ज्वाइन करते रहिए सेटबेट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव शो में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। यहाँ पर सैम करन गेंदबाजी करने आए, सैम करन को पहले गेंद ऑस्टम की तरफ, ये गेंद थी सीधे बल्ले से खेला जेमी ओवरटन ने, 1 रन तो मिल गया है प्लेयर से, वहाँ मिसफील्ड हुई और 2 रन लेते हुए इस गेंद पर। जी हाँ, इस 2 रन के साथ 4 गेंदों में 21 रन चाहिए जीतने के लिए। एक ही बड़ा शॉट लगाया जेमी ओवरटन ने, सिर्फ 1 छक्का लगाया है, अगली 4 गेंदों में इतने बड़े शॉट। अच्छा, जेमी ओवरटन को लेट भेजा गया, शायद पहले भेजते तो टिक्के भी खेलते शायद, तब दूसरे बल्लेबाज जो है वो शॉट खेल पाते यहाँ पर। अगले देखते हैं अगली गेंद, फिर से जेमी ओवरटन को ऑस्टन के बाहर पटकी हुई गेंद, कट कर दिया है गेंद को, डीप पॉइंट दिशा में गई है गेंद, 1 रन नहीं 2 रन भी ले लिए हैं। चले दूसरा रन भी पूरा करते हुए यहाँ पर, और बात की जाए तो बस अब महज औपचारिकता है, अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए तभी मैच टाई होगा, बाकी अब यहाँ से ओवल हारेगा नहीं, यहाँ से ओवल हारेगा नहीं और मैनचेस्टर यहाँ से जीतेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टाई का माहौल बन सकता है। 3 गेंदों में 3 छक्के लगा के टाई करा सकते हैं अगर यहाँ पर सैम करन नो बॉल ना फेंके तो। यहाँ पर जेमी ओवरटन थोड़ा सा इंजर्ड लग रहे हैं शायद, मगर ऐसी 2 रन लेने की जैसी जरूरत नहीं थी, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अभी भी 3 गेंदें बची हैं, लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहाँ पर ओवल विन बाय 11 रन, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जॉर्ज बटलर 50 रन मारेगा, मार दिया भाई उन्होंने, बहुत दूर से मार दिया है। क्या कमेंटेटर, बिल्कुल भाई धीरज कुमार भाई यही करने गए आज तो यही करने गए, मैं वही सोच रहा हूँ धीरज भाई इतनी देर से
जो है यहाँ पर बैठे हुए काफी देर से एंजॉय कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो धीरज कुमार भाई यही करने गए हैं। आदमी को प्रेशर जो है वो कभी भी आ सकता है कहीं ना कहीं। अब मैनचेस्टर ने तो प्रेशर दिया नहीं, ओवल ने बड़ा प्रेशर दिया था, उसको जो है रिलीज करके आए अभी आपके लिए धीरज कुमार सिंह भाई। सिन्हा भाई बताया क्यों नहीं आया कि आप भी बगल में बैठे हुए थे हमारे यहाँ पर, दोनों साथ में ही कर लेते। चलिए लाइक करिएगा और चलो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और देखा जाए 3 गेंदें बची हैं, अब 19 रन चाहिए जीतने के लिए, एक करिश्मा ही चाहिए होगा यहाँ पर। चेमी ओवरटन की टांग खींच गई है, अब टांग की एक्सरसाइज कराने बची हुई 3 गेंदों के ऊपर, ऐसे ठीक कराने के बची हुई 3 गेंदों 3 छक्के मार के मैच को टाई करा देंगे। देखते हैं अभी क्या होता है। चेमी ओवरटन शायद वापस जा रहे हैं क्या, जी नहीं बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाजी जो है वो करेंगे, क्या चेमी ओवरटन कर पाएंगे। बैटिंग कहाँ बताओ भाई, न्यू हूँ बैटिंग का भाई, न्यू हो तो क्यों खेलना चाहते हैं रियर फोल्ड्स भाई, शॉर्ट्स भाई मत खेलिए, छोड़ दीजिए। बैटिंग से क्या हुआ है भाई, फालतू में नए नए हार जाएंगे रोते रहेंगे, जो जो प्रोफेशनल है वो तो खेल ही रहे हैं, उन पे जिम्मेदारी रहने दीजिए, उनके कंधों पे जिम्मेदारी रहने दीजिएगा। चलिए जेमी ओवरटन जो है वो तैयार होते हुए अब अगले 3 गेंदों को खेलने के लिए। सैम करन कर रहे हैं गेंदबाजी, 3 गेंदे 19 रन, खेला नहीं पहला हो रहा है भाई, प्रतीक शर्मा भाई खेला हो चुका है इस मुकाबले में, आप लेट हो थोड़ा सा, पहली गेंद पर ही खेला होगा था। अगली गेंद पर एक बार फिर से चलते हुए सैम करन की, जेमी ओवरटन है स्ट्राइक पर, स्लो ऑफ रन गेंद, कवर दिशा में खेला इस शॉट को, गेंद जाती हुई फील्डर के पास। अब यहां से डिपॉजिट आईडी में कितना करना होगा, 200 रुपये भाई, प्रेमचंद भाई सटबट के ऊपर 200 रुपये डिपॉजिट करके आप यहाँ पर जो है आई डी सकते हैं। चलिए यहाँ से अब मैनचेस्टर इस मुकाबले को जीत नहीं सकता और ओवल की टीम यहाँ से हार नहीं सकती, तो ओवल की टीम बिल्कुल तैयार है यहाँ पर जो है ट्रॉफी, जी हाँ ट्रॉफी के करीब पहुँचती हुई महज एक औपचारिकता बची है, सिर्फ 2 गेंदे, ये 2 गेंदे डाल दें तो मैच खत्म हो जाएगा। चलिए अगली गेंद यहाँ पर ऑस्टन के बाहर सीधे बल्ले से खेला है, गेंद को फील्ड कर लेंगे, 1 रन और मिलता हुआ इस गेंद पर, आखिरी गेंद बची है, 26,000 लॉस। बताओ ऐसे मैच में भी लॉस करा करा के बैठे हैं, क्योंकि भाई दिक्कत क्या है ना, तुम्हें मैनचेस्टर जितानी थी, तुम सब लोग टीम देखते हो एंट्री नहीं देखते हो, तुम्हें किसी ने बोल दिया टीपर ने मैनचेस्टर जीतेगी, तुम वेट करोगे मैं यहाँ पर ओवल की टीम फेवरेट आए तब मैं मैनचेस्टर पे एंट्री लूँ, और यहाँ पर तुमने अकल लगाया कि ओवल 15 पैसे लग जाती वहीं एंट्री ले लेते छोटी सी, मगर नहीं तुम्हें किसी ने कह दिया कि मैनचेस्टर, तो तुम जाके पहले अब वेट करोगे, मैं ओवल को देखोगे ओवल फेवरेट आए ओवल नीचे लगे तब हम मैनचेस्टर पे एंट्री लेंगे, क्योंकि हमें पता, हमें तो वो जो है सब ज्ञान ही है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं भाई एंट्री के साथ चलिए। और मैच मैंने पहले ही बताया था विड्रॉल कितने पे होगा भाई, विड्रॉल भाई अरविंद सचिन भाई आपके अकाउंट में 1 रुपया विड्रॉल कर लीजिए आप। चलिए ओवल की टीम जो है वो यहाँ पर मैच जीतती हुई, ओवल की टीम द मेंस 100 वो मैं जब यहाँ पर ओवल की टीम द 100 मेंस कॉम्पिटिशन 2023 का खिताब जीतती हुई यहाँ पर, 14 रन से इस मुकाबले को अपने नाम किया और ओवल की टीम ने इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है, जी हाँ ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है और ओवल की टीम जो है वो इस मुकाबले को जीत चुकी है। ओवल जो है ओवल वाले भी लाइक पैसा ही पैसा होगा, ओवल की बात ही नहीं है भाई, टीम की यहाँ बात ही नहीं है, बहुत से लोग मैनचेस्टर में थे मगर एंट्री अच्छी मिली, उन्होंने ओवल पर एंट्री ली दबा के, तो बस हमारा खेल का तरीका ये है कि आप टीम मत देखिए, मैं 10 बार समझाता हूँ, टीम बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखिए कि आपको प्रॉफिट बनाना है किस टीम के साथ बना सकता है, बना लीजिएगा। मैनचेस्टर का चेस्ट टूट गई है भाई, हाँ जी भैया चलिए मुकाबला जो है वो खत्म हो चुका है और ये द 100 कॉम्पिटिशन मैन कॉम्पिटिशन भी खत्म हो चुका है, बड़ा ही अच्छा रहा, कुछ मैच में हम करें कर पाए, कुछ मैच हम नहीं कर पाए द 100 के, मगर जितने भी करे बड़े ही अच्छे गए मुकाबले, धन्यवाद आप सब लोगों का भी सपोर्ट करने का। ओवल की टीम जो है वो 14 रन से इस मुकाबले को जीत कर ट्रॉफी अपने नाम करेगी और यहाँ से अगर बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा ये खेल, खेल काफ़ी अच्छा हुआ, बाकी जो जीते हैं उनके लिए बढ़िया है, जो हारे हैं वो सबक लीजिए, वो सबक लीजिए कहीं ना कहीं, अगर सबक नहीं ले सकते तो भाई टीम मत देखिए हमेशा हमेशा देखिए कि भाई मैच में कौन सी टीम कमज़ोर पड़ी हुई है, एंट्री ले लीजिए, आपकी हो दूसरी की हो, उड़ना होगा तो वैसे ही उड़ेगा, नहीं उड़ना तो वैसे ही हार जाएंगे आप, मगर आप सोचा नहीं लोगों ने मैनचेस्टर कहा है, ये रिपोर्ट ढूंढने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि मैच से पहले 4 घंटे जो लोग रिपोर्ट ढूंढते हैं ना, कोई रिपोर्ट नहीं होती, आपको मैच के टाइम ही पता लगता है कि कौन सी टीम बेहतर खेल रही है। आज ओवल की एंट्री सिर्फ मेरी तरफ से ही आई होगी आपको, यहाँ पर
जब लोगों ने ओवल की एंट्री ली, मेरी तरफ से ली, मैंने कहा था खाओ खाओ यहाँ से, मैच तो बनेगा ही बनेगा। चलिए यहाँ चलते हैं, अब विदा लेते हैं आप सब लोगों से, धन्यवाद आप सब लोगों को सपोर्ट करने का। अब मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम पे, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। जिनको जो जीते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो हारे हैं उनके लिए थोड़ा सोचने का समय है कि सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि टीम नहीं, हमें अपना प्रॉफिट निकालना है। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री, लाइव हिंदी सब, मिलेंगे आपसे अगली स्ट्रीम पे, तब तक के लिए भाई सही भाई को गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत।